हेलो यस yes, भाई राम राम भाई सारियाने जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेक्चर मस्त और धमाकेदार वीडियो में में आज की की क्लास हम बात करने वाले तथा तो दो चैप्टर एक शॉट खत्म जिस चैप्टर को जितनी जरूरत हो उतना ही टाइम देना है ज्यादा टाइम नहीं देना चाहकर भी नहीं देना मन करे ना तब भी नहीं देना और जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चन उनके उन उस चैप्टर को और अच्छे से करना है ये आपका टारगेट होना चाहिए अभी एग्जाम के टाइम में ये आपका टारगेट होना चाहिए अभी एग्जाम के टाइम में तो अगर आप सभी लोग तैयार हो तो फिर मचाए धमाल जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर आप पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर को तो भी आपके लिए फायदेमंद है अगर आप पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर को तो भी फायदेमंद है दूसरी बार देख रहे हो तब भी फायदेमंद है आव्यू आता है तब भी फायदेमंद है रिवीजन तो हो ही जाएगा जल्दी जल्दी कवर करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही टाइम दिया जाएगा ठीक है तो अगर आप सभी लोग तैयार हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्यारी सी बात लिख दीजिए आर रेडी सर कि हम सभी लोग तैयार हैं देखिए क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो ठीक है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं चलो अच्छा एक बात बताओ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है पूछ लू क्या वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेट वेट नहीं हुआ सिस्टम ऑन करते ना तब उसमें टाइम लगता बाकी लेट वेट कैसा कोई सीन नहीं चलिए साहब स्टार्ट कर देते हैं फिर समय जाया नहीं करेंगे स्टार्ट कर देंगे हेलो इसीलिय चलो पढ़ाई मखन करते हैं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो लाइक नहीं किया हो तो लाइक वाला बटन आपके सामने है ठोक सकते हो और उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसके अलावा आप हमें हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पर आशीष सिंह लेक्चर्स के नाम से आपको चैनल मिलेगा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो किस, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब से भी पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है जैसे मान लीजिए कल कौन सी क्लास होने वाली है उसका उसका नोटिफिकेशन जो है वो आज ही आपको मिल जाता है और उसके अलावा आखिरी चीज आती है एप्लीकेशन अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है देखिए क्या होता है आपको ही पता है कि अगर आप अगर आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ पढ़ना आपके लिए बेकार है एप्लीकेशन में क्या होगा कि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से हटकर जो अलग क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन तो आप इतनी बार देख चुके होते हो कि आप रट चुके होते हो उन क्वेश्चन को वो आपके दिल जहन जिगर फेफड़े गुर्दे नड़ी पाया सिर सब में बैठ चुका होता है है हाँ ना तो इसलिए थोड़े से अलग से हटकर क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो उसके बेस पर आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है प्लस आप क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ठीक है तो जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो जल्दी से फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आता है आपके पास आज हम क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले बता दूं सब आवयु कवर करना है आवयु के प्रकार कवर करने हैं आवियो पर संक्रियाएं कवर करेंगे योग कवर करेंगे एक आवयु का अधिश गुणन कवर करेंगे ये सारे टॉपिक आवयु के योग के गुणधर्म क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे एक आवयु के अधिश गुणन के गुणधर्म क्या है और आवयु का गुणन क्या है ये डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद आता है आवयु के गुणन के गुणधर्म क्या होंगे अवयु का परिवर्त क्या होगा सम्मित तथा विषम सम्मित आवयु क्या होगा आवयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं ये वाला टॉपिक आपके हट चुका है अगर आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ठीक है मणी आवयु क्या होता है और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ये वाला एक ही दोनों दो टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आवयु का वितक्रम ज्ञात करना ठीक है अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि ये तो अभी आवयु का है इसके बाद सारणिक का भी है और आज ही कवर करना है ठीक है सर ये एक्सरसाइज तो सबसे आसान है इसीलिए फटाफट कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद सीधा सारणिक पर मूव करेंगे आव्यू की बात करते हैं। आव्यू होता क्या है देखिए अगर परिभाषा की बात करोगे तो थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है आपको है ना परिभाषा की बात करोगे थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन जो लाइन लाइन बता ना, उस को याद रख लीजिए आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव इसको कौन छेड़ता है यार आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव अब इसको समझना थोड़ा सा कि ये है क्या चीज कि आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव के बात कर रहा है इसका मतलब आयत की बात कर रहा होगा आयताकार का मतलब क्या होता है आयताकार का मतलब होता है कि सर या तो या तो ये इस फॉर्मेट में होगा आयत का जैसा होगा आयत कैसा होता है बस दोनों में फर्क क्या है इसमें थोड़ा सा आप गैप डाल सकते हो या ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा इन तीनों में से किसी भी एक शेप का हो सकता है क्या और भी कोई तरीका है हां पर उसमें आयताकार का जैसा दिखेगा नहीं बट उसकी तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं जैसे ऐसे ऐसे ठीक है आयताकार रूप में व्यवस्थित तो आयत के रूप में हो गया अब क्या करना है व्यवस्थित व्यवस्थित किसको करना है कि अवयव को अवयव क्या चीज है यह है आपका अवयव अवयव को हम दर्शाते हैं ए से या बी से किसी से भी दर्शा सकते हैं ए से या बी से दर्शा सकते हैं अवयव को नाम भी हो सकता है जैसे राम शाम गीता सीता ये सब क्या है ये सब नाम है इनको भी हम दर्शा सकते हैं ये भी अवयव का काम ही करेंगे लेकिन सर कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सर ये एक अवयव है अरे भाई कुछ भी लिख सकते हो आप कुछ भी आपका नाम लिख दो आपके दोस्त का नाम लिख दो सबके नाम लिख दो अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको देखना समझना इसको कि जैसा कि आपने देखा कि आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव जो है वो अवयु कहलाते हैं व्यवस्थित अवयव ठीक है अब इनको दर्शाते है कैसे हैं इनको दर्शाने का तरीका होता है कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर से इसे दर्शाया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ठीक है और अवयव को अवयव को हम दर्शाते हैं ए से इसके अलावा अवयव के अलावा और क्या आता है इसमें अब इसको समझना कि आयत के रूप में किस तरह से मान लीजिए मान लीजिए आपका एक दोस्त है राम और आपका एक दोस्त है श्याम राम और श्याम दो दोस्त हैं आपके ठीक है तो राम और श्याम दो दोस्त हैं तो इन दोनों के पास है क्या इन दोनों के पास कुछ किताबें हैं और कुछ पेन हैं अब इसको इस तरह से लिखें कि हम एक बार में देखते ही समझ जाएं कि राम के पास इतने पेन हैं इतनी किताबें हैं शाम के पास इतने पेन हैं इतनी किताब ये तो दो ही लोग हैं ऐसे अगर सौ लोग हुए तो दो लोग हैं तो मैं बोलूंगा किस तरह से लिखो तो आप बोलोगे कैसे बातें कर रहे हो ऐसे थोड़ी होता है कोई ऐसे तो हम वैसे याद कर लेंगे दो लोग ही तो है लेकिन अगर सौ लोग हुए तो ज़्यादा भी तो हो सकते हैं लोग तो कितने भी हो सकते हैं तो इस केस में राम के पास क्या पुस्तक कितनी है बुक इंग्लिश में लिख देता हूं बुक और इसके पास क्या पेन कितने है? तो मान लेते हैं थोड़ा रुक कर मानते मानने नहीं देगा राम के पास दो बुक है और तीन पेन है शाम के पास चार बुक है और ये शाम थोड़ा सा अच्छे घर से आता है इसलिए इसके पास पांच पेन है ठीक है अब आप इसको देख के बता दोगे मुझे कि सर राम के पास अगर मैं नहीं भी बोलता और लिख देता तो भी बता देते कि राम किताब दो मतलब राम के पास दो किताब है राम पेन तीन तो इसका मतलब राम के पास तीन पेन है राम शाम किताब चार और शाम के पास पेन कितने पांच इसी को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं इसी को अगर मैं इस तरह से बना देता हूं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो ऐसा तो ये क्या बन जाएगा सर अब अब ये एक आव्यू बन अब आव्यू में जो अवयव होता है जिसको आप ए से दर्शाते हो अब जैसे दो है ठीक है दो से पहले एक और चीज देखो एक और मजेदार चीज बताता हूं मान लीजिए आपके कुछ बहुत अच्छे क्यूट दूसरे दोस्त है मेरे जैसे क्यूट से दोस्त है मेरे जैसे बिल्कुल एक का नाम है हरी एक का नाम है इसको ऐसे लिख लो राम श्याम हरी राधा सीता और गोपी ठीक है और लिख लो इसमें वरुण सूर्य चंद्रमा ठीक है आपके कुछ दोस्त हैं, राम श्याम हरि, राधा सीता गोपी वरुण सूर्य और चंद्रमा और ये लोग बैठे किसी के क्लास के अंदर ठीक है समझना कंसेप्ट समझो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कुछ रटने फटने की जरूरत ही नहीं है कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको अब आप एक क्लास में गए ये दरवाजा है अंदर एंटर किया आपने अंदर जाकर देखा कि आगे तीन बच्चे बैठे हैं, फिर उसके पीछे तीन बच्चे बैठे और उसके पीछे तीन बच्चे बैठे अब मैं आपसे क्या क्या पूछता हूं ध्यान से सुनिएगा कि जब आप रूम में गए तो पहली पंक्ति में कितने बच्चे बैठे थे अब आप बोलोगे पंक्ति क्या होती अरे भाई ऐसी आरडी पहली पंक्ति में कितने लोग बैठे तो आप क्या बोलोगे सर पहली पंक्ति में तीन लोग बैठे तो ये है आपकी पहली पंक्ति ये क्या बन गई पहली पंक्ति ये क्या बन गई सर दूसरी पंक्ति में कौन बैठा है दूसरी पंक्ति में बैठा है राधा सीता और गोपी और तीसरी पंक्ति की अगर मैं पूछूं यार गेट के घुसते ही कौन कौन बैठा है तो आप बोलोगे वरुण सूर्य और चंद्रमा तो यह है तीसरी पंक्ति अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भैया कमरे में घुसते पहले वाले स्तंभ में कितने लोग बैठे तो आप बोलोगे पहले वाला स्तंभ मतलब अगर ऐसी पंक्ति तो सिंपल सी बात है कि स्तंभ तो ऐसा ही होगा तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर यह पहला स्तंभ है यह क्या बन गया पहला स्तंभ भाई साहब इतनी सर्दी है आज क्या ही बताऊं आपको यह है दूसरा स्तंभ और यह है तीसरा स्तंभ ठीक है क्लियर है देखिए जितना आसान होगा ना मैं उतना ही आसान बनाऊंगा इसको और कोशिश करूंगा कि किताब की भाषा ना ही बोलूं तो ज्यादा बेटर है इनको एक डब्बे में डाल दो अब इसमें पंक्तियां कितनी है तीन ठीक है और स्तंभ कितने हैं तीन तो पता कैसे लगेगा कि इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं तो आपने कहा कि ऐसे लिख दो यहां लिख दो तीन और यहां लिख दो तीन तीन बाई तीन मतलब तीन लोग पंक्ति में बैठे तीन लोग स्तंभ में बैठे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कमरे में अब मान लीजिए आपको बुला लिया मैंने किसी और को भेजा मैंने कहा जा रहे कमरे में पता लग के पता करके ए टू थ्री पर कौन बैठा है हा? ए टू थ्री ये क्या होता है अरे चाचा दूसरी पंक्ति तीसरे अवयव का आदमी कौन है या औरत कौन है तो आप बोलोगे दूसरी पंक्ति ये रही तीसरा अवयव ये रहा यानी कि गोपी जो है वो बैठा है वहां पर अब अगर मैं पूछूं ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझा दो फिर फटाफट भागेंगे बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ दो फिर भागने का काम है और कुछ नहीं करेंगे ठीक है समझ में आया तो आपने कहा कि सर किसी भी अवयव को दर्शाने का जो तरीका है किसी भी सारणिक को बनाने के लिए हम किस तरह से दर्शाते हैं इसके लिए हम दर्शाते हैं ऐसा ए ए से आपने सारण ए से आपने अवयव को दर्शाया अवयव के लिए हम काम में लेते हैं ए आई और जे और यहां पर लिख देते हैं एम गुणा एन अब आप पूछोगे आई क्या है जे क्या है एम क्या है एन क्या है आई का मतलब है यहां पर पंक्ति पंक्ति कौन से नंबर की पंक्ति है है ना यह क्या है स्तंभ एम क्या है पंक्तियों की संख्या और एन क्या है स्तंभों की संख्या बस इस एक पेज में सब कुछ दिया हुआ है कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं इस तरह से अवयव होता है इसमें आई क्या है पंक्ति जे क्या है स्तंभ पंक्तियों को पंक्तियों की संख्या को हम एम से दर्शाते हैं और स्तंभों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो जल्दी से ले लो फटाफट <laughs> जी जी बिल्कुल ए चलाता हूं मैं जिससे मुझे नींद नहीं आती सही कह रहे हो आप बिल्कुल ठंड है तो क्या करें क्लियर है यहां तक यहां तक अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो आप पूछ सकता है ठीक है अब क्वेश्चन आता है अवियो की कोटी अब क्यों अब देखिए एक एक टॉपिक बता रहा हूं और थोड़ा सा फास्ट चलूंगा जैसा कि आपने अभी भी देखा कि ए बराबर मैं यहां पर लिख रहा हूं एक दो तीन ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है आप कहोगे इसमें तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ है तो ये जो तीन गुणा तीन है ना ये ही इसका क्या है कोटि ये क्या है की कोटि कोटि मतलब उसका क्रम इसके आधार पर आप बता सकते हो कि सर इसमें अवयवों की संख्या कितनी है अगर ये तीन इंटू तीन है तो आप बता दोगे सर नौ अवयव है एक इंटू दो हो सकता है दो इंटू दो हो सकता है है ना अच्छा जीरो नहीं हो सकता ठीक है कोटि के बाद आता है अवयो के प्रकार इसमें सबसे पहले आता है स्तंभ अवयु बोलने से पता लग रहा है जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो तो बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं स्तंभों की संख्या एक स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या एक ठीक है उदाहरण इसका एग्जाम्पल क्या कहता है इसका एग्जाम्पल कहता है जैसे ये आपने एक मैट्रिक्स बनाया इसमें स्तंभ पहला पहले नंबर पे पंक्ति आता है दूसरे नंबर पर स्तंभ आता है तो पहले नंबर की जो पंक्तियां हैं उसको तो आप एम लिख दो स्तंभों की संख्या कितनी है स्तंभ एक ही रहेगा उदाहरण और दे सकते हो आप इसके बिल्कुल दे सकते हैं और उदाहरण देखो इसके Osionfish. एक और दो तो ये देखो दो पंक्ति है लेकिन स्तंभों की संख्या एक ही है और देखो एक दो तीन तीन पंक्ति है लेकिन स्तंभों की संख्या एक ही है अगर मैं आपसे पूछूं पंक्ति आवयु क्या होता है तो आप कहोगे सर पंक्ति आवयु वो हो होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो वह आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या एग्जाम्पल देख लो ये कोई भी एक मैट्रिक्स है तो यहां पर एक इंटू एन लिख सकते हो ठीक है और देखोगे इसका एग्जाम्पल तो आप ये देख सकते हो एक और दो तो एक पंक्ति है दो स्तंभ है एक दो और तीन एक पंक्ति है और तीन स्तंभ पंक्ति की संख्या एक नाम से पकड़ो बस मैं क्या कह रहा हूं जितना आसान हो सकता है ना उतना आसान तरीके से बताऊंगा ताकि चीजें जहन में बैठ जाए देखते फिर अगले नंबर पर आता है वर्ग आव्यू बोलने से पता लग रहा है कि इसमें अव्यू इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर तो यहां लिखो पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या ठीक है पंक्तियों की संख्या कितनी होती है एम एम किसके बराबर हो एन उदाहरण एक गुणा एक दो गुणा दो तीन गुणा तीन ठीक विकर्ण आव्यू बोलने से पता लग रहा है कि विकर्ण को छोड़कर सभी अब शून्य हो हेलो समझ आ रही बात विकर्ण आवयु विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो सिंपल इसमें तीन बातें ध्यान रखना पहली चीज तो यह कि एक वर्ग आवयु है यह एक वर्ग आवयु है विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य उदाहरण दो गुणा दो की देख लो विकर्ण को के अलावा सभी अवयव शून्य एक और दो कर देते हैं इसको जीरो कर देते हैं इसको जीरो कर देंगे विकर्ण के अतिरिक्त अच्छा मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है विकर्ण कौन सा वाला विकर्ण तो दो होते हैं पीछे में हो गए मतलब क्या कहना चाह रहे हो शोभा शोभा तुम्हें यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती तो विकर्ण आयु क्या कहलाता जाता है वह आवयु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो आप देख सकते हो विकर्ण के अवयवों को अगर हम छोड़ दें इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है शून्य क्लियर विकर्ण दो होते हैं ना तो इसके लिए आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये वर्गा भी होना चाहिए ए आई जे का मान जीरो होगा जब आई बराबर नहीं होगा जे के आप देखो इस स्थिति पर अगर हम बात करें तो ये कितना आता है ए वन टू आता है और यहां पर आई और जे का मान बराबर नहीं है ए टू वन है आई और जे का मान बराबर नहीं है क्लियर क्लियर है क्या ठीक है आगे चलें। इसके बाद आता है अधीश आव्यू इसमें भी तीन बातें ध्यान रखनी पहला एक मिनट बच्चों हेलो तो अधिश आवयु क्या होते हैं पहली चीज तो ये वर्ग होता है अगर ये वर्ग आवयु है तो इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये विकर्ण आवयु है विकर्ण आवयु है तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होगी तो अधिश आवयु क्या कहलाता है वह आवयु जिसमें वह आवयु विकर्ण के सभी अवयव समान हो विकर्ण के विकर्ण के सभी अवयव समान हो समान हो वर्ग आवयु और प्लस विकर्ण आवयु सर आपने दोनों क्यों लिखा अगर आप विकर्ण लिखते हैं तब भी काम चल जाता विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं ना इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं ठीक है इसको एक काम करो विकर्ण को अगर आप जोड़ोगे इसको उठा दो वर्ग अवयव से को, रखो विकर्ण के सभी अवयव समान हो जैसे आप ये देख सकते हो के और के और बाकी अवयव शून्य तो ये एक विकर्ण अवय का काम भी करता है ऐसा भी लिख सकते हो के फॉर कालू के फॉर कालू के फॉर कालू जीरो जीरो, जीरो 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 और जीरो ठीक है इसके लिए आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ए आई और जे बराबर के होगा किस केस में जब आई बराबर होगा जे के और ए आई जे का मान जीरो होगा जब आई बराबर नहीं होगा जे के क्लियर ये विकरण आवियो वापस रिपीट कर गया शायद ये वापस रिपीट कर गया इसको हटा दो आगे चलें अब आता है तत्समक आवयु मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए आवयु का प्रकार अगर आप आग नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप एग्जाम में पास हो जाओगे लेकिन क्या होगा हाँ अगर आप आवयु की आवयु की अगर हम बात करें अगर इसके टाइप नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आएगी ना वहां पर अगर कोई प्रकार आ गया जैसे आव्यू लिखा हुआ आ गया, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका मतलब जिसको बोलते हैं इकाई आवयु इसके लिए आपको अब जैसे ये प्रकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका उपयोग है प्रकार में इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा तत्सम आवयु कौन सा आयु होता है तो दो बातें ध्यान रखनी पहली चीज तो ये एक वर्ग आयु है पहली चीज तो ये कि ये एक वर्ग आवयु है ठीक है दूसरी बात ये जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसके लिए लिख लो कि ए आईजे बराबर कितना होता है ए आई जे मिनट ए आई और जे का मान एक होगा जब आई बराबर होगा जे के और ए आई जे का मान जीरो होगा जब आई बराबर नहीं होगा जे के ठीक है तो वर्ग अवयु होता है ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या कहता है अच्छा इसमें एक चीज और लिखो इसे हम आई से दर्शाते हैं आई से दर्शाते हैं आई एन का अगर ऐसा लिखा हो आई एन तो इसका अर्थ होता है एन क्रम का तत्समक कवयु तत्समक या इकाई आवयु एग्जाम्पल देखो इसका एक और एक और बाकी अवयव जो है ये भी जीरो और ये भी जीरो एक एक और एक बाकी अवयव क्या है जीरो इसको आप आई थ्री से भी दर्शा सकते हो ये क्या है इसे आप आई थ्री से दर्शा सकते हो कि तीन गुणा तीन ग्राम का इकाई आवी। और इसे आप आई टू से दर्शा सकते हो ठीक अरे वाह बहुत बढ़िया एन टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो आवी मेरे जैसा होता है बिल्कुल क्यूट एकदम सिंपल सा लिख लो कोई निश्चित क्रम नहीं होता कोई निश्चित क्रम नहीं होता कैसे दर्शाते हैं हम इसको दर्शाते हैं मोटे आलू से मेरी तरह से ठीके? ठीक है ठीक वेरी गुड बहुत बढ़िया और तीसरी बात ये जैसे इसका ये है ना बिल्कुल एक तरह से गिरगिट है ये कैसा भी रूप बदल लेता है सामने वाला कैसा है उसके हिसाब से रूप बदल लेता है मान लीजिए सामने वाला दो गुणा तीन की मैट्रिक्स है तो ये गिरगिट है ये भी दो गुणा तीन बना लेता है अगर वो दो गुणा दो है तो ये भी दो गुणा दो बना लेता है वो तीन गुणा तीन है तो ये भी तीन गुणा तीन बना लेता है गिरगिट है और इसके लिए एक चीज और लिख लो सभी अवयव शून्य होते हैं चलो एक काम करो सभी बच्चे करना लेकिन है ना सभी बच्चे काम करो छोटा सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन कौन से राज्य से हो आपके राज्य का नाम क्या है जल्दी से बताओ फटाफट अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान लिखना है ना और अगर आप यूपी से हो यूपी से लिखो पढ़ते हैं थोड़ा सा घूमते फिरते पढ़ते हैं यार इतना अपन को वो नहीं लेना लोड नहीं लेना दोगला और आवारा आवयों की समानता क्या होती है दो आवयु दो आवयु ए तथा बी समान आवयु कहलाते हैं यदि उनका क्रम तथा संगत अवयव समान हो क्रम और संगत अवयव दोनों क्या होने चाहिए समान उदाहरण ए है आपके पास ए बी सी डी और बी है आपके पास एक दो तीन और चार ए तथा बी संगत ए तथा बी समान आवी होंगे यदि इनके अवयवी समान हो तो ए बराबर बी होंगे आव्यू ए आव्यू ए तथा बी समान है यदि संगत अवयव का मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है है ना तो मतलब अगर ये वन वन पर बैठा है तो इसमें वन वन पर कौन बैठा है एक बैठा है ना तो ए बराबर एक लिख दो यहां पर बी बैठा है तो बी बराबर दो लिख दो और सी बराबर तीन लिख दो और डी बराबर चार लिख दो अगर ये बराबर है तो यूपी की अटेंडेंस ज्यादा है ठीक है तो यूपी वालों के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट है फिर उसके बाद राजस्थान वालों नहीं सबसे पहले आ... बिहार वालों का आएगा यूपी वालों का बिहार वालों का दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आया हूं यूपी बिहार लूटने तो वैसा वाला होने वाला है आपके साथ में ना तो सबसे पहले हम बिहार बोर्ड को बिहार बोर्ड पे काम करेंगे काम करने का मतलब क्योंकि उनका पेपर पहले आता है फिर उसके बाद हम नंबर लेंगे यूपी बोर्ड का और फिर उसके बाद नंबर लेंगे एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड का अभी सब कुछ नहीं बता सकता खूब सारी चीज़ें हैं यार प्लानिंग मेरी खूब सारी है देखिए अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा रेगुलर क्लास में आते रहे तो डेफ़िनेटली आपके लिए जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा शायद कोई भी नहीं करा सकता जितना मैंने प्लान किया है ना आप लोगों के लिए लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अटेंडेंस पिछले बार के मुकाबले बहुत कम है चाहे वो यूपी का हो या बिहार का या तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते या फिर यह है कि आप चाहते नहीं कि कोई दूसरा बच्चा जो है वो भी आपके बराबर नंबर लेकर आए मुझे ऐसा लगता है है ना चलो भाई चाय के मजे लो जुकाम के आनंद लो पढ़ाओ आवियों पर संक्रियाएं संक्रियाएं क्या है कि आवियो का योग दो दो मैट्रिक्स जोड़ी जा सकती है दो मैट्रिक्स घटाई जा सकती है गुणा की जा सकती है भाग भाग नहीं करेंगे बस इतना ही कर सकते हैं अपन। दो आवयों का योग आवियो का योग कैसा है? दो या दो से अधिक आवयों का योग कब होता है पहले तीन बातें ध्यान रखना तीन बातें ध्यान रखनी यदि क्रम समान हो बस आवियों का योग कब होगा यदि उनका क्रम समान हो जैसे उदाहरण जैसे ए बराबर है एक दो तीन चार और बी बराबर है पांच छ सात और आठ तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ दो संगत अभी अब जुड़ेंगे ध्यान रखना एक प्लस पांच दो प्लस छ तीन प्लस सात और चार प्लस आठ पांच और एक चे, चे और दो आठ सात और तीन दस आठ और चार बारह बस इतना ध्यान रखना देखो खूब सारी चीजें नहीं पढ़नी अपन को कम चीजें पढ़ेंगे और मस्त मजे करेंगे एक बिहारी सौ पर भारी बिल्कुल नहीं गलत बात है झूठ बोल रहे हो आप लोग मैं नहीं मानता इस बात को आवयों की समानता हो गया आवयों का योग हो गया आवयु का अधीश से गुणन मान लीजिए कोई आवयु है ए एक दो तीन और चार और मुझे इसको गुणा करना है के से तो मैं कैसे ऐसे गुणा कर दूंगा अगर आप लोग कहते हो कि भाई एक बिहारी सौ पर भारी, मैं तो गलत मानता हूं इस बात को जो भी बोल रहा है सबके लिए गलत है ये कारण बताऊं क्या है <स्थाथ> उसका कारण बताऊं क्या है क्योंकि आप लोग एक को कम से तोल रहे हो तीन के और चार के आप हो मैं कह रहा हूं ना एक बिहारी आप कह रहे हो एक बिहारी सौ पर भारी मैं कह रहा हूं गलत एक बिहारी करोड़ों पर भारी एक आ, सौ से कंपेयर मत करो मजा नहीं आएगा वरना ठीक है सौ वो से कंपेयर मत करो मजा नहीं आएगा वरना एक, एक आपके पास आव्यू है और इसको अगर मुझे के से गुणा करना पड़ा तो मैं दोनों तरफ के से गुणा कर सकता हूं ये के अंदर जाके सबसे गुणा हो जाएगा तो एक से गुणा होकर के, के दो से गुणा करके दो के तीन से गुणा होगा तो तीन के और चार से गुणा होगा तो चार के क्रम विनिमय की बात कर रहा है क्रम विनिमय मतलब देखो जोड़ तो सब सकते जब दोनों का क्रम समान ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों ही संभव है एक ही बात है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो दोनों ही समान है सहचर्य का नियम सहचर्य का नियम क्या कहता है असोसिएटिव लो ए प्लस बी को जोड़ो फिर बाद में सी को जोड़ो या फिर ए को छोड़ दो और बी प्लस बी को पहले जोड़ दो बी प्लस सी को पहले जोड़ दो समझ में आ रहा है ए और बी आपके पास क्या है दो समान क्रम के आवयु हैं ये मत सोचना अगर कहीं लिखने रहा हूं तो ए प्लस बी जो है वो समान क्रम का आवयु नहीं है यहां लिख लो ए तथा बी समान क्रम के दो आवयु क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है समान क्रम के आवयु ठीक है सेम इसमें भी ए बी था सी जो है वो समान क्रम के अवयु योग के तत्समक का अस्तित्व ऐसा क्या जोड़े तत्समक का मतलब होता है इकाई अभी जैसा कि आपने देखा था इकाई अवयु की मैंने यहां से आपसे बात करी थी तो इसमें क्या जोड़ू इसमें कि ए एक आव्यू है। इसमें ऐसा क्या जोड़ू कि इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव ना पड़े तो आप कहोगे सर जीरो जोड़ दो या शून्य में जीरो मतलब शून्य आवयु में ए जोड़ दो। दोनों का मान हमेशा ए ही रहेगा यहां पर जीरो क्या है ये मोटा आलू क्या है शून्य आवयु अरे शून्य आलू लिखने लग गया था यार बिहार बोर्ड का एग्जाम एक फरवरी से है आतंक मचा दूंगा चिंता मत करना बस परेशान मत होना अभी एक बार आप देखो सब लोगों ने अभी स्टार्ट किए होंगे वन शॉट है ना बाकी के जितने भी लोग हैं हम लोगों के वन शॉट कब से स्टार्ट हो चुके हैं एक तारीख से मतलब नवंबर की दिसंबर का एक दिसंबर आ रहा है मैंने आपको प्रॉमिस किया था तीस अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करा दिया आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने एग्जाम्पल छोड़े हैं या क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने एग्जाम्पल भी सारे कराए मैंने क्वेश्चन भी आपको सारे कराए उसके बावजूद भी हमारा जो है वो तीस अक्टूबर के आसपास खत्म कर दिया था एक तारीख से मैंने आपके लिए वन शॉट स्टार्ट कर दी जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था एक तारीख को वन शॉट था यानी दिवाली के पहले पहले तक हम तीन चा... नौवा चैप्टर निपटा चुके थे दसवा च... नववा और फिर उसके अलावा हमने पांचवा छठा निपटाया गया था सातवां निपटा दिया सातवें का दो पार्ट हो गए थे क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई थी और तो सिस्टम भी बंद हो गया था फिर उसके बाद पंद्रह तारीख से लेके अभी तक आप देख चुके हो आपका मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है अगर आप ध्यान से देखो आपका कौन कौन सा चैप्टर बचा है पहला चैप्टर बचा है आपका दूसरा चैप्टर बचा है तीसरा और चौथा आज कंप्लीट हो जाएगा पांचवा छठा करा चुका हूँ सातवां आठवां करा चुका हूँ नववा दसवां करा चुका हूँ ग्यारवां फर्जी से एग्जाम टाइम में कर लेंगे और फिर उसके बाद तेरहवा आपको करा चुका हूँ क्या बचा बताओ ये बचा है बस आपका और ये भी मेरे ख्याल से शायद परसों आपकी क्लास हो जाएगी तो ये भी खत्म हो जाएगा समय से पहले कंप्लीट समय से पहले निपटा दिया अपन ने तो ये एस एल की पहचान है कि चीजों को कमिट भी करते हैं और कमिट करने के बाद उस पर अमल भी किया जाता है है ना अमल डोडा सब किया जाता है चलिए जनाब तो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व प्रतिलोम मतलब योग का अभी यहां पे था तत्समक का अस्तित्व तो मतलब ऐसा क्या जोड़े कि इससे कोई फर्क नहीं पड़े अब आता है कि इसके प्रतिलोम मतलब कि इसका नेगेटिव आव्यू का ऋण भी होता है अगर हम माइनस जोड़ देंगे ना तो ऋण कहलाता है ए में अगर मैं माइनस ए जोड़ दूं या फिर माइनस ए में ए जोड़ दूं दोनों ही केस में इसका मान कितना आएगा जीरो आएगा ठीक फिर आता है एक आवयु के आदिश के गुणधर्म चार गुणधर्म होते हैं के तथा एल ये क्या है अधीश है राशि मतलब चलो कमेंट करके बताना आदिश राशि क्या होती है जल्दी से बताओ देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं एक आवयु के अधीश के गुणधर्म अगर मान लीजिए के है और ए है और आपको अच्छा इसमें परिवर्तन आ गया क्या आपके एक मिनट रुकना जोड़ने पर जैसे मान लीजिए ऐसा है पर गुणा करना ही क्यों है इसके बिना भी तो काम हो जाएगा वो एक ही बात है घूम फिर के यार घूम फिर के एक ही बात आती अगर है अगर मान लीजिए ए प्लस बी है के को ए प्लस बी से गुणा करना है के को ए प्लस बी से गुणा करना है ऐसा मान लो अच्छा एक बात बताओ यार गुणा वाला पोर्शन आ गया क्या मेरे को लगता है गुणा वाला शायद छूट तो नहीं गया नहीं कोई बात नहीं चलो के ए और बी दो आवयु है इनका योगफल है अगर इस के को मुझे इससे गुणा करना है तो के ए प्लस के बी के रूप में लिख सकता हूं अगर मान लीजिए के और एल दो अधीश राशियां हैं और ए को इससे गुणा करना है तो ए अंदर होके के ए बन जाता है प्लस एल ए बन जाएगा ए की है अलग अलग नहीं है ठीक है ए को अंदर गुणा कर सकते हैं इसके साथ और एल के साथ भी गुणा कर सकते हैं ठीक है ठीके? के और एल क्या है दोनों अधीश राशि नहीं नहीं अब आएगा अब आएगा अब आएगा गुणा तो अब आएगा योग है आया ना अभी तो यह आया आवयों का गुणा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एक नंबर का क्वेश्चन इससे आता है बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया हाँ जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी तू मेरी देखो भाई ऐसा है कि आवियों के गुणन के लिए दो बातें ध्यान रखनी देखो जब हम शादीवादी करते हैं तो क्या करते हैं कि गोत्र वगैरह कुछ मिला लेते हैं बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है यहां पर क्या कर मिलाने की कोटी मिलानी है साहब कोटी कैसे मिलानी है मान लीजिए दो आवयु का यहां लिख लीजिए दो आवयुओं का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यू की पहले आवयों में स्तंभों की संख्या दूसरे आवयु की पंक्तियों की संख्या के बराबर दूसरे आवयु की पंक्तियों की संख्या के बराबर या फिर समान दो आवयो का दो का गुणन तभी संभव है जैसे एक आवयु ये रहा महेंद्र कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना उसमें अभी कमेंट सेक्शन में क्लास में आने से पहले कमेंट सारे पढ़ के आता हूं ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने क्या पूछा और मुझे क्या जवाब देना है ना क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास पहुंचाने का एक ही तरीका होता है कमेंट सेक्शन तो जितने बच्चे लाइव हो एटलीस्ट इतने बच्चे कमेंट जरूर कर दिया कीजिए मुझे पता कैसे पड़ेगा क्या बताना है आपको तो मुझे तभी पता पड़ेगा जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि एक सिक्के को चालीस बार उछाड़ देंगे तो वहां पर तो वो बरना ट्रायल्स लग जाएगा ना वो कंसेप्ट ही अलग है सिलेबस में नहीं था इसलिए अपन ने उस पर डिस्कस भी नहीं किया अब जैसे मान लीजिए एक आवयु है और इसका क्रम है तीन गुणा दो या एम गुणा एन एक दूसरा आवयु है ठीक है और आवयु तो छोटा भी काम चली जाएगा इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी छोटे से आयु से भी काम चली जाएगा ना ये एक आवयु है एम गुणा एन ये एक दूसरा आवयु है ये है p गुणा क्यों ठीक है ये एक आवयु है a बराबर यह है और एक दूसरा आयु है b बराबर इतना है a और b का गुणन तभी संभव है या आप लिख लो ए भी तभी संभव है जब एन और पी का मान बराबर हो जब एन और पी का मान बराबर है तभी ए बी का मान है संभव है और ए बी अगर संभव हो गया तो ए बी की मैट्रिक्स क्या बनेगी अगर ए और बी का गुणा करें यह एक मैट्रिक्स है एम इन टू एन ये एक मैट्रिक्स है इंटू क्यू तो इन दोनों के गुणन से जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसका पहला अवयव उठा लो और इसका आखिरी अवयव उठा लो मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले में से स्तंभों की संख्या एम इंटू क्यू सर ये बात थोड़ी सी है ना मतलब अटपटी से लग रही थोड़ी सी एक बार एग्जाम्पल से समझा दो मजा आ जाएगा तो एग्जाम्पल से देख लो भाई मान लीजिए ए एक आवयु है मान लीजिए ए एक आवयु है जिसका क्रम है एक गुणा दो और बी एक दूसरा आवयु है जिसका क्रम है दो गुणा तीन अब अगर ए बी को मुझे गुणा करना हुआ तो क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इनमें इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी इनसे जो आवयु बनेगा उसका क्रम एक गुणा तीन बनेगा ठीक है यहां तक क्लियर इन दोनों के गुणन से जो आयु बनेगा उसका अवयव जो उसके उसकी जो कोटि होगी वो एक गुणा तीन बनेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एक गुणा तीन और तीन गुणा एक की अगर हम बात करें तो उससे एक गुणा एक बनेगा तीन गुणा एक और तीन तीन गुणा एक और एक गुणा तीन को अगर हम गुणा करते हैं तो तीन गुणा तीन बनेगा ठीक है गुणन के गुणधर्म क्या है आवयु के गुणन के गुणधर्म वही सेम चारों चारों चीजें इसमें भी अप्लाई होती है इसमें इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जांपल एक, एक और और बता देता हूं ए एक आव्यू है जिसका क्रम एक गुणा तीन है बी एक दूसरा आव्यू है जिसका आ, जिसका क्रम तीन गुणा एक है तो ए बी बनेगा उसी केस में जब इसमें स्तंभों की संख्या यानी कि ये और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है तो ये बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका क्रम बनेगा एक गुणा एक क्लियर सभी बच्चों को क्लियर है क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक गुणा तीन कैसे आया कहां पर इसका एक और उसका तीन बीच वालों को छोड़ दो ना जो समान अवयव है उनको भूल जाओ भाई डुप्लीकेट की कदर कम होती है ना तो वैसा ही एक तरह से इधर से एक बचा उधर से तीन बचा एक और तीन उतार दो चलिए आगे चले अब आता है कि आवियों के गुणन के गुणधर्म जो कि इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है जैसे मान लीजिए ए और बी इन दोनों का गुणा मैं सी से करूं या फिर पहले ए को छोड़ दे छोड़ देता हूं और बी और सी को आपस में गुणा करूं गुणा करने की कंडीशन तो आपको सबसे पता है सबको पता है कि गुणा करने की कंडीशन क्या होगी कि पहले आवय की स्तंभों की संख्या और दूसरे पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए तभी आपस में गुणा होंगे क्या ए बी को सी से गुणा करें या ए को पहले बी सी को गुणा करें बाद में ए से गुणा करें काम चल जाएगा क्या बोला हाँ चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कहीं पर तो कि ए गुणा बी प्लस सी हाँ तो लिख दो ना पहले ए को बी से कर दो फिर ए को सी से कर देना एक ही बात है अलग अलग बात नहीं है क्लियर और अगर मान लो उल्टा हो गया तो अगर ऐसा दे दिया v प्लस सी और यहां पर दे दिया a अब हाँ तो चाचा अब ऐसा हो जाएगा अब बी ए जाएगा और ये सी ए क्रम का स्पेशली ध्यान रखना है ठीक है क्रम का क्रम का क्रम का इंपॉर्टेंट जैसे ए बी आएगा फिर ए के बाद सी आएगा यहां पर बी के बाद ए आएगा मतलब बी ए आएगा और फिर सी आएगा फिर आता है आपके पास एक और पॉइंट आता है जैसा कि वहां पर तत्समक था तो यहां पर भी आपके पास तत्समक होगा कैसे ए को आई से गुणा करें या आई को ए से गुणा करें दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा ए क्यों मिलेगा क्योंकि आई का मतलब एक तरह से हो गया इकाई आव्यू इकाई को अपन ऐसे समझ सकते हैं एक है एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जैसे पांच को एक से गुणा करेंगे तो पांच ही आएगा छह को एक से गुणा करेंगे तो छह आएगा ऐसे आविय में भी होता है जब हम गुणा करते हैं तो ये हमेशा एक जैसा ही आता है ठीक है अब आता है अगला पॉइंट जो कि है आवियो का आवयु का परिवर्तन जल्दी से देख लो फिर इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे मूव करेंगे बस जल्दी से देखो इसको फटाफट फिर सीधा क्वेश्चन पे मूव करेंगे ना अव्यू का परिवर्त परिवर्त क्या होता है ये जो शब्द लिखा हुआ है ना ट्रांसपोज जैसे ए है तो ए का परिवर्त इसको हम लिख सकते हैं ए का परिवर्त ऐसा या फिर ऐसा आप पूछोगे दोनों में क्या डिफरेंस है एक ही चीज है टी का मतलब ट्रांसपोज होता है इसलिए अपन उसको ट्रांसपोज से यानी टी से दर्शा देते हैं आप यह भी बोल सकते हो कि क्रम का परिवर्तन क्रम को उल्टा कर दीजिए जैसे ए आपको दिया गया है ए आपके पास एक आवयु है और इसका क्रम है एक गुणा दो तो इसका परिवर्त क्या होगा ए का परिवर्त हो जाएगा मैंने क्या बोला क्रम को उल्टा कर दो क्रम कितना है एक गुणा दो तो इसको कर दो, दो गुणा एक बस इतना ही करना होता है अगर मान लो ए बराबर है तीन गुणा तीन होगा जब तक तो कोई चेंज ही नहीं होगा है ना तो तीन गुणा दो तो इसका परिवर्त कितना बन जाएगा आप कहोगे सर इसका परिवर्त हो जाएगा दो गुणा तीन ये कितना है तीन गुणा दो तो ए का परिवर्त इस तरह से दर्शाते हैं आप ये भी लिख सकते हो क्रम को उल्टा करना क्रम को उल्टा करना आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि आवियों के परिवर्त के गुणधर्म इंपॉर्टेंट है एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कभी कभी एमसीक्यू के अंदर परिवर्त का गुणधर्म कहता है कि ए का परिवर्त करके इसका वापस परिवर्त करोगे तो ए ही प्राप्त होगा अगर ए और बी का परिवर्त निकालोगे तो ये बी का परिवर्त पहले आएगा और फिर ए का परिवर्त आएगा ये ध्यान रखना इनवर्स में भी काम में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ए बी का परिवर्त अगर हम निकालते हैं तो बी का परिवर्त पहले, पहले आता है और बाद में आपको ए का परिवर्त देखने को मिलता है ठीक है बी का परिवर्त पहले आता है और ए का परिवर्त बाद में देखने को मिलता है और अगर मान लीजिए ए प्लस बी का परिवर्त निकालना हो तो तो आप इसको लिख सकते हो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त ठीक है और अगर मान लीजिए आपको दे दिया के से गुणा करके ए दे दिया और उसका परिवर्त निकालना के तो एक अधिस राशि है तो के पर तो लगेगा नहीं तो ए का परिवर्त आ जाएगा जहां के एक अधीश राशि है ये क्या है एक अधीश राशि यहां तक अगर किसी बच्चे के एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें मैथ समझ में आता है क्या करें अच्छी बात है, आता है तो अब करना क्या है इसका भी कुछ करोगे तुम बस हो गया है तो ये लीजिए सम्मित और विषम सम्मित मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 टेंट है है ना ध्यान से देख लो अच्छे से एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है जिसको पंक्ति और स्तंभ में कंफ्यूजन होता है वो स्टार्टिंग वाली स्टार्टिंग से देख लीजिएगा इसको एक बार मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार बना रहा हूं मतलब देखकर ही जाना है चार बार बना देता हूं अगर आप बोलो तो एक बार और बना देता हूं चलो एक बार और बना देता हूं सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यू मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है तो विषमित आवयु क्या कहलाता है सम्मित आवयु और विषम सम्मित आवयु ठीक है यह क्या कहलाता है इसको समझना ध्यान से एक मिनट रुको परफेक्ट चलो सम्मित आवयु क्या कहलाता है आव्यू ए सम्मित आव्यू कहलाता है या सम्मित आव्यू होगा यदि ए का परिवर्त करने पर वापस ए ही प्राप्त हो यदि ए का परिवर्त करने पर अगर आपको ए ही प्राप्त होगा तो उस केस में आवयु सम्मित कहलाता है दूसरा इसका एक उदाहरण बताऊं उदाहरण देखो इसका मान लीजिए ए आपके पास है ठीक है अगर मैंने इसका परिवर्त किया ये ए है इसका परिवर्त करूंगा परिवर्त करना मतलब क्रम को बदलना या पंक्ति को स्तंभ में बदलना स्तंभ को पंक्ति में बदलना तो पंक्ति क्या है एक और दो है अगर मैं इसको स्तंभ इस में बदलूंगा तो ये वापस एक और दो ही आ जाएगा ये दो और एक है तो ये वापस दो और एक ही बना जाएगा तो ए और एक का परिवर्त क्या है आपस में बराबर है तो ए का परिवर्त क्या है ए के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है एक सम्मित आवयु है अगला जो आता है वो आता है विषम सम्मित आवयु वयू बी विषम सम्मित आवयु कहलाता है यदि यदि बी का परिवर्त करने पर माइनस बी प्राप्त हो इसकी जो ट्रिक बता रहा हूँ ना कतई जहर और काबिल तारीफ है इसकी जो ट्रिक बता रहा हूँ ना कतई जहर है कैसे आप लोगों ने अभी कमेंट सेक्शन में बताया था मुझे कि आप लोग कहाँ से हो अपने अलग अलग राज्य का नाम बताया अब आपके पास आता है जल्दी से बताओ फटाफट -फ़ड़ कमेंट करके किस किस जिले से आते हो आप लोग जैसे कुछ लोग राजस्थान में किस जिले से आते हैं यूपी में किस जिले से आते हैं बिहार में किसके आते हैं और अगर हम बात करें इसकी तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्य विकर्ण है ना मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण मतलब ये वाला ये होता है मुख्य विकर्ण ये हमेशा जीरो होता है और इसके इधर उधर दोगले लोग रहते हैं ये क्या है हमेशा जीरो होगा ये जीरो ये जीरो और ये जीरो चाहे दो गुणा दो में हो चाहे तीन गुना तीन में हो अगर मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं माइनस एक माइनस दो और प्लस तीन ठीक और यहां पर लिख दूंगा एक दो और माइनस तीन इनके जस्ट अपोजिट होते हैं इस माइनस एक का अपोजिट ये कितना आ जाएगा एक माइनस दो का अपोजिट कितना आ जाएगा दो और तीन का अपोजिट कितना आ जाएगा माइनस तीन चंपारण से कौन कौन है अब अगर मान लीजिए मुझे इसको इसका परिवर्त करना पड़ा तो इसका परिवर्त करेंगे तो ये आ जाएगा ए का परिवर्त करेंगे तो ये जीरो माइनस एक माइनस दो तो जीरो माइनस एक माइनस दो एक जीरो तीन एक जीरो तीन पंक्ति को स्तंभ में बना दिया परिवर्त करने का मतलब और एक जीरो तीन दो माइनस तीन और जीरो ठीक है अब अगर मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ा तो माइनस कॉमन इस तरह से आ जाएगा ऐसा ये जीरो है ये एज इट इज रहेगा प्लस एक है माइनस एक हो जाएगा दो है माइनस का दो बन जाएगा माइनस एक है प्लस का एक हो जाएगा जीरो माइनस का तीन है ये प्लस का तीन बन जाएगा माइनस का दो है प्लस का दो बन जाएगा तीन है तो माइनस का तीन बन जाएगा और ये जीरो आ जाएगा अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो एक जैसी मतलब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा एक का परिवर्तन करने पर माइनस इक्वल आ जाएगा और अगर ये माइनस इक्वल एक एक आता है तो आप कह सकते हो कि ये क्या है ये क्या है एक विषम सम्मित आवयु है ठीक है परिवर्त में एक चीज और आप लिख लो आवयु का परिवर्त क्रम को बदलना है ना इसके कुछ उदाहरण भी देख लो आप कुछ बुरी आत्माएं हैं है जिनको अभी भी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत इसके कुछ और उदाहरण देख लो जैसे मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है एक और दो ठीक है तो ए का परिवर्त जब आप करोगे ना तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो एक ही बात है जैसे इसका क्रम कितना है आपने कहा कि सर इसका क्रम है दो गुणा एक तो अब जो बनेगी ना उसका क्रम क्या बनेगा एक गुणा दो मतलब ये एक और दो है ये एक और दो यहां आ जाएगा अगर मैं इसका क्रम पूछू तो एक पंक्ति है और स्तंभों की संख्या इसमें दो ठीक है थीके? और देखो ए बी सी डी ई e, और एफ इसका क्रम कितना है सर इसका क्रम है दो गुणा तीन तो इसके परिवर्त का क्रम कितना होगा उल्टा उल्टा मतलब ये दो गुना तीन है, तो तो वो तीन गुना दो बन जाएगा। तो पहली पंक्ति जो है ना उसको स्तंभ बना दो तो ए बी और ई e. दूसरी पंक्ति है सी डी एफ तो सी डी और एफ ये दो गुणा तीन है तो इसको तीन गुणा दो कर दो बस सिंपल है ना संबल यूपी गाजीपुर बहुत बढ़िया उत्तराखंड उत्तराखंड से कौन है यार नैनीताल से अरे वाह रमेश चान्याल ये एक मस्त जगह नैनीताल बहुत अच्छा है चंबल चंबल मैंने सुना नहीं कभी कहाँ पर है ये गोपालगंज वाराणसी गाजीपुर ब्यावर अरे यार भाई तुम्हारे घर के पास ही है ऐसे भाग के जाएंगे तुमको पकड़ के ले आएंगे ऐसे गाड़ी वाड़ी में डाल के उठा के ले आएंगे प्रयागराज से भी है वाह चूरू इधर इधर की तरफ पड़ता है पास में ही है ज़्यादा दूर नहीं है मुजफ्फरपुर भी पास में ही पड़ता है बाकी सब पास में हमारे ठीक है चलिए जी तो ये तो थे हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े अब आता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करें अब थोड़े बहुत जितना आपने सीखा है फटाफट उसको अप्लाई करके देखते हैं अब एक ऐसे तीन एक नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक नंबर का देखने को मिलता है एक नंबर का क्वेश्चन आपका इत्र की नगरी का नौज बहुत खूबसूरत सिटी है तीन गुणा दो का आपको एक ऐसे अवयु की रचना करनी है जिसमें अवयव जिसके अवयव जो है वो इसके द्वारा प्रदत्त है मतलब ए बराबर ए बराबर अवयव की बात अच्छा अवयव है इसमें ए आई जे बराबर एक बटा दो आई माइनस तीन जे आपको बनाना क्या है तीन गुणा दो का यानी तीन पंक्ति और दो स्तंभों का एक मातापोड़ी का काम करना है तो तीन तीन पंक्ति है दो स्तंभ है तो अपन इसको मान लेते हैं ए बी सी डी या इसको ऐसे ले लो तीन पंक्ति और दो स्तंभ है ना ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और ए थ्री वन और ए थ्री टू ऐसा पहली पंक्ति पहला अवयव ए पहली पंक्ति दूसरा अवयव ए है ना इस तरह से आप इसको अब आता है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू अब इसमें मान रख देंगे और यहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे देखो ये वो गन्ने की मशीन है जिसमें इधर से गन्ना डालो वन टू आई की जगह एक और जे की जगह एक तीन में से एक गया दो माइनस का आएगा तो ये आ जाएगा दो बटा दो क्योंकि मॉड्यूलस में है तो प्लस का बन जाएगा ए वन टू की बात करें तो आप कहोगे सर एक बटा दो एज इट इज आ जाएगा एक माइनस तीन गुणा दो तीन छ में से एक गया पांच तो इधर आ जाएगा पांच बटा दो इसी तरह से ए टू वन ए टू वन कितना है टू माइनस तीन गुणा वन तीन में से दो गया एक बचेगा एक बटा दो आ जाएगा और ए टू टू की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा एक बटा दो दो माइनस तीन गुणा दो तीन दुनी छ छ में से दो गया चार चार बटा दो कितना होता है दो ये सिर्फ फर्जी से क्वेश्चन है एक बार फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अब ए टू टू हो गया ए थ्री वन की बात करें तो एक बटा दो ए थ्री वन है ना तो थ्री माइनस थ्री इंटू वन तीन में से तीन गए जीरो खानदान खत्म और ए थ्री टू हो जाएगा एक बटा दो छ में से दो छ में से तीन गया तो तीन तो तीन बटा दो बचेगा इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी इससे वो कुछ इस टाइप की बनेगी ए वन वन कितना है वन ए वन टू कितना है पांच बटा दो कैलकुलेशन में कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है ना और ये एक बटा दो ए टू टू कितना है टू फिर आता है ए थ्री वन जो कि जीरो और यह है थ्री बाय टू यह आपके पास आ गया वेरी गुड जिस जिसका आंसर आ गया एकदम परफेक्ट है जिस जिसका आंसर आ गया है इससे मैच कर रहा है एकदम परफेक्ट काम किए हो आप ठीक है आगे चलें अब ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है बीच में सब बराबर का चिन्ह लगा रखा है तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए ये फर्जी सा क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि हमको पता है कि संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों अवयु बराबर है तो संगत अवयव तो बराबर होंगे ही मतलब एक्स प्लस तीन किसके बराबर होगा जीरो के बराबर तो इससे आपके पास एक्स का मान आ जाएगा जो कि है माइनस का तीन फिर किसका निकालना z का तो z प्लस चार बराबर कितना होगा छो छ दो तो z बराबर आ जाएगा दो खत्म और फिर इसी तरह से दो वाई माइनस सात बराबर दो वाय माइनस सात बराबर तीन वाय माइनस दो तो देखो तीन वाई दो में से दो वाई गया तो एक वाई बच जाएगा और माइनस का सात और प्लस का दो कितना होता है माइनस का पांच फिर इसी तरह से ए माइनस एक बराबर आ जाएगा माइनस का तीन तो एक को इधर भेज देंगे प्लस का एक हो जाएगा तो माइनस तीन और प्लस का एक कितना होता है माइनस का दो फिर इसी तरह से सी की बात करें तो दो सी प्लस दो बराबर जीरो तो यहां से सी का मान आ जाएगा माइनस का एक ठीक है और बुर बी माइनस थ्री बराबर आ जाएगा टू बी प्लस फोर के तो इस बी उठा इस बी उठा के इधर भेज देंगे तो दो भी में से एक भी गया तो बी बच जाएगा इस चार उठा के इधर भेज देंगे तो चार और तीन माइनस का साथ चाचा जी आप कहां से हो मैं तो घर से ही हूं पे रहता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं एक नंबर में आता है है ना अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा है एकदम ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे आप कहाँ से हो घर से एकदम संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर संगत अवयव बराबर कब होंगे आप कहोगे सर दो ए प्लस बी बराबर अगर चार है तो यहां से एक समीकरण यह बन गया और ए माइनस दो बी बराबर तीन है माइनस का तीन है नहीं दोनों को हल करो हल कैसे करेंगे सर यह समीकरण एक है और यह समीकरण दो है यह समीकरण आपके पास इसको अगर मैं दो से गुणा कर दूं या इसको दो से गुणा कर दूं दो से गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा दो दूनी चार दो बी बराबर चार दूनी आठ माइनस तीन वाला एज इज आ जाएगा ए किसको इक्वल करना था इसको करना था इसको कर देते हैं ना यार इसको दो से गुना कर देते हैं हमने किसको किया अच्छा बी को कर दिया था क्या ओके ठीक है दो दूना चार फिर दो भी आ जाएगा और चार दूना आठ आ जाएगा ए माइनस दो भी बराबर माइनस का तीन है आपको दिख रहा है कि प्लस का दो और माइनस का दो आपस में मिलके कट जाएगा प्लस का दो और ये आपस में मिलके कट जाएगा चार और एक मिलके कितना बन रहा है पांच ए पांच ए बराबर आठ में से तीन गया तो कितना बचेगा पांच तो ए का मान कितना आ जाएगा एक ए का मान अगर आप किसी समीकरण में रखते हो तो बी का मान आ जाएगा इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख लो तो बी का मान आ जाएगा ए का मान मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं चार में से दो गया तो दो आ जाएगा बी का मान आ जाएगा दो सेम ऐसा कैसा है आपको किसके साथ करना है बाकी के दोनों के साथ करना है ये वाला तो पोर्शन इजी है कोई मतलब ज्यादा खास वाली बात नहीं अच्छा एक बात बताना कमेंट करके फटाफट आवियो के पर प्रारंभिक संक्रियाएं आपके सिलेबस में है क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लोगों के सिलेबस में है तो अपन करें नहीं है तो नहीं करेंगे पांच सी माइनस डी बराबर ग्यारह है और चार सी प्लस तीन डी चार सी प्लस तीन डी बराबर चौबीस है तो क्या करना पड़ेगा कि साहब इसको तीन से गुणा कर दो इसको तीन से गुणा करने से क्या होगा इसको तीन से गुणा करने से ये बन जाएगा पांच पंद्रह सी तीन डी बराबर तैतीस और ये बनेगा चार सी प्लस तीन डी बराबर चोईस काटा पीटी करें ये काटा पीटी कर दी पंद्रह और चार कितने होते हैं कि साहब उन्नीस होते हैं कितने होते हैं उन्नीस सी आएगा और यहाँ पर कितना आएगा चार और तीन सात पाँच और तीन ती तीन और दो पाँच उन्नीस कम उन्नीस उन्नीस दून अड़तीस उन्नीस तीस सत्तावन तो सी का मान तीन आ जाएगा सी का मान तीन आप किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा ये डी का मान आ जाएगा सी का मान कितना है तीन सी थी का मान तीन इसमें रख देते हैं तो पांच दिया पंद्रह और पंद्रह को उधर भेज देंगे तो देखो पंद्रह और पंद्रह माइनस ग्यारह बराबर डी तो चार आ जाएगा डी का मान कितना आ जाएगा चार आ जाएगा मेरी बाइक का नंबर क्या है फिर उससे पता लगा लो मेरी बाइक का नंबर है आठ हजार चार सौ इक्कीस जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ दो गाड़ी है एक गाड़ी का नंबर है चार सौ बीस और एक गाड़ी का नंबर है आठ हजार चार सौ इक्कीस नंबर बड़ा सोच समझ के लिया गया है ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया जिसके सिलेबस में है कमेंट करके बता देना ताकि मैं हाथों हाथ करवा दूंगा एक एक दो दो क्वेश्चन तो करवा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए ये देखो प्रश्नावली तीन पॉइंट एक है फटाफट फटाफट करेंगे ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सारणिक भी हमारे को कवर करना है जो क्वेश्चन लगे आपको कि सर इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जो बता सकते हो आप बता दीजिए आवयु की कोटी क्या है कोटी मतलब क्रम तो एक दो तीन चार पंक्तियों की संख्या गिनेंगे एक पंक्ति ये पंक्तियों की संख्या कितनी है एक दो तीन तो आवयु की कोटी बन जाएगी तीन और स्तंभों की संख्या कितनी है एक एक दो तीन और चार और ये कितना है एक दो और तीन तो आप बोल सकते हो तीन गुणा चार तीन पंक्ति है स्तंभों की संख्या चार है तो तीन गुणा चार अवयवों की संख्या कितनी है चार गुणा तीन कितने होते हैं बारह ये बारह बन जाएगा अवयव ए वन थ्री कितना है पहली पंक्ति तीसरा अवयव पहली पंक्ति तीसरा अवयव उन्नीस तो ए वन थ्री का मान कितना होगा उन्नीस ए टू वन का मान कितना होगा दूसरी पंक्ति और पहला अवयव पैंतीस फिर ए थ्री थ्री तीसरी पंक्ति और तीसरा अवयव तीसरी पंक्ति ये रही तीसरा अवयव माइनस पांच है तो माइनस पांच आ जाएगा फिर इसी तरह से ए दो चार दूसरी पंक्ति चौथा अवयव दूसरी पंक्ति ये रही चौथा अवयव एक दो तीन और चार बारह और इसी तरह से ए टू थ्री कितना आएगा दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव दूसरी पंक्ति ये रही तीसरा अवयव है पांच बटा दो तो यहां पर आ जाएगा पांच बटा दो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी परफेक्ट अब आता है यदि किसी आवयु में चोइस अवयव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी आवयु में चोईस अवयव है तो उसकी संभव कोटिया क्या क्या है अबे देखो कोटी की बात कर रहा है पागल बना रहा है आपको क्या करना है कि चोइस में एक से भाग लगाना शुरू करो या चोइस के गुणनखंड कर लो इतनी सी बात है अब आप क्या बोल सकते हो कि साहब चोइस है चोइस है तो चौबीस को मैं क्या क्या लिख सकता हूं कि भाई एक गुणा बारह एक से शुरू करते हैं एक गुणा चोईस ये भी बन सकता है तो इसका उल्टा भी कर दो कि साहब चौबीस गुणा एक भी बन सकता है है ना दो गुणा या आप एक और तरीका बताऊं क्या चलो कोई बात नहीं इससे कर लेते हैं दो गुणा बारह तो ये कितना बन जाएगा बारह गुणा दो फिर अगर मैं आपसे पूछूं तीन का भाग जाता है तो आठ तिया चौबीस मतलब तीन बाई आठ तीन गुणा आठ और इसको मैं लिख सकता हूँ आठ गुणा तीन फिर आता है चार चार थिंक चौबीस फिर आ जाएगा छः गुणा चार फिर छः के बाद आएगा सीधा आठ जो कि हम ले चुके हैं आठ के बाद आएगा बारह जो कि ले चुके हैं बारह के बाद आएगा चौबीस जो कि हम ले चुके हैं तो ये इसकी संभव कोटियाँ हो सकती है और यदि इसमें अवयवों की संख्या तेरह हो यदि इसमें अवयवों की संख्या तेरह हो तो एक गुणा तेरह बन सकता है और तेरह गुणा एक बन सकता है अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर इसमें बिहार बोर्ड में दो नंबर में पूछता है इसमें तो आ जाएगा यार दो नंबर में आ जाएगा कोई बात नहीं क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अब दो क्वेश्चन है पहला यदि अवयवों की यदि अठारह अवयव हो तब संभव कोटियां क्लास खत्म होने के बाद पहले कोई मत करना जवानी की कसम है आपको अपने ठीक है दूसरा कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद और जो बच्चे अगर बहुत टाइम बाद लाइव देख रहे हैं आज पहली बार लाइव देख रहे हैं आपको वीडियो को पॉज करना है कमेंट सेक्शन में जाना है फिर लिखना है इसको ठीक है यदि अट्ठारह के अलावा हो सकता है पंद्रह अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी और तीसरा है तीसरा अपन मान के चलते हैं तेरह हो गया ना ठीक है अट्ठारह भी हो गया हाँ ये ठीक है इनफ है आगरा से कौन है भाई चलो भैया को सब हाय बोलो फटाफट करण भैया को सब लोग हाय बोलो भैया आगरा से हैं तो ये तीनों चीज जो है ये दो ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसके आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने कि अगर 18 अवयव हुए तब संभव कोटिया क्या होगी और 15 अवयव हुए तब संभव कोटिया क्या होगी देखो मैंने कहा था इससे कि क्लास खत्म होने के बाद देना पहले ही जवाब दे रहा है बहुत तेज हो रहे हो तुम आगे चले आगे आता है यदि किसी में अठारह और पांच है फर्जी है फर्जी है फिर फर्जी है कोई ऐसा तड़कता भड़कता क्वेश्चन ये बताओ कि यदि ए आई जे एम गुणा एन एक वर्ग आवयु तो वर्ग आवयु किस केस में होता है जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एम और एन का मान क्या है आपस में बराबर है अगर हम बात करें इसके आगे वाले टॉपिक की कि यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है चिक्का चिक्का ढें चिक्का देखो सीबीएसई में भी आया हुआ है क्वेश्चन है ना सीबीएसई में भी यह क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन ऐसा है कि तीन एक्स प्लस सात इसे कह रहा है कि किन मानों के लिए अवयुग किन निम्नलिखित युग्म समान है किस मान के लिए समान है ध्यान से देखिएगा हमने तीन एक्स प्लस सात को जीरो के बराबर रख लिया तो यहां से एक्स का मान आ जाएगा माइनस का सात बटा तीन इसमें देखो कहीं माइनस का सात बटा तीन है कह? ये तो संभव है नहीं इसको हटा दो एक्स का मान माइनस का सात बटा तीन इसमें भी नहीं है एक्स का मान माइनस का दो बटा तीन इसमें भी नहीं है सिंपल सा है ज्ञात करना संभव नहीं अब आप पूछोगे ऐसा कि कि आपको कैसे पता लगा अरे चाचा देखो तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो है और यहां पर दो माइनस तीन एक्स बराबर कितना है चार तो अगर मैं इस चार को इधर भेज दूंगा तो इसको इधर भेज दो ना तो चार दो माइनस चार और यह आ जाएगा तीन एक्स ये तीन एक्स बराबर दो माइनस चार एक्स का मान कितना आ रहा है आप कहोगे सर एक्स का मान आ रहा है माइनस का दो बटा तीन सर ये तो मैच कर रहा है माइनस का दो बटा तीन तो है फिर आपने इसको गलत क्यों बोला क्यों बोला क्योंकि एक्स के दो भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं बोलो आज के आनंद की जय एक्स के दो भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं एक्स के मिनट रुको। एक्स के दो भिन्न मैथ्स की लैंग्वेज में लिख रहा हूं स्क्वायर भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए हिंदी के, के तो मजे ही है यार ऐसे तीन बिंदु बनाओ समझ में आ जाता है कि इसलिए लिखा हुआ है इसलिए मान ज्ञात करना संभव नहीं है <coughs> बहुत बढ़िया ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ये गलत वाले हटा दो ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन गुणा तीन कोटि के ऐसे आवियो की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रवृत्ति इतनी या इतनी है इंपॉर्टेंट है जिस पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको एग्जाम के पहले इन्हीं क्वेश्चनों को जी भर के देखना है बस थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि ये आपका बहुत पक्का दोस्त है जिसको आपको सामने बैठ के ऐसे निहारना है बस इतना काम जरूर कर लेना ठीक है तो क्वेश्चन ऐसा है कि तीन गुणा तीन के ऐसे आवियो की कुल कितनी संख्याएं होगी आवियों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक हो। है।, हो है हर एक जगह को भरने के दो रास्ते हैं या तो जीरो आएगा या, आएगा या एक आएगा या जीरो आएगा या एक आएगा जीरो या एक जीरो या एक, जीरो या एक, जी ओ जीरो जीरो या एक ओ ओ जीरो, या एक। ओ, ओ, जीरो या एक। ये कुल कितने हैं नौ हर स्थान को भरने के दो तरीके हैं यानी कि पहले स्थान पर कोई भी दो संख्याएं आ सकती दूसरे स्थान पर कोई भी दो संख्याएं आ सकती ऐसे ही कितनी बार आ जाएगा नौ बार ये पूरा कितनी बार आ जाएगा नौ बार आधार समान है घाते जुड़ जाएंगी देखो ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा ये मेरी गारंटी है कि ऐसा ही हो रहा है क्वेश्चन पढ़ के समझ देखो आंसर तो आपने रट लिया अब अगर मैं दो गुणा तीन करूंगा ना तो फिर आप समस्या में पड़ जाओगे मान लीजिए तीन गुणा तीन की जगह अगर मैंने दो गुणा तीन कर दिया तो उस केस में क्या बनेगा कि दो छह जगह आएगा मतलब जीरो और एक जो है वो छह छह जगह बनेगा तो दो की घात आ जाएगा ठीक है पीएनसी क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ग्यारहवीं क्लास में गलती से एक चैप्टर हुआ करता था क्रमचित संचय इस एक स्थान को भरने के दो तरीके हैं इसलिए यहां पर दो लिख दिया दूसरे स्थान को भरने के दो तरीके हैं इसलिए यहां पर दो लिख दिया और तीसरे स्थान को भरने के दो तरीके हैं इसलिए यहां पर तीन लिख दिया ठीक है क्वेश्चन इजी है क्योंकि आपने रट रखा है आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको पता है तीन गुणा तीन है जीरो एक बरेगा पांच सौ आंसर अगर दो गुणा तीन अब आपके लिए क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताना है ना ये आपका हाँ होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर दो गुणा तीन की मैट्रिक्स हुई तो कुल आबियों की कुल कितनी संख्याएं जिनकी प्रत्येक प्रवस्टि जीरो या एक है तो दो के गात नौ पांच सौ बारह होता है इसका तो पांच सौ बारह आ गया यहां पर दो गुणा तीन है तब क्या होगा तीन गुणा दो है तब क्या होगा एक गुणा तीन है तब क्या होगा कमेंट सेक्शन में महेंद्र या तो आपने पढ़ा नहीं है पीएनसी या फिर आपको शायद इसमें दिक्कत है देखो इस स्थान को भरने के दो ही तरीके इस स्थान को भरने के भी दो ही तरीके इसने बोला ना प्रत्येक प्रवस्टि जीरो एक हो अच्छा एक ही यही क्वेश्चन है आपका प्रत्येक प्रवस्टी जीरो एक और तीन हो उस केस में कुल आवियों की संख्या कितनी होगी यह आपको बताना है यह भी एक क्वेश्चन है लिख लो मजेदार चीज है अगर जीरो एक और तीन भी आ जाता है तो उस केस में प्रविष्टियों की कुछ केस में कुल आवियों की संख्या कितनी होगी चलो कमेंट करके बताओ बताना बताना मस्त क्वेश्चन है एकदम रपट क्वेश्चन तो इस तरह से आप ये बता सकते हो और अगर तीन हो तो यहां पर दो की जगह सिर्फ तीन आ जाएगा इतना ही फर्क होगा ठीक है सॉरी सर लेट हो गया कोई बात नहीं मुर्गा बन जा मुर्गा मुर्गी जो भी बनना हो बन जा फटाफट जोड़ने वोड़ने का सीन अपना है नहीं है ना काम काम की चीज देख लेते हैं एक बार अब रीजन समझ में आ गया ना आपको कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था और किस तरह से आपको करना है ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो पता है आपको जोड़ना कब है कि जब जोड़ना कब है जब दोनों का क्रम समान हो इसका क्रम कितना है कि सब इसमें दो पंक्ति है स्तंभों की संख्या तीन है इसमें दो पंक्ति है स्तंभों की संख्या तीन है दोनों को जोड़ा जा सकता है जोड़ेंगे कैसे कि किसाब ए प्लस बी जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दीजिए रूट तीन प्लस दो एक प्लस रूट पांच माइनस एक प्लस एक दो माइनस दो तीन प्लस तीन और जीरो प्लस एक बटा दो हो गया सॉल्व ठीक है फर्जी सजा है तो कोई मजे वाली बात नहीं है ये कह रहा है कि दो ए माइनस बी है मतलब दो से गुणा कर दो इसको और उसमें से बी को घटा दो पहले दो ए निकाल लो। बताओ ये भी करवाना पड़ रहा है यार कैसे दिन आ गए भाई अधिस से गुणा किया था हमने दो से गुणा करेंगे तो दो दो चार दो तीए छ चार दो तीन छ दो, दो।, दो की टेबल तो सही आती है मुझे ना दो एकम दो दो दूनी चार दो तीन छः दो चार दो तीन छः दो एकम दो ठीक है अब इसको और इसको जोड़ दो तो दो ए प्लस बी है डायरेक्ट लिखें इधर का दो इधर का तीन दो प्लस तीन पांच इधर का चार इधर का माइनस एक चार में से एक गया तीन छ और तीन नौ चार में से एक ग्यारह तीन छ प्लस जीरो छ और दो प्लस दो चार बस हो गया मजाक था जी ये वाला क्वेश्चन देख लो एक ये दो क्वेश्चन तो देख ही लो ये एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देता हूँ ये वाला ना ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लेते हैं अपन देख लो चलो दोनों इधर ही देख लो एक की बात है कहीं पर भी कर लो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए यदि ए इतना है बी इतना है दो ए प्लस तीन एक्स बराबर पांच भी दिया गया हो तो ज्ञात कीजिए देखो यह पूछ रहा है कि आवियो एक्स का मान कितना हो गया यहां पर ध्यान से देखो इसको आप एक तरह से समीकरण की तरह ही मान लो अगर आपको दिया गया है दो ए प्लस तीन एक्स अगर आपको दिया गया है कि दो ए प्लस तीन एक्स बराबर पांच बी है ठीक है तो आप यहां से एक्स का मान निकाल लो वो जो समीकरण में करते हैं ना वो ही करना है तीन एक्स पांच बी माइनस दो ए और एक्स बराबर आ जाएगा एक बटा तीन पांच बी माइनस दो है बस इतना सा करना है अब x का मान इतना आ जाएगा पांच बी मतलब पांच से गुणा कर देंगे इसको दो ए मतलब इसको दो से गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे पांच बी माइनस दो ए. तो यहां पर देखो x बराबर एक बटा तीन पाँच बी कितना है पाँच बी यानी कि पांच दो नहीं दस आप इसको ऐसे लिख लीजिए पाँच और ऐसे दो माइनस दो चार दो माइनस पाँच और एक माइनस दो एक का मान कितना है एक का मान है आठ जीरो चार माइनस दो और छह ठीक है अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये कुछ गंदा सा रूप धारण कर लेंगे कैसे एक्स बराबर एक बटा दो पांच से गुणा करेंगे तो पांच दुनी दस दस माइनस दस बीस दस पच्चीस पांच एक माइनस माइनस से गुणा मत कर देना अधिकतर बच्चे इस माइनस से भी गुणा कर देते आपको सिर्फ संख्या से गुणा करना है आठ दूनी सोलह जीरो दो चौक आठ दो दूनी चार दो तीन छः और दो छिक बारह दो छिक बटा तीन है यार इसको दो क्यों कर दिया मैंने इसको सॉल्व कर लो बस हो गया सॉल्व ये तो एक बटा तीन जोड़म जाड़ी करेंगे सोलह दस में से सोलह गया तो माइनस का छे ठीक है और माइनस दस माइनस जीरो तो माइनस का दस आ जाएगा बीस माइनस आठ करेंगे तो बारह आ जाएगा दस माइनस 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 प्लस चार दस और चार चौदह माइनस पच्चीस और माइनस छः माइनस इकतीस पांच माइनस बारह बारह में से पांच गया सात माइनस का सात आ जाएगा और सो गुड अच्छा कहां घटाना था ए इतना है बी इतना है अच्छा ये माइनस था क्या इसमें हाँ तो कोई बात नहीं हमने इसको प्लस कर दिया ले। बस ऐसे दिलविल पे नहीं लेते भाई दिलविल पे नहीं लेते वो माइनस था उसको प्लस कर दो ये आंसर सही हो जाएगा अजीब ही यार कुछ भी प्लस माइनस का भी गलती बाप ऐसे ढूंढते रहोगे वाह भाई वाह और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखना है पाँच बी है आपने इस दो को इधर भेजा तो पाँच बी माइनस दो ए आएगा ठीक है और फिर इस तीन को नीचे भेजेंगे तो ये आ जाएगा एक बटा तीन पाँच बी माइनस दो ए फिर पाँच बी पाँच को इससे गुणा किया तो पाँच दूना दस आ जाएगा पाँच दूना माइनस का दस पांच चौक बीस आ जाएगा पांच इन दो दस आ जाएगा पांच को पांच से करेंगे पच्चीस आ जाएगा और पांच को एक से करेंगे प्लस का पांच आ जाएगा माइनस का साइन एज इट इज आ गया दो को गुणा करेंगे तो दो आठ सोलह हो जाएगा दो को जीरो से करेंगे जीरो दो चौक आठ हो जाएगा दो चौक दो चार हो जाएगा दो तीन जाएगा और दो छिंग बारह हो जाएगा परफेक्ट है दस में से सोलह गया तो माइनस का छह माइनस का दस माइनस का जीरो माइनस का दस बीस में से आठ जाएगा तो बारह बच जाएगा दस में से माइनस माइनस प्लस तो ये चौदह हो जाएगा पच्चीस माइनस छ इकतीस होता है और पांच माइनस बारह आपके पास इतना हो जाएगा प्लस लिखा है ध्यान से देखो कहा लिखा है यार मतलब किसकी बात कर रहे हो आप लोग यार ये देखो दो ए प्लस बी है तो इसको मैंने जोड़ दिया इसमें क्या दिक्कत है दो ए है तो दो ए अपन ने इसको डायरेक्ट लिखा था इस वजह से हो सकता होगा शायद कि दो ए है तो दो से गुणा किया दो एक दोनों दो चार दो तीय छो दून चार दो तीय छः दो एक दो एज इट इज आ गया तीन आपके पास था दो और तीन हमने पांच लिख दिया चार में से एक गया तीन छ और तीन नौ हो जाएगा और चार माइनस एक तीन हो गया एक मिनट ऊपर नीचे कैसे हो रहा है अच्छा चार माइनस एक जो है वो तीन हो जाएगा छः प्लस जीरो छः बन गया और दो प्लस दो चार बन गया कुछ भी हट हां तो ये जो है इसका वो फाइनल आंसर है फिर इसके बाद आता है इसी जैसा क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए और एक बार इन दोनों को घटा लीजिए इतना सा काम करना है ठीक है एक बार इन दोनों को जोड़ना है एक बार इन दोनों को घटाना है जोड़ोगे तो आपके पास चलो कर देता हूं यार छोड़ो आदि बुरी आत्माएं भी हैं इसमें एक्स प्लस वाई बराबर अगर मैं इसको जोड़ता हूं यह आपको दिया गया है पांच दो जीरो और नौ एक नंबर मान लो इसको ठीक है दूसरा है एक्स माइनस वाई हालांकि ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो इतना इजी था तीन छह जीरो और माइनस एक आपको क्या करना है इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा समीकरण एक प्लस समीकरण दो। दोनों को जोड़ देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई तो पांच दो जीरो और नौ y से वाई काट काट दो तो ये बन जाएगा दो एक्स पांच प्लस तीन आठ दो प्लस छः आठ फिर जीरो और नौ में से एक गया तो आठ इस दो से इसमें भाग लगा दो तो यहां से आपके पास एक्स का मान आ जाएगा एक बटा दो एक काम करते हैं ना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं आठ इसमें से बाहर निकाल दो इधर दो आ जाएगा तो इधर आ जाएगा एक एक जीरो और एक ये चार आ जाएगा ठीक है ऐसा कुछ बन जाएगा चार 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 भी लिखना चाहो तो लिख दो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जगह की वजह से ताकि पर दूसरा पार्ट आ जाएगा चार, चार, जीरो और चार। ये हमने जोड़ने से आपको ये मान प्राप्त हुआ अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको क्या करना है मतलब ऐसा का ऐसा पार्ट क्या करना है एक बार माइनस कर दो समीकरण एक माइनस समीकरण दो कर दो समीकरण एक माइनस समीकरण दो समीकरण एक में से दो को घटा दोगे तो क्या आएगा देखो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर पांच दो जीरो नौ माइनस तीन जीरो माइनस एक इसको अगर ओपन करोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई पांच में से तीन गया दो, दो माइनस है माइनस का चार जीरो माइनस जीरो जीरो नौ माइनस 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 प्लस एक तो नौ प्लस एक कितना होता है दस यहां पर आप देख सकते हो एक्स से एक्स कट रहा है वाई और वाई मिलके दो वाई बना रहा है दो माइनस चार जीरो और दस तो वाई का मान आ जाएगा एक माइनस दो जीरो और पांच इस तरह से आपके पास एक्स और वाई का मान आ जाएगा वाई की वैल्यू इक्वेशन में रख दो तब भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वाई की वैल्यू रख दोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन ये फर्जी से हैं फिर तो आता है बासमती का भी एग्जाम में पूछा नहीं है किसान खरपतवार फिर आता है ये वाला उदाहरण ठीक है हाँ ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है अब दो अवियों का गुणन की अब हम बात करने वाले हैं पानी वानी पी लो थोड़ा सा चाहे आप पीजिए बस अब फटाफट फटाफट फटा फटा देखो आगे का पोर्शन भी कवर करना है खूब सारा पोर्शन बचा है अभी इसके बाद आपका प्रारंभिक संक्रियाएं बचा है इसमें जो मेजर पार्ट आता है ना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर मेजर पार्ट जो आता है एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं मेजर पार्ट आपका अभी बचा है अगर आपके प्रारंभिक संक्रिया जो वाला टॉपिक है एग्जाम में आता है तो प्रारंभिक संक्रिया आपको अच्छे से देखना है फिर उसके बाद जैसे चैप्टर निपटेगा फिर हम एक अच्छा सा ब्रेक लेके बीस एक मिनट का और फिर उसके बाद चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे निपटा देंगे अभी ठीक है एक एक दो दो, दो, दो नंबर के क्वेश्चन तो आपने निपटा दिए बस अब उसके बाद वो वाला डिस्कस करेंगे एक बार चौथा चैप्टर एक बार जल्दी से गुणा देख लो कि गुणा कैसे करना है गुणा करने के लिए सिर्फ आपको साइकिल चलाना अनिवार्य है साइकिल चलाना आनी चाहिए अगर आपको साइकिल चलाना आती है तो आप गुणा कर लोगे नहीं आती है, तो नहीं कर पाओगे कैसे करना है देखो ए और बी को अगर गुणा करना है तो सबसे पहले तो यह चेक कर लो कि इसका क्रम क्या है इसका क्रम है दो गुणा दो और इसका क्रम है दो गुणा तीन तो पहली पंक्ति में पहले आवयु में स्तंभों की संख्या और दूसरे आवयु में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो इन ये दोनों का गुणन संभव है इन दोनों का गुणन संभव है अगर इन दोनों का गुणन संभव है तो बनने वाली मैट्रिक्स क्या होगी बनने वाली मैट्रिक्स बनेगी दो गुणा तीन की इसको ऐसे लिखो थोड़ा सा और तरीके से लिखो समझ में आ जाएगा अगर ये दो गुणा दो है ठीक है और इधर आपके पास तीन दो गुणा तीन है तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी इनसे जो आव्यू बनेगा उसका क्रम बनेगा दो गुणा तीन ठीक है अब कैसे बनेगा और क्या बनेगा उस पर फोकस करना है देखो अब इसको समझना दो गुणा तीन का बनेगा कैसे ए आपने लिखा ए बी की अगर हम बात करें तो ए आपने लिख दिया यहां पर छ नौ दो और तीन दो छ और जीरो सात नौ और आठ ये आपने लिख दिया जैसा कि मैंने आपसे अभी भी कहा कि आपको करना क्या है साइकिल चलानी है साइकिल कैसे चलाओगे साइकिल चलाने का मतलब सिंपल सा है यस yes. साइकिल चलाने का मतलब सिंपल सा है इधर से जाना है और इधर को उतरना है मतलब कि आर वन को गुणा करना है देखिए बड़े ध्यान से देखना अधिकतर बच्चे इसमें गलत करते हैं आपका गलत ना हो बस ये आर वन है और ये सी वन है आर तो वन के अवयव को सी वन के अवयव से गुणा करना है तो गुणा करने पर क्या आएगा वो देखो छ को दो से गुणा करना है छह गुणा दो प्लस नौ को सात से गुणा करना है ये आपका एक अवयव आ गया आर वन को सी वन से गुणा किया तो यह अवयव आ गया अब आर वन को जब आप सी टू से गुणा कर रहे हो सी टू से आर वन को सी टू से गुणा कर रहे हो तो अवय क्या मिलेगा तो छ को छ से करेंगे छत्तीस आ जाएगा छ गुणा छ प्लस नौ गुणा नौ छ को छ से किया नौ को नौ से किया इक्यासी आ जाएगा ठीक है तीसरा जो है तीसरा जो है आपके पास वो है इसको पिंकी पोंकी कलर से ले लेते हैं सी थ्री सी थ्री को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर वन को अब सी थ्री से गुना करना है छ को जीरो से करेंगे छ गुणा जीरो प्लस नौ गुणा आठ इस तरह से आपके पास एक आवियु बन गया आवयू क्योंकि दो गुना तीन का बनेगा तो आपको एक पंक्ति तो मिल गई इसकी अब दूसरी पंक्ति बनाना है है ना अब दूसरी पंक्ति कैसे बनाओगे आर टू की बात कर रहा हूं सेम चीज सेम पैटर्न विद आर टू आर टू को C1 से गुणा करेंगे तो आपके पास अवयव आएगा दो गुणा दो दो गुणा दो फिर आर टू का दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से गुणा होगा तीन गुणा सात फिर आर टू का अवयव सी टू से गुणा होगा आर टू को सी टू से गुणा करेंगे तो दो गुणा प्लस तीन को नौ से करेंगे तो तीन गुणा नौ आ जाएगा फिर आर टू को सी थी से गुणा करेंगे आर टू को सी थी से गुणा करोगे तो क्या आएगा दो को जीरो से करेंगे दो गुणा जीरो और तीन को आठ से करेंगे तीन गुणा आठ अब इसको लिख लो छह और सात नाम तिरसठ तीन और दो पांच छ और एक सात पचहत्तर पचहत्तर छत्तीस और इक्यासी एक सौ सत्रह और आठ नाम बहत्तर और छः अठहत्तर इसी तरह से दो दुनी चार और सात सातिया इक्कीस इक्कीस और चार होते हैं पच्चीस ठीक है छः दुनी बारह और नौ तिया सत्ताईस बारह और सत्ताईस सात और दो नौ दो और एक तीन उनचालीस फिर इसी तरह से आएगा आठ तिया चोईस जीरो का खानदान तो खत्म इस तरह से ए भी आएगा गुणा में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी थोड़ी सी गुणा में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी बस आपको और गुणा अच्छे से आ गया ना फिर कोई दिक्कत भी नहीं है कितने बच्चे ऐसे, है? कितने ऐसे हैं जिनको ये बात पल्ले पड़ गई हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात पल्ले पड़ गई जल्दी बोलो फटाफट सीधा साधा गुणा नहीं कर सकते सीधा साधा नहीं करना भाई अठहत्तर नहीं है कौन सा नौ अठे बेहतर अच्छा जीरो से गुणा कर दिया ठीक है नौ है बेहतर और बेहतर प्लस जीरो बेहतर ही आएगा ठीक है परफेक्ट एकदम ठीक है ठीक है गुणा में किसी बच्चे को कोई समस्या किसी को भी किसी भी प्रकार की गुणा में अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ एक क्वेश्चन ये भी कर लो देखो ए ये थोड़ा सा दो गुणा तीन और तीन गुणा दो का है ये भी देख लो एक बार ए बी तथा बी ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी और बी ए जो है वो आपस में बराबर नहीं होते एक बात ध्यान रखना कि ए बी और बी ए आपस में बराबर होते भी नहीं जब तक कि कोई कंडीशन ना हो गलती नहीं करेंगे तो पता कैसे पड़ेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो भैया प्लस माइनस मिस्टेक तो कोई दिक्कत नहीं है कोई बड़ा इशू नहीं है वो ठीक है तो ए बी और बी ए जो है वो ज्ञात करिए और दर्शाइए की अगर हम बात करें ए और बी ये कितना है दो गुणा तीन और ये कितना है तीन गुणा दो देखो क्या होता है मैं आपको एक तरीका बताता हूं जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बोर्ड पे क्योंकि अगर अभी सामने बच्चे बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सर बता देते हैं कि सर यहां पर थोड़ी सी ये वाली दिक्कत आ रही है प्लस की या माइनस की जब कैमरे के सामने बैठे हैं तो बस ये कैमरा है मुझे जितना दिख रहा है दिमाग जितना चल पाता है उतना ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है उतना ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है जब जिंदा बच्चे बैठे होते हैं ना तब कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी तो ऐसा भी होता है लाइव क्लास में मुर्दा बच्चे होते हैं बोलते ही नहीं बैठ रहते देखते रहते हैं जिंदा हो हाँ 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 हो तो है है तो सही सर थोड़े से ठीक है चलो भाई बात इतनी सी है कि ए और बी को अगर दो गुना तीन है तीन गुणा दो है तो दो गुणा दो की एक मैट्रिक्स बनेगी अब दो गुणा दो कैसे बनेगी ए और बी को अगर हम गुणा करें साइकिल चलाएंगे आराम से मस्त बैठो आराम से मोजी खाएंगे अब ये माइनस का है ना देख लेना एक बार फिर बोलोगे नहीं तो सर माइनस की गलती हो गई और ये है आपके पास दो तीन चार पांच और दो एक चलाएं साइकिल आ जाओ आर वन को वन से गुणा करेंगे आर वन को सी वन से गुणा करेंगे यानी एक को दो से गुणा करेंगे तो एक गुणा दो फिर माइनस दो को चार से करेंगे तो प्लस माइनस दो गुणा चार प्लस तीन गुणा दो ये आपके पास एक पद आ गया आर वन को सी वन से गुणा किया तो ये आ गया अब आर वन को सी टू से गुणा करेंगे आर वन को सी टू से गुणा करेंगे आर वन को सी टू से गुणा करेंगे तो एक को तीन से गुणा करेंगे एक गुणा तीन प्लस माइनस दो को पांच से करेंगे तो माइनस दो गुणा पांच और फिर तीन को एक से करेंगे तो प्लस तीन गुणा एक ठीक है अब इसी तरह से आर टू की बात कर रहे हैं आर टू को एक बार सीवन से गुणा करेंगे आर टू को सीवन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस चार गुणा दो प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे आ जाएगा दो को चार से करेंगे प्लस पांच को दो से करेंगे ठीक है फिर आर टू को सी टू से करेंगे तो माइनस चार इंटू तीन दो इंटू पांच और पांच इंटू एक तो यह आ जाएगा दो चार दुनी आठ और तीन दुनी छ फिर इधर से तीन माइनस पांच दूना दस प्लस तीन फिर माइनस चार दुनी आठ चार दूनी आठ प्लस पांच दूना दस और चार तिया बारह पांच दूना दस और पाँच एकम पांच अब इनको जोड़ के लिख लो दो गुना दो की आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जीरो माइनस चार दस और तीन अरे वाह जीत लिए हो आई जो है ना एक ही है जीत लिए हो अब मन करता इसे निकाल के चीर के दे दे बहुत बढ़िया साहब चलो आगे चले गुणा अब आप आराम से कर सकते हो ठीक है अच्छा इसमें बी और ए भी पूछा था इसने ए भी हमने बता दिया अब आपको बी ए ट्राई करना है एक बार ये आपको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इस वाले का आंसर जो है हमारा आया या नहीं आया अच्छा इसको सॉल्व जरूर कर लेना छः और दो आठ आठ में से आठ गया जीरो तीन और तीन छ दस में से छ गया तो आपके पास आ जाएगा माइनस का चार या आठ और आठ कट जाएगा दस बचेगा दस और पांच पंद्रह पंद्रह में से बारह गया तो तीन बचेगा ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया साहब मजा आ गया गुणा में अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अब इस टाइप का एक क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया होता है कि एक क्यूब माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई बराबर जीरो दर्शा, बराबर जीरो है और ये आपको दर्शाना है इस टाइप की कैलकुलेशन में क्या करना है दो तीन छोटी छोटी बातें हैं आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है देखो एक क्यूब निकालना है पहले यानी से गुणा करके ए स्क्वायर करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है पहले तो आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है ए स्क्वायर ज्ञात करने के बाद इसमें एक कंसेप्ट और लगा सकते हो अगर आप चाहो तो चिक्का चिक्का इसमें अगर आप चाहो तो ऐसा भी लगा सकते हो एक की घात तीन माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई बराबर जीरो है ठीक है सबसे पहले एक क्यूब ज्ञात करेंगे क्यूब ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर के लिए ये कर लोगे या मैं करवाऊं कमेंट करके बता दो क्योंकि है सिंपल सा ये जो आई है यहां पर वो इकाई आवयु बस इतना ध्यान रखना है ये जो है वो इकाई आवयु है तत्समक आवयु भी बोल सकते हो और तीन गुना तीन का होगा एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक गुणा करना थोड़ा सा लेंदी होता है इसलिए बोल रहा हूं बोलो जल्दी से अगर इसको आप बोलो तो मैं पूरा हल करवा देता हूं अदरवाइज कर लोगे तो वो बता दो कि बोलो सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे और और, और बस चार और आ गए ना फिर हाँ ठीक है हो जाएगा देख लो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि हो जाएगा ठीक है तो टाइम वेस्ट नहीं करना फिर बासमती चावल बासमती चावल तीन पॉइंट दो में से ए प्लस भी ए माइनस भी बासमती चावल पे अपन को ध्यान देना नहीं है दोनों का गुणा कोई ऐसा तड़कता भड़कता क्वेश्चन गुणा में कोई खास क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना वही वाला है एबीसीडी वाला तीन से गुणा करना है तो और यहां पर इन दोनों को जोड़ के बराबर रखना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो ए प्लस बी वाला क्वेश्चन क्या था ना वही वाला है एक बच्चा कह रहा है चौदह बता दीजिए उदाहरण चौदह में तो क्या है इसमें ए भी तो दे रखा है इसमें कुछ है तो है नहीं है तो क्वेश्चन भी, भी इसने दे रखा है और आंसर भी इसी ने दे रखा है एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल चौदह बता दीजिए कुछ है तो है नहीं यार इसमें कुछ नया क्वेश्चन देख रहे हैं भड़कता हुआ हम्म ये वाला क्वेश्चन करना है क्या ये वाला क्वेश्चन करना है क्या जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन किस किस को चाहिए क्वेश्चन भी मैं आपके पूछ से आपके पूछ के बता रहा हूं कि आपको कौन से करने हैं वो बताओ मुझे तो सारे करवाने और सारे हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं आपको कौन, किस में ज्यादा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन देखने में समझ में नहीं आ रहा है ना बस एक बार थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद ब्रेक दे दूंगा आधे घंटे के और बात है बस क्वेश्चन नंबर थर्टीन इनवर्स वाला तो इसके बाद आएगा ना यार पहले तो कैसे लेके आ जाए कर लोगे चलो करवा देता हूं मैक्सिमम बच्चों ने पूछा भी एफ एक्स अगर इतना दिया गया है तो एफ ऑफ वाई कितना होगा देखो सिंपल सी बात है अगर एफ एक्स इतना है तो एफ वाई कितना होगा आप कहोगे सर एफ वाई एफ वाई कितना होगा ये बनेगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एक ऐसे बनेगा अब ये कह रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो गुणा करना है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई अब क्योंकि एक्स जब ये था तो फलन इसका कोण क्या था एक्स वाई है तो ये कितना बन गया वाई अगर ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा तो इसका कोण भी क्या बन जाना चाहिए x प्लस वाई तो एफ ऑफ एक्स का मान लिख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 और एक ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अब लिख देते हैं इसकी जगह तो कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 और एक इन दोनों को गुणा करने का खेल है बस अब गेम खेलते हैं थोड़ी देर आ जाओ देखते हैं कितने बच्चों को आता है छोटा सा गेम है खेलते हैं इसको गुणा करें <coughs> हाँ छोटा सा क्वेश्चन है देख लेते फटाफट जल्दी से कॉस एक्स को कॉस वाई से गुणा करेंगे यानी कि आर वन को मैं मार्क कर देता हूं चलो आर वन को सबसे पहले सी वन से गुणा करना है आर वन को सी वन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और तीसरा पद जो है वो जीरो बन जाएगा फिर आर वन को अब सी टू से गुणा करेंगे सी टू से सी टू से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो कॉस एक्स और साइन वाई तो माइनस का कॉस एक्स और साइन वाई आ जाएगा इसको इससे गुणा किया फिर इसको माइनस साइन एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और तीसरा पद जो है वो जीरो आ जाएगा फिर इसके बाद आर वन को सी थ्री से करते हैं सी थ्री क्या है सी थ्री है ये मान लेते हैं सी थ्री सी थ्री से गुणा करेंगे तो देखो इसको जीरो से करेंगे जीरो माइनस साइन एक्स को करेंगे जीरो इसको करेंगे जीरो तो इधर आ जाएगा तीसरा वाला पद जीरो ठीक है अब आर टू को गुणा करना है आपको आर टू को आर टू को सीवन से गुणा करना है अब आर टू को सीवन से गुणा करोगे करोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाय फिर कॉस एक्स को इससे करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स साइन वाई फिर जीरो फिर आर टू को सी टू से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई फिर कॉस एक्स को आर टू को सी टू से कर रहे हैं तो कॉस एक्स और कॉस वाई और तीसरा वाला पद तो वैसे भी जीरो हो जाएगा अब आर टू को सी थ्री से गुणा करेंगे तो देखो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो तो ये जीरो बन गया यहां पर अगर हम देखें आर थ्री की बात करें आर थ्री की देखो जीरो को जीरो कैसे को करेंगे जीरो फिर जीरो और फिर जीरो तो ये वाला पद बन गया जीरो फिर आर थ्री को सी टू से करेंगे तो जीरो जीरो और जीरो ये बन गया जीरो फिर आर थ्री को सी थ्री से करेंगे तो देखो ये जीरो ये जीरो और एक को एक से करेंगे तो एक आ जाएगा तो यह वाला पद एक आ जाएगा बस हो गया सॉल ये तो इसको देखो कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई तो ये किसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का आ, किसका फॉर्मूला ये बना इसका ही है ना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और हमें बनाना है प्लस का अच्छा वो मिस्टेक है का माइनस का कॉमन लेंगे साइने इसको हमने गुणा किया था कॉस एक्स कॉस वाई फिर इसको किया माइनस का साइन एक्स साइन वाई फिर जीरो आ जाएगा एक बार देख लेना कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है ना साइने कॉस बी माइनस कॉसे साइन बी प्लस कॉसे साइन बी अच्छा ये फार्मूला है कॉस का तो कॉस में प्लस आता है ठीक है और इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी तो साइन ए प्लस बी का आ जाएगा ये भी साइन एक्स प्लस वाई इधर वाला पद तो जीरो है ही इधर वाले पद से देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो ए प्लस बी का है यानी साइन एक्स प्लस वाई का इसमें से देखो कॉस ए कॉस भी माइनस साइन है साइन भी कॉस में उल्टा होता है तो कॉस एक्स प्लस वाई इधर वाला जीरो इधर वाला जीरो इधर वाला जीरो इधर वाला एक यानी ये पूरा अब कैसा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यहां पर आपने एक फॉर्मूला काम में लिया है दो फॉर्मूले काम में लिए हैं वो लिख दीजिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइने कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये दो फॉर्मूले हमने यहां पर यूज में लिए हो गया मोए मोए किस किस का मोए 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 बन गया बोलो मोए मोए हो गया क्या अब जिस बच्चे को दिक्कत थी उसका आंसर आ गया होगा ठीक चलो भाई आगे चलें अब चलते हैं कुछ और भड़काऊ क्वेश्चन पर ये भी देख लो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भर भर के पूछा ये भी ये इंपॉर्टेंट है भर भर के पूछा ये भी एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन इतना दिया गया है आई इतना दिया गया है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस दो आई हो तो के का मान ज्ञात करना है खट्टी टॉप खाई थी और मेरे चाचा हेलीकॉप्टर लेके आए देखा किस किसने देखा हो? हाँ मैंने खट्टी टॉप खाई थी कितना भारी बच्चा है यार वो हाँ 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 मैंने खट्टी टॉप खाई थी और मेरे चाचा हेलीकॉप्टर लाए थे तीन माइनस दो चार और माइनस दो कर दो गुणा तीन को तीन से करेंगे नौ दो को चार से करेंगे खूब सारा तीन को दो से करेंगे माइनस का छह माइनस का दो को माइनस का दो से करेंगे प्लस का चार चार बारह चार दूनी आठ चार दूनी आठ दो दूनी चार एक बार पुनः चेक करेंगे इसको तीन तिया नौ चार दूनी आठ तीन दूनी छूनी चार तीन चार तिया बारह चार दूनी आठ चार दूनी आठ दो दूनी चार ओ, ओ ओ ओ ओ ओ, ये आपका आंसर आ गया नौ में से आठ गया एक चिक्का झिंका चिक्का 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 बारह में साठ गया चार माइनस का चार अब यहां पर इसने बोला है आपसे ए स्क्वायर बराबर इतना है के ए ए माइनस दो आई स्क्वायर का मान है एक माइनस का दो चार और माइनस का चार उचिका झिका चिक्का है तो इसको जीरो दो दो जीरो और जीरो दो लिख लेते हैं ठीक है एक मिनट बराबर के के से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन के माइनस का दो के चार के और माइनस का दो के माइनस दो से गुणा कर देते हैं इकाई आवु को तो दो जीरो जीरो दो आ जाएगा और ओ, 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 ओ। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हो तीन के माइनस दो माइनस दो के माइनस जीरो चार के माइनस जीरो और माइनस का दो के अरे अंकल अरे अंकल सर्दी कितनी लग रही है तीन के बराबर तीन के बराबर एक बराबर एक आंसर आ गया क्या ओ ये कितना बढ़िया है कितनी जल्दी आंसर आ गया ओ। अरे अंकल ये तो बहुत तेज हो गया ये वाला क्वेश्चन किस किस को करना है चलो बताओ करना होगा तो बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा के का मान एक आया क्या दो और एक तीन होता है के का मान एक आ रहा है क्या किस किस का मान के का मान एक आ रहा है एक बार पुनः इसको चेक कर लेंगे माइनस दो के होगा क्या क्यों 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 गुणा किससे करना था आ, गुणा किससे करना था एक बार चेक करना है ये वाला आंसर सही है क्या का, का मान एक बार वापस चेक कर लेते देखो ये वाला तक तो परफेक्ट था यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है फिर हमने के से गुणा किया एक को तो तीन के आ जाएगा माइनस का दो के आ जाएगा ठीक है फिर चार के आ जाएगा और माइनस का दो के आ जाएगा परफेक्ट है तीन के माइनस दो किया हमने ये आ जाएगा दो के माइनस जीरो ये आ जाएगा चार के माइनस जीरो तो ये आ जाएगा और माइनस दो के माइनस माइनस दो के माइनस दो माइनस दो के माइनस दो ठीक है अब तो इसको बराबर रख लो चार को बराबर रख लेंगे एक ही आ रहा है यार अगर मैं इसको लिखू माइनस चार बराबर माइनस दो के माइनस दो इस माइनस दो को इधर ले आओ प्लस का दो तो माइनस का दो बराबर माइनस का दो ये कट जाएगा एक बार हब एक ही तो आएगा यार एक ही आ रहा है यार दो कहाँ गया अरे के का मान कितना आ रहा है वो बताओ आप तो के का मान एक आ रहा है कुछ और आ रहा है के का मान तो एक आ रहा है ना रिवीजन कब से स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद से मोई तो मोए जल्दी देखो अट्ठारवा क्वेश्चन किस किस को करना है फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ फिर हम स्टार्ट करेंगे अगर करना होगा आपको तो बोलो मोह मोए जल्दी से बोलो कि अट्ठारवा क्वेश्चन करना हो तो स्टार्ट करें सर इसे तो बता ही दो चलो देखो फटाफट अठारवा क्वेश्चन को ध्यान से देखना इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछना चाह रहा है ये कह रहा है कि ए बराबर इतना है आई कोटी दो का एक तत्समक आवयु है तो यह सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए और इतना है देखो करना क्या है बड़ी सिंपल सी बात है ये जो टेन का पद है ना अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो साइन और cos के पद में क्यों कर रहे हैं हम इसको कन्वर्ट क्योंकि इसने साइन और cos के पद में ही आपसे पूछा है जो सिद्ध करना है ना आपको वो और के पद में करना है अगर मैं इसको साइन और cos के पद में कर देता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान बन जाएगा कैसे इधर ध्यान से देखना आप ध्यान से देखना एक एक स्टेप हम जानते हैं जानो चाहे मत जानो लिख देना बस ये कि एक ऐसे लिखो इसको कि कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस या फिर एक काम करो एक काम करो रुको डायरेक्ट क्वेश्चन पे हल्ला बोलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ए बराबर आपको दिया गया है इतना जीरो माइनस का टेन अल्फा बटा दो टेन बटा दो और जीरो अब यहां पर माना माना टेन बटा दो बराबर टी ऐसा करने से ए का मान कितना आ गया ऐसा करने से ए का मान आ जाएगा जीरो टी माइनस टी और जीरो ये आपके पास ए का मान आ गया अब क्या करना है स्टेप्स देखते जाओ जो बता रहा हूं वही एग्जाम में करना है। ए बराबर इतना है आपको आपने टेन एल्फा को इतना मान लिया ठीक है अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आपको सिद्ध करना है आई प्लस ए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो पहले तो जैसा बता रहा हूं एग्जाम में तो ये आता नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लेना किसी बोर्ड वाले ने किसी का दिमाग विमाग फिर गया तो आपको दे देगा ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है आई प्लस ए आई क्या है तत्सम का भी एक जीरो जीरो एक और ए क्या है ए है आपके पास यहां से आप उठा लो जीरो माइनस टी टी और जीरो ठीक है इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा एक प्लस जीरो एक जीरो प्लस माइनस टी माइनस का टी जीरो प्लस टी टी एक प्लस जीरो एक या आपके पास आ गया आई प्लस ए का मान इसको मान लो आप समीकरण एक ठीक है अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड है आपके पास चिक्का 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 अब इसमें निकालते हैं सबसे पहले आई माइनस ए आई माइनस ए आई माइनस ए का मान कितना है आई माइनस ए के लिए आप लिख सकते हो एक जीरो जीरो एक माइनस जीरो माइनस टी टी और जीरो और इन दोनों को आप लिख सकते हो ऐसा एक माइनस जीरो एक जीरो माइनस माइनस टी प्लस का टी जीरो माइनस टी माइनस का टी और एक माइनस जीरो एक आ जाएगा तो एक टी माइनस टी और एक आ जाएगा हाँ किसी किसी बोर्ड में कभी कभी कोई मैंने कहा ना कोई उठपटांग आदमी आ गया तो दे दा देगा आपको अगर प्रारंभिक संक्रिय नहीं आए तो फिर यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फिर इसने दिया है कॉस एल्फा अब यहां पर है ना एक छोटी सी बात लिखो कि कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अगर मैं इसका कोण आधा कर देता हूं तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा दो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा दो ठीक है हमारे को भी पता है अगर ये थीटा के पदों में और अगर ये अल्फा है तो तो कॉस अल्फा है तो इसकी जगह लिख दूंगा एक माइनस एक काम करो इसको अल्फा कर लो एक एक स्टेप और बच जाएगा क्यों इतनी माथाफोड़ी करें हम अगर ये दो अल्फा है तो टेन स्क्वायर एल्फा टेन स्क्वायर एल्फा बटा दो टेन स्क्वायर एल्फा बटा दो और ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब क्योंकि आपने टेन अल्फा को इतना माना था तो ये बन जाएगा एक माइनस टी स्क्वायर और ये बनेगा एक प्लस टी स्क्वायर क्योंकि टेन अल्फा बटा दो को आपने क्या माना था टी माना था ठीक है ये कॉस अल्फा का माना गया सेम आपके साथ सेम केस होगा साइन के साथ में कि साइन टू थीटा या साइन टू एल्फा का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में टू टेन एल्फा बटा एक प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और इसके कोण को अगर मैं आधा कर दूं साइन एल्फा तो ये बनेगा टू टेन एल्फा बटा दो और एक प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बटा दो तो इसको आप लिख सकते हो दो टी बटा एक प्लस टी स्क्वायर इस रूप में आपको ये देखने को मिल सकता है ठीक है यहां तक क्लियर बहुत बढ़िया अब खेल शुरू होता है यहां पर आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि आई माइनस आपको दिया हुआ है का कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा ठीक है आपने क्या किया आई माइनस ए का मान रख दिया आई माइनस ए आपका कितना आया था आई माइनस ए आया आपका एक टी माइनस टी एक टी माइनस टी और एक और यहां से इनके मान रख दो। अब कॉस दो्फा का मान कितना है एक माइनस टी स्क्वायर बटा एक प्लस टी स्क्वायर माइनस का दो टी बटा एक प्लस टी स्क्वायर फिर दो टी बटा एक प्लस टी स्क्वायर और एक माइनस टी स्क्वायर बटा एक प्लस टी स्क्वायर एक बटा एक प्लस टी स्क्वायर को तो बाहर निकालो पहले ताकि ये आपके पास अंदर बचेगा एक टी माइनस टी और एक और यहां पर बचेगा एक माइनस टी स्क्वायर माइनस का दो टी दो टी और एक माइनस टी स्क्वायर इस तरह से ठीक है अब क्या करना है इस एक को अंदर गुणा करेंगे तो एक बटा टी स्क्वायर अब अंदर देखना एक को इससे गुणा करेंगे तो एक माइनस टी स्क्वायर फिर टी को इससे करेंगे तो प्लस का दो टी स्क्वायर फिर आर वन को सी टू से गुणा करेंगे एक को माइनस टी से टू टी से करेंगे तो माइनस का टू टी और टी को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का टी और माइनस का टी क्यूब फिर से बता देता हूं इसको हमने इससे गुणा करेंगे आर टू से तो एक को माइनस दो से करा तो माइनस का दो टी और इसको करेंगे तो टी माइनस टी स्क्वायर टी माइनस टी क्यूब ठीक है अब आर टू को सी वन से गुणा करेंगे तो माइनस टी को इससे गुणा करेंगे माइनस का टी और माइनस के टी को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का टी माइनस माइनस प्लस का टी क्यूब और एक को इससे करेंगे तो प्लस का दो टी फिर R2 को C2 से गुणा करेंगे तो माइनस टी को 2T से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2T स्क्वायर प्लस का 2T स्क्वायर और ये प्लस का आ जाएगा एक माइनस टी स्क्वायर ठीक है यहां तक क्लियर अब क्या करना है ये बहुत आसान हो गया है आपको दिख रहा होगा हार्ड लेकिन बहुत आसान हो गया है। एक प्लस टी स्क्वायर तो है ही अब इस वाले पद में ध्यान से देखना दो टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो टी स्क्वायर तो ये बचेगा केवल एक प्लस टी स्क्वायर बन गया इजी देखो दो टी में से एक टी गया तो t बचेगा तो इधर बचेगा टी प्लस टी क्यूब अगर टी प्लस टी क्यूब कहीं पर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो ना t एक प्लस टी स्क्वायर एक ही बात है फिर यहां पर देखो इस वाले पद में दो टी में से एक टी गया तो माइनस का टी माइनस का टी और माइनस का टी क्यूब माइनस का टी कॉमन ले लेंगे तो एक प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा इस वाले पद की बात कर रहा हूं तो माइनस का टी और एक प्लस टी स्क्वायर दो टी में स्क्वायर में इसमें से एक टी स्क्वायर गया तो टी स्क्वायर बचेगा यानी कि एक प्लस टी स्क्वायर यहां पर बचेगा एक प्लस टी स्क्वायर को बाहर निकाल दो बटा एक प्लस टी स्क्वायर इस पूरे को लिख सकता हूं एक माइनस टी टी और एक इसको कैंसिल कर दो एक बार और इसको नाम दे दो समीकरण संख्या दो तो ये समीकरण एक क्या थी आपके पास समीकरण एक थी एक माइनस टी टी और एक एक माइनस टी टी और एक तो समीकरण एक तथा दो से आई प्लस ए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा ये आपके पास आ जाएगा आपका मन हो कि बोले नहीं सर ये वाला चैप्टर अभी कराइए चौथा वाला भी तब तो अभी करवाएंगे है ना आपका मन हो तो क्योंकि है ना मैं चाह रहा हूं कि यार जल्दी निपट जाएगा मैं चाह रहा हूं जल्दी निपट गया तो चीजें बढ़िया हो जाएगी यार फिर उसके बाद आपके पास क्या रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा हालांकि थोड़ा सा हेक्टिक होता है लेकिन आपके लिए रिवीजन का टाइम अच्छा खासा मिल जाता है जल्दी से इसको नोट करो थोड़ा सा पानी पी के आते हैं ये आप यहाँ से देख लीजिए इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट तो आपका इजी है सिद्ध करने वाला इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं इस वाले पार्ट को नोट कीजिए जब तक हम पानी पीते हैं थोड़ा सा हेलो यस जनाब आइए वापस माहौल बनाते हैं चलिए तो बात ऐसी है जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा था खूबसूरत था इसका इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेसिक सा क्वेश्चन है कोई ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं करना है चलिए जना आप आगे चलते हैं चौथा चैप्टर आज ही करेंगे लसन प्याज गेहूं चिक 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 सत्यापित करने वाले क्वेश्चन पे दिमाग लगाना नहीं है ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार ये रहा सिद्ध कीजिए कि ए एक सम्मित आव्यू है। एक सम्मित आव्यू है है आयु से संबंधित दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने इंपॉर्टेंट है किसी वर्ग आवयु को सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है यह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सिद्ध कीजिए कि आवयु एक सम्मित आवयु है सम्मित आवयु के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो परिवर्त है वो इसके बराबर ही होना चाहिए तो बड़ा सिंपल सी चीज है अगर हम देखें ए आपको दिया गया है सम्मित आव्यु और विषम सम्मित आवयु के दो को टाइप आते हैं दोनों के दोनों टाइप आपको अच्छे से देखने हैं ए बराबर इतना दिया गया है ये एक सम्मित आवयु है ये आपको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे ए बराबर आपको जो दिया गया है इसका परिवर्त निकाल लेंगे फर्स्ट वाले पार्ट का ए वाले भाग का परिवर्त निकाल लेंगे परिवर्त कितना आ रहा है पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना देते हैं पहली पंक्ति है एक माइनस एक और पांच दूसरी पंक्ति है एक दो और एक पंक्ति है और तीन ठीक है अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं नहीं माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है ना इसको ध्यान से देखें इसको देखें और इसको देखें दोनों एक जैसी है जब ये दोनों ही एक जैसी है तो आप इसको यूं नहीं बोल सकते कि सर ये तो वापस ए ही बन गया ए का परिवर्त बराबर ए आ गया ए का परिवर्त अगर ए होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सम्मित आव्यूह है आवयु ए एक सम्मित आव्यूह है देखो पूजा करनी है ना सबका अपना अपना एक अलग अलग रहता है दो बजे वाली नमाज पढ़ लेना क्या दिक्कत है यार उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी दो बजे वाली पढ़ लेना बात तो एक ही है ना या अलग अलग है अब बात आती है सिद्धिकी जी की आवयु एक विषम सम्मित आवियु विषम सम्मित आवयु के लिए हम क्या करते हैं इसका परिवर्त इसके बराबर होना चाहिए इसमें आप चाहो यहां पर एक बात लिख लो सम्मित आवयु के लिए आवयु सम्मित होगा यदि जगह नहीं बची यदि ए का परिवर्त बराबर ए हो ए का परिवर्त बराबर ए हो ठीक है थोड़ा छोटा छोटा सा काम चल जाएगा विषम सम्मित है विषम सम्मित होता है जिसमें ए का परिवर्त करने पर नेगेटिव ए बनता है तो सेकंड वाला पार्ट जो है ए का परिवर्त कर दो ए का परिवर्त करोगे सेकंड वाले में तो क्या आ रहा है जीरो एक माइनस एक है तो जीरो एक और माइनस एक माइनस एक जीरो एक माइनस एक जीरो और एक एक माइनस एक और जीरो एक का परिवर्त करने पर कितना आता है इतना आता है तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा जीरो और एक माइनस एक माइनस एक जीरो एक एक माइनस एक और जीरो तो एक का परिवर्त कितना आ रहा है माइनस का एक आप क्या कह सकते हो कि सर का परिवर्त आ रहा माइनस ए दिया गया आव्यू विषम सम्मित आव्यू है दिया गया आव्यू विषम सम्मित आव्यू है ठीक है क्लियर सिद्ध कीजिए कि आवयु एक विषम सम्मित आवयु विषम समित आवयु कब होता है यहां पर इसको अंडरलाइन कर लो यदि ए का परिवर्त करने पर माइनस ए मिले तो ठीक है ये था इसमें ना दोनों का योगफल भी आता है सत्यापित कीजिए कि ये एक सम्मित आवयु है तो इन दोनों के योगफल का परिवर्त यही आएगा ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसमें यही है इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं आपको बता देता हूं ए बराबर ए प्लस ए का ये एक प्रमेय से संबंधित है प्रमेय क्या कहती है कि, कि किसी वर्ग आवयु के किसी वर्ग आवयु के ए प्लस ए के परिवर्त का ये ए का परिवर्त आएगा ये गलत लिखा हुआ है ए प्लस ए का परिवर्त एक सम्मित आवयु सत्यापित करना है दो प्रमेय होती है ध्यान रखना किसी वर्ग आवयु को इसके पहले लिख लो यहाँ पर ध्यान रहेगा वैसे इसमें लिखा हुआ भी होगा देखो यहाँ पर लिखा होगा इसमें लिख रखा होगा ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा हम्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों किसी वर्ग आवयु को एक सम्मित और एक विषम सम्मित आवियो के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देख लेना किसी वर्ग आवयु को एक सम्मित और विषम सम्मित आवियो के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है चलो वापस अपने टारगेट पे पहुंचते हैं अपन ये रहा ये दो पॉइंट लिख लो किसी वर्ग आवयु को सम्मित तथा विषम सम्मित तथा विषम सम्मित आयु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है योगफल के रूप में लिखा जा सकता है जैसे a बराबर एक बटा दो ए प्लस ए का परिवर्त प्लस आधा a- माइनस ए का परिवर्त, जिसमें यह भाग जो है ये सम्मित आयु है और ये आपका विषम सम्मित आवयु है इन दोनों को वापस अगर जोड़ोगे तो आप देखो एक ही बनेगा क्योंकि आधा कॉमन आएगा प्लस के ए के परिवर्त से माइनस का ए का परिवर्त कर जाएगा तो दो ए बराबर इतना आ जाएगा आपका ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसको आप पी और क्यू के रूप में भी लिख सकते हो ए बराबर पी प्लस क्यू जहां पर पी जो है वो सम्मित आव्यू है और ये जो है और ये जो है वो विषम सम्मित आव्यू है ठीक है सम्मित और विषम सम्मित आयु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है अब जैसे ये क्वेश्चन है इसने कहा ये ज्ञात कीजिए जो कि आसान है हम कर लेंगे हमारा मेन क्वेश्चन आता है सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखना ये रहा दो गुणा दो का तो इजी है तीन गुणा तीन पे मूव करेंगे सीधा इसको उठा देते दो गुणा दो थोड़ा सा ईजी है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा तीन गुणा तीन पे मूव करते हैं डायरेक्ट आपको करना कैसे है बस वो ध्यान दीजिए देखिए पांच तारीख तक आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना फिर अपन टेस्ट वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपका क्योंकि अभी आपके हाफेली भी है तो मेरा मेन टारगेट तो है कि आपको हाफेली के लिए एक बार तैयार करना देखो बोर्ड हमारा मेन टारगेट होता है वैसे पर अभी आपका पेपर है आपने नाइनटी परसेंट एटी परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है बीस परसेंट भी क्यों छोड़े है ना बीस परसेंट भी क्यों छोड़े तो पांच तक जितना हो रहा है उतना कवर कर लो फिर उसके बाद छह तारीख से पंद्रह तारीख तक आपको क्या करना है टेस्ट लगाने छह तारीख से पंद्रह तारीख तक आपको टेस्ट मिलेंगे उन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है फिर पंद्रह तारीख से रफ्तार बैच लॉन्च हो जाएगा फिर उसके बाद तो रफ्तार में अपन आग लगाएंगे <coughs> समझ आ रही बात तो सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखना है अच्छा इसमें भी है क्या तीन गुना तीन का एक तो इसको उठा देते ना इस वाले को कर लेते हैं एक ही बात है कैसे लिखना है वो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सम्मित और विषम सम्मित आवियों के योगफल के रूप में लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक एक पार्ट अच्छे से देखना ठीक है देखो लिखते कैसे इसने कहा कि इनको योगफल के रूप में लिखना है यानी हाफ तो दिया है ए बराबर ये एक वर्ग आवियो दी गई है आपको छ माइनस दो दो माइनस दो माइनस एक दो माइनस एक और तीन देख लेना साइन एक बार मुझे साइड से छह माइनस दो दो माइनस दो तीन माइनस एक दो माइनस एक और तीन परफेक्ट अब इसका परिवर्तन ज्ञात करते हैं परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो जो पहली पंक्ति वो पहला स्तंभ बन जाएगा तो छ माइनस का दो और दो दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन जाएगा तो माइनस का दो और माइनस का एक तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन जाएगा तो ये बनेगा दो माइनस एक और तीन पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया माइनस दो तीन माइनस एक तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया दो माइनस एक और तीन ठीक है अब क्या करते हैं हम माना माना p बराबर आधा a प्लस ए का परिवर्त ठीक है तो एक बटा दो ए कितना है ए है आपका छ माइनस दो दो तो छ माइनस दो दो माइनस दो तीन माइनस एक और दो माइनस एक और तीन ये आपके पास क्या है का मान प्लस ए का परिवर्त इसका परिवर्त कितना है पहली लाइन है उसको पहले परिवर्त के रूप में लिखो तो छ माइनस दो और दो माइनस दो तीन और माइनस एक दो माइनस एक और तीन ठीक है इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे अब। एक बटा दो तो बाहर आ जाएगा छ प्लस बारह, माइनस दो प्लस माइनस दो माइनस का चार कैलकुलेशन देख लेना दो प्लस दो चार और यहां से आ जाएगा माइनस दो प्लस माइनस दो माइनस का चार तीन प्लस तीन छ माइनस एक और प्लस माइनस एक माइनस का दो दो प्लस दो चार माइनस एक प्लस माइनस एक माइनस का दो तीन प्लस तीन आ जाएगा एक बार पुनः इसको देखेंगे कि हुआ क्या छह में छह को जोड़ा बारह आ जाएगा माइनस दो और माइनस दो मिलके माइनस का चार बन जाएगा दो और दो मिलके चार बन जाएगा माइनस दो माइनस दो माइनस चार तीन प्लस तीन छ माइनस एक माइनस एक माइनस दो दो और दो चार माइनस एक और माइनस एक माइनस दो तीन और तीन मिलके छह बज जाएगा जो कि आपके पास आ गया पी यहां तक तो क्लियर हो गया है ना ये पी का मान है आपका ठीक है समीकरण एक आप चाहो इस दो को अंदर भाग भी दे सकते हो भाग दोगे तो आधा पोर्शन कट जाएगा इसका इसको अगर आप भाग दे दोगे तो दो का भाग दे दोगे तो ये छह आ जाएगा ये माइनस का दो आ जाएगा दो आ जाएगा फिर इसमें भाग देंगे तो माइनस का दो आ जाएगा फिर दो तिया छह आ जाएगा फिर माइनस का दो एकम दो आ जाएगा फिर दो दो चार आ जाएगा दो एकम दो आ जाएगा दो तिया छ आ जाएगा ये बन जाएगा अगर वापस भाग दे दिया तो ठीक है अब दूसरे वाले की बात करते क्यू की माना क्यू बराबर है एक बटा दो ए माइनस ए का परिवर्तन ठीक है तो एक बटा दो तो एज इट इज आगे और ए कितना है छह माइनस दो दो माइनस दो तीन माइनस एक दो माइनस एक तीन माइनस इसका परिवर्त तो छ माइनस का दो दो माइनस का दो तीन माइनस का एक दो माइनस का एक और तीन ठीक है अब क्या किया एक बटा दो आपने एज एट इज लिखा छः माइनस छः जीरो माइनस दो माइनस माइनस दो प्लस का दो जीरो माइनस दो माइनस दो जीरो माइनस दो माइनस माइनस दो तो माइनस दो और प्लस का दो जीरो तीन माइनस तीन जीरो माइनस एक और प्लस का एक जीरो एक मिनट हमने गलत तो नहीं उतार लिया ए प्लस ए का परिवर्तन करने पर ये बन रहा है गलत तो नहीं उतार दिया दो तीन बच्चे यहां पे ना अपवाद की श्रेणी में आ रहे हैं क्यों माने क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक प्रमेय है आपके पास कि किसी भी वर्ग आवयो को सम्मित आवयो और विषम सम्मित आवयो के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए इसको ब्लॉक मार देते हैं इसको हठाया और कोई श्याम पाठक ये गया और गए फर्जी लोग गए अब क्लास से हाँ तो a- माइनस ए का परिवर्त जो है आपके पास वो इतना आ गया ठीक है कहां गया वो हाँ जरा तो तीन माइनस तीन जीरो माइनस एक माइनस माइनस एक प्लस का एक बन रहा है ये जीरो बन रहा है आपका और तीसरा जो है दो माइनस दो जीरो बन रहा है माइनस एक प्लस एक जीरो बन रहा है और तीन माइनस तीन जीरो बन रहा है बहुत बढ़िया इसको गुणा कर रहे हैं तो सब जीरो बन रहा है यानी कि ये बन जाएगा जीरो 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 और जीरो और जीरो 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 ये क्यों का मान आ गया यहाँ से आपके पास समीकरण एक बन गई ये समीकरण एक है ठीक है ये समीकरण दो अरे अरे चाचा ये समीकरण दो है तो यहां लिख दीजिए समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक प्लस समीकरण दो ठीक है समीकरण एक क्या थी आपके पास समीकरण एक है आपके पास p प्लस क्यू ये है p प्लस क्यू पी का मान आ गया छ माइनस दो दो माइनस दो तीन माइनस एक और दो माइनस एक तीन प्लस दूसरा वाला भाग कितना आ रहा था जीरो इन दोनों को जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस यही मिलेगा और ये किसके बराबर है ए के बराबर और ए को हमने क्या माना था सो पी प्लस क्यू बराबर ए और ये आपको सिद्ध करना था पी क्या था सम्यता व्यू क्यों क्या है विषम सम्यताव्यू ठीक आए कैसन बा समझ में आया का मैथ्स में बैकलॉग बहुत ज्यादा है क्या करूं वन शॉट वीडियो देखो और मस्त रहो चिल ब्रो गया आप परेशान होने का टाइम ही गया आपका ठीक है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सम्मित आवयु और विषम सम्मित आवयु के योगफल के रूप में लिखना होता है जैसे एक को आपने पी मान लिया दूसरे को आपने क्यू मान लिया जो कि ए के बराबर आएगा पी क्या होता है आधा ए प्लस ए का परिवर्त प्लस आधा ए माइनस ए का परिवर्त ऐसा बराबर ए आता है इसका मीजे आ गया अरे वाह कॉन्सेप्ट सीख लो फिर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है ये देखो ये भारी है इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मेरे को याद बताओ कब करोगे जब पेपर देखे पेपर के सामने जब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ना तब तो आपको लगेगा यार चाचा चा, सही कह गए यार चलो <laughs> अब क्वेश्चन की बात करते हैं है ना कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित अवयु हैं तो ए बी माइनस बी क्या है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है अभी आएगा मजा देखो मजा कैसे आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक होती है ये ऐसे मन से नहीं होते क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं माना इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों एक सम्मित अवयु हैं तो माना x बराबर ए बी माइनस बी ए परिवर्त कर दो दोनों तरफ इसका परिवर्त और ए बी माइनस बी ए का परिवर्त ये परिवर्त टी नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा डैश ठीक है अब एक्स का डैश तो एज टीज आ गया ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश फिर इसको उल्टा कर दो ए बी का डैश तो ये बनेगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी सम्मित आव्यू है तो ए को ए लिख सकते हैं बी को बी लिख सकते हैं अब इसके बारे में भी लिख रहा हूं माइनस कॉमन ले लो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का बी ए बन जाएगा और ये प्लस का ए भी बन जाएगा जिसे घूम फिर के आप वापस एक्स ही लिख सकते हो तो एक्स का बार बराबर माइनस का एक्स अगर ऐसा है ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू की फॉर्मेट में भी पूछ सकता है आपसे तो ये माइनस का एक्स बन रहा है मतलब विषम सममितावियो अब इसका कारण लिखो काम की चीजें लिखो इसमें यहां से परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर इसमें क्या किया इसमें हमने परिवर्तन कर दिया इसमें हमने वो प्रॉपर्टी लगा दी वो गुणधर्म लगा दिया ए प्लस बी का अगर हम परिवर्त करते हैं तो ये ए का परिवर्तन और प्लस बी का परिवर्तन आता है मतलब अंदर एक पद हो चाहे दो पद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है तीसरा वाला ये कहता है इसमें हमने क्या किया इसमें हमने ये वाला लगाया है गुणधर्म ए का परिवर्तन अगर आपको करना हो तो ये उल्टा बनता है बी का परिवर्तन और ए का परिवर्तन फिर इसके बाद ये हमने लगाया है ये दिया है दिया है कि ए का परिवर्त ए है और बी का परिवर्त बी है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए तथा तो बी समान कोटि के सम्यता भी हो फिर इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया और यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि x बराबर ए बी माइनस बी ए था ए बी माइनस बी ए था ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस जिसका एक बार में ऑप्शन ए आ गया ना तुम लोग बिल्कुल सही रास्ते ट्रैक पर हो बस इसी ट्रैक पर रहोगे ना तो जंग जीत जाओगे बेटा अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इसमें क्या करना है इसमें बड़ा सिंपल सा है ए प्लस ए का परिवर्तन बराबर आई है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए तो ए आपको दिया गया है ए प्लस ए का परिवर्तन दोनों को एक साथ ही जोड़ देते हैं तो बराबर क्या दे रखा है इसने आई तो ए कितना है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा और ये आ जाएगा कॉस एल्फा बराबर आई है अच्छा प्लस भी है क्या प्लस परिवर्त करना है तो ये बन जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा है तो माइनस साइन एल्फा यहां आ जाएगा आर टू है तो सी टू यहां बन जाएगा तो साइन एल्फा एक जीरो जीरो और एक कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा दो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा जीरो और साइन एल्फा प्लस ये जीरो और ये दो कॉस एल्फा बराबर एक जीरो जीरो एक तो दो कॉस एल्फा बराबर तो एल्फा बराबर जीरो कॉस का मान जीरो होता है भाई साइन का मान जीरो जीरो पर होता है कॉस का नब्बे पर होगा तो कॉस पाई बटा दो एल्फा का मान आ जाएगा पाई बटा दो है कहीं अरे कहीं पर है ही नहीं इसमें तो जीरो आ रहा है ना अच्छा एक है सॉरी कॉस एल्फा बराबर एक तो ये बन जाएगा दो कॉस एल्फा बराबर एक तो कॉस एल्फा बराबर एक बटा दो और साइन में तीस पे होता है तो कॉस में साठ पर हो जाएगा कॉस साठ का मान होता है पाई बटा तीन पाई बटा छः कॉस साठ है ना पाई बटा तीन तो एल्फा का मान आ जाएगा पाई बटा तीन कहीं है क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक बच्चा कह रहा है सर सभी चैप्टर का वन शॉट लेके आए अभी क्या चल रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं भाई सभी चैप्टर का वन शॉट क्या होता है मतलब कैसे आता है ऐसे कोई घोड़े पे बैठ के तो आएगा नहीं ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार मतलब जज्बा देख रहे हो आप लोग अलग ही लेवल का जज्बा है कुछ बच्चों का तो अलग ही अलग ही लेवल के हो रहे हैं यार बिल्कुल अलग भारी एकदम पाई बटा तीन जीरो एक बटा दो साइन का तीस पर होता है कॉस का साठ पर ही तो होगा यार कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग वही बच्चे हैं ये जो कहते हैं कि किसी के घर जाके कहते हैं पानी पिला दो फिर जब इनको पानी पिलाया जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं पानी पिलाओ पानी पानी कब पिलाओगे अरे बोले पानी तो पिलाया पानी पानी बोले हमारे यहाँ तो इसको जल कहते हैं जल पानी पिलाओ आप तो वो ही है ये भारी बच्चे अब आता है आपके पास प्रारंभिक संक्रिया आपके सिलेबस का पार्ट है प्रारंभिक संक्रियाएं जल्दी से बोलो फटाफट अगर है तो आगे चलूंगा नहीं तो नहीं चलेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्यतक्रम ज्ञात करना मैंने खट्टी टॉप खाई थी मेरे चाचा एरिकलोन लाए थे और और मेरे पास छोटी कार भी है मेरे एयरप्लेन में वो ख़त्म हो गए सेल ख़त्म हो गए बस एक आखिरी टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर तो निपट जाएगा नब्बे परसेंट बच्चे बोल रहे हैं नहीं है दस परसेंट बच्चे बोल रहे हैं है, तो मैं एक काम करता हूं प्रारंभिक संक्रिया का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं ठीक है कॉन्सेप्ट बता देता हूं तो आप एक छोटा सा काम करना कॉन्सेप्ट बता देता हूं एक क्वेश्चन करा देता हूं और फिर इस चैप्टर को विराम दे देंगे अपन ठीक है तो आपका मेजर पार्ट इस चैप्टर से कवर हो जाएगा जिन बच्चों के सिलेबस में नहीं है वो घर जाएं आराम से घर पर तो हो आप थोड़ा सा इधर उधर डोलिया हो जब तक इन बच्चों को मैं बता देता हूं है ना चलो भाई देखो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा विक्रम ज्ञात करना मैंने खट्टी टॉफी खाई थी मेरे चाचा एरोप्लेन चलाते हैं और मेरी कार में सेल खत्म हो गए हैं एक मिनट रुको प्रारंभिक संक्रियाओं का वो एक लाइन होनी चाहिए मैंने खट्टी टॉफी खाई थी चाचा एरोप्लेन चलाते हैं कहाँ गया इतना नीचे तो नहीं था यार वयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं देखो दो तरह से प्रारंभिक संक्रियाएं हम लगा सकते हैं एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के रूपांतरण होते हैं है ना दो तरह के होते हैं एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हो आवयु पर प्रारंभिक संक्रिय कोई सा भी एक कर लेते हैं हम लोग आवयु पर प्रारंभिक संक्रिय और दूसरा होता है स्तंभ पर प्रारंभिक संक्रिय इससे हम क्या करते हैं इससे व्युतक्रम ज्ञात करते हैं इससे हम क्या करते हैं व्युतक्रम ज्ञात करते हैं दो बातें आपको ध्यान रखनी है ये वाला पॉइंट हम करेंगे एक पॉइंट इसमें से कर लेंगे एक ही बात है कोई सा भी कर सकते हो आप अब इसमें से पहला वाला करेंगे जैसे व्युतक्रमणी अभी अगर आपको ज्ञात करना हो एक व्युतक्रम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं हम इसके लिए ऐसे देखो देख सकते हो तीन स्टेप आपको ध्यान रखने कौन कौन से हम तीन चीजें कर सकते हैं तीन चीजें कर सकते हैं हम हमारे पास तीन ही चीजें होती करने के लिए या तो दो गुणा दो की मैट्रिक्स होगी जो टेक्निक बता रहा हूं ना ये टेक्निक शायद ही कोई बताता होगा और यही टेक्निक से आपको करनी पड़ेगी अदरवाइज आप है ना ऐसा चक्कर गिन्नी खा जाओगे ये बुलबुल अगर आपने इस टेक्निक के अलावा कोई दूसरी चीज आपने अप्लाई करी तो हो सकता है शायद आप फंस जाओ कहीं पर इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखना एक होता है दो गुणा दो की मैट्रिक्स एक होता है दो गुणा दो और दो गुणा दो के अंदर हम क्या करते हैं ऐसे बना लो ठीक है हमारा टारगेट होता है आई बनाना तो हम क्या करते हैं इसको पहले एक बनाते हैं इसकी मदद से इसको जीरो बनाते हैं इसकी मदद से इसको जीरो बनाते हैं फिर इसको एक बनाते हैं और इसकी मदद से इसको जीरो बनाते हैं मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा सबसे पहले इसको एक बनाते हैं इसकी मदद से इसको जीरो बनाते हैं फिर इसको एक बनाते हैं और फिर इसको जीरो बनाते हैं दो गुणा दो के अंदर हम इतनी से काम करते हैं जो कि बहुत देर बहुत आसान है लेकिन जब बात आती है तीन गुणा तीन की तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब है ऐसा सबसे पहले हम एक बनाते हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है आई बनाना सबसे पहले हम एक बनाते हैं इसकी मदद से इसको जीरो बनाते हैं इसी एक की मदद से इसको जीरो बनाते हैं ठीक है फिर हमारा इसको आपको ध्यान रहेगा मैं अलग अलग पेन यूज में ले, ले लेता हूं फिर हमारा टारगेट होता है इसको एक बनाना फिर इसकी मदद से इसको जीरो बनाना फिर हमारा टारगेट होता है इसको एक बनाना फिर इसकी मदद से इसको जीरो बनाना और इसी एक की मदद से इसको जीरो बनाना और फिर हमारा आखिरी टारगेट होता है ये।, ये वाला अगर आप अगर आप आव्यू रूपांतरण कर रहे हो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप नीचे वाले की मदद लोगे और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो ऊपर वाले की मदद लोगे इसलिए इसको मैं डैश डैश लाइन से दर्शा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा ये दोगला है ये किसी के साथ भी चला जाता है हो सकता है ये अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो नीचे वाले की मदद लेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इधर वाले की मदद लेंगे ठीक है अब बात आती है कि जीरो और एक बनाने के लिए क्या करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं आपको उन स्टेप्स पे ध्यान रखना है कुछ स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है देखो एक बनाने के लिए एक बनाने के लिए भाग करते हैं और एक बनाने के लिए भाग करते हैं या इसको लिख लो भाग या गुणा करते हैं और जीरो बनाने के लिए प्लस या माइनस करते हैं जिसको हम जोड़ या बाकी बोलते हैं ठीक है अभी क्वेश्चन आएगा अभी तो रुको तो एक बनाने के लिए भाग या गुणा करेंगे और जीरो बनाने के लिए हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे बस ये दो बातें ध्यान रखनी अब जीरो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जीरो किस तरह से बनाएंगे किसको पहले बनाएंगे किसको बाद में बनाएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूं खट ऑफ इखाई थी ठीक है ये जैसे आपको एरो दिख रहा है ना आपको वैसे ही हल करना है अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप उल्टे फीदे फेर में फंस जाओगे ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे इजी तरीका क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो इसका स्पेशली इस ध्यान रखना तीन स्टेप आपको ध्यान रखने देखो आर आई को किसी दूसरी जैसे मान लीजिए किसी भी एक अवयव से हम गुणा कर सकते हैं ठीक है दूसरा किसी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति के साथ चेंज भी कर सकते हैं ठीक है अगर मान लीजिए कोई पंक्तियां हैं दो और उनको मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूं तीसरा है कि अगर किसी पंक्ति में आर आई प्लस के आर जे अगर जोड़ना हो तो मैं जोड़ सकता हूं इसी चीज को आप यहां पर भी देख सकते हो अगर यहां पर देखने में दिक्कत हो तो आपको कहा गया ये यहां पर आर आई को आर जे से यानी कि किसी भी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से बदला जा सकता है किसी भी एक पंक्ति को किसी कांस्टेंट के साथ में गुणा कर सकता है गुणा किया जा सकता है और तीसरा किसी भी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ा जा सकता है किसी संख्या से गुणा करके इन तीन के अलावा दिमाग में जो ख्याल आए वो नहीं कर सकते हम गुणा कर सकते हैं नहीं कर सकते भाग नहीं कर सकते मतलब किसी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति का भाग नहीं कर सकते किसी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा नहीं कर सकते इस ध्यान रखिएगा दोनों बातों का ठीक है अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे ताकि आपको पल्ले पड़े कुछ बातें कहा गया ये इससे हम क्या ज्ञात करते हैं इससे हम व्युतक्रम ज्ञात करते हैं इसका काम क्या है व्युतक्रम ज्ञात करने का ए इनवर्स ज्ञात करते हैं ए इनवर्स ज्ञात करते हैं कैसे ज्ञात करेंगे देखो आपको दिया है ए बराबर हम जानते हैं ए ए इनवर्स बराबर आई होता है ए और ए इनवर्स को अगर हम गुणा करते हैं तो आई होता है हमारा टारगेट क्या है वो देखना ए मैंने बना दिया यहां पर जो समीकरण दे रखी एक दो दो और माइनस एक और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा आ गया आई की जगह मैंने लिख दिया एक जीरो जीरो एक कभी कभी ऐसा होता है कि बनाते बनाते किसी भी पंक्ति के सभी अवयव या किसी स्तंभ के सभी अवयव अगर जीरो जीरो बन जाए किसी पंक्ति के सभी अवयव जीरो हो किसी स्तंभ के सभी अवयव जीरो बन जाए तो उस केस के अंदर ए के व्युत्क्रम जो है वो संभव नहीं होता सिंपल सी बात है अब इस क्वेश्चन में करना क्या है मैंने आपको क्या बोला कि हमारा टारगेट है इसको आई बनाना इसे आई बनाना आई मतलब ये बनाना है इसे है ना टारगेट क्या है आपका आपका गोल क्या है आपका गोल है इसे आई बनाना आई कैसे बनाएंगे इसको देखने की जरूरत नहीं है यह तराजू का काम करेगी इधर जो चीज अप्लाई करेंगे इधर भी वो चीज अप्लाई होगी आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मुझे सबसे पहला टारगेट होता है इसको एक बनाना जो कि पहले से बना हुआ है अब आता है इसको जीरो बनाना अभी जीरो कैसे बनाऊंगा इसको जीरो बनाने के लिए ऊपर वाले की मदद ली जाएगी ऊपर वाले की मदद कैसे लेंगे वो देखो ये क्या है दो और ये क्या है एक इसको जगह लिख लो यहां पे आर वन और यहां लिख लो आर टू सब मक्खन की तरह बता रहा हूं एकदम मजा आ जाएगा आपको दो और एक लिख दिया अब इसको मुझे इसको जीरो बनाना जीरो कब बनेगा जब ये दो से गुणा हो जाए और इसमें माइनस लग जाए बोला हाँ है ना अब इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे आर टू पर एक संक्रिया लगा रहे हैं हम क्या अच्छा संक्रिया ऐसे ही लगानी एग्जाम में एग्जामिनर एक एक वो चेक नहीं करेगा वो संक्रिया चेक करेगा कि आपने सही लगाई है गलत लगाई है तो यहां पर हमने क्या करा आर लिख दिया माइनस से गुणा करके आर लिख दिया अब R2 पर अप्लाई कर रहे हैं मतलब इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर वाले पर भी अप्लाई होगी इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाले पर इस पर अप्लाई कर रहे तो ऊपर वाले पर इस पर अपलाई करे तो ऊपर वाले पर अब हो क्या रहा है आपने संक्रिया तो लगा दी इसमें ये संक्रिया तो आपने लगा दी अब R2 टू पर लगाइए ना तो R1 के अवयव को ऐसा का ऐसा पेल दो जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा उतार दो बस R1 के अवयव आपने ये लिख दिए ऐसा का ऐसा कुछ नहीं छेड़ना है जैसा दिया है वैसा का वैसा लिखना है अब R2 के जो अवयव है ना इनको ध्यान से देखना R2 क्या है? दो, दो माइनस दो गुणा एक कितना बन जाएगा जीरो। अब इस एक पर अप्लाई करेंगे R2 पर अप्लाई करें तो सब पर अप्लाई होगा तो यह है माइनस एक माइनस दो गुणा आर वन का मान कितना है दो तो यह बन जाएगा माइनस एक माइनस दो दुनिया चार यह मिलकर बनेगा माइनस का पांच इस पर अप्लाई कर रहे हैं आर टू पर तो ये जीरो और ये माइनस का पांच आया समझ में वेरी गुड बहुत बढ़िया अब देखो ये क्या है आर टू माइनस टू आर वन तो आर टू है माइनस टू आर वन का मान कितना है एक जीरो माइनस दो कितना हो जाएगा माइनस का दो तो आप इसकी जगह लिख दीजिए माइनस का दो अब क्या है एक माइनस दो गुणा आर वन कितना है जीरो तो आप इसको लिख दीजिए एक आ गया इस तरह से आप इसको बना सकते हो ये एक पद बन गया अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है ये पहला स्टेप था जो पूरा कर लिया हमने अब अब हमारा दूसरा टारगेट है इस पांच को, इस पांच को एक बनाना। माइनस पांच को एक बनाने के लिए माइनस पांच से भाग कर देते हैं तो आप इसको दो तरह से लिखोगे आप इसको दो तरह से लिख सकते हो कि आर टू पर लगा रहे हैं क्या आर टू को गुणा कर देते हैं माइनस एक बटा पांच से या फिर R2 में भाग दे देते हैं किसका माइनस पांच का घूम फिर के बात एक ही है अलग अलग बात नहीं है पागल बनाने की एक विभिन्न तकनीक है ये इनवर्स ज्ञात करने का तरीका है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ना अब माइनस पांच को मुझे क्या बनाना मुझे R2 पर अप्लाई करना है अभी भी तो मैं R1 के अवयव तो ऐसे के ऐसे लिख दूंगा उसके साथ बिना छेड़खानी करें आर वन के अवयव क्या है एक दो एक और जीरो बनाना सीखना है बस आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब यह जीरो, है, ये तो जीरो है क्योंकि इसमें करके देख लो आप अगर आप, आप अप्लाई करोगे ना आर टू को माइनस एक बटा पांच से तो ये तो जीरो ही रहेगा ये कितना बन जाएगा कि साहब ये तो आपका जीरो आ गया ये तो आपका जीरो आ गया ये तो आपका एक आ गया इसमें माइनस इसको गुणा कर देते हैं माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा दो बटा पांच ठीक है और ये क्या है एक एक को गुणा करेंगे माइनस एक बटा पांच से तो ये बन जाएगा माइनस का एक बटा पांच ठीक है समझ में आ गया दो को गुणा किया तो प्लस का दो बटा पांच एक से गुणा करें और आर टू को गुणा किया माइनस एक बटा पांच से तो वो माइनस का एक बटा पांच आ गया ठीक है अब बात आती है हमें तो हमारा टारगेट यही है अब हमें क्या करना है हमारा टारगेट अब यह बन गया कि इसको मुझे जीरो बनाना है मदद किसकी लेनी है इसकी लेनी है तो इसकी मदद कैसे लेंगे ये आ रहा है आर वन में ये किस में आ रहा है आर वन में तो आर वन पे अप्लाई कर दो आर वन माइनस दो गुणा आर टू कैसे अरे भाई ऊपर दो है माइनस दो से गुणा कर देंगे किसको एक को तो जीरो बन जाएगा बोलो बात तो सही है आपकी अब इसको अप्लाई आपको करना है ये अप्लाई किया आपने तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से जिस पर अप्लाई कर रहे हो उसके अवयवों को छोड़ दो ताकि गलती नहीं करोगे किस पर अप्लाई कर रहे हो आर वन पर तो आर टू के अवयव लिख दो आर टू के अवयव ऐसा कैसा लिख दो जीरो एक दो बटा पांच और माइनस का एक बटा पांच ठीक है अब ये क्या बच गया आपका

ये बनेगा आर वन कितना है जीरो जीरो माइनस दो गुणा आर टू का मान माँण है माइनस का एक बटा पांच माइनस से माइनस कट जाएगा दो बटा पांच आ जाएगा आया ये बता रहा हूं बस मैं दो गुणा दो का एक बता रहा हूं तीन गुणा तीन का मैंने बता दिया आपको संक्रिया बनाना आना चाहिए यही आपका टारगेट होगा अब हम क्या करेंगे इस पूरे को मैं आई लिख सकता हूं आई गुणा ए इनवर्स बराबर एक बटा पांच दो बटा पांच दो बटा पांच और माइनस का एक बटा पांच ये आपके पास आ गया ए इनवर्स को जब आई से गुणा करते हैं तो ए इन्वर्स ही आता है तो ए एनवर्स बराबर वैसे तो यहीं पे लिख सकते थे बट कोई बात नहीं चलो एक बटा पांच दो बटा पांच दो बटा पांच और माइनस का एक बटा पांच ये आपका ए इनवर्स आ गया अब सेम चीज आपको किसके साथ करनी तीन गुणा तीन के साथ में ठीक है आगे चलें यह हुआ आपका एक दो गुणा दो का तीन गुणा तीन करना है क्या पीडीएफ मिलेगी ना इसकी एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ सर बहुत तेज भूख लगी है तो पढ़ा तो हम रहे गुरु भूख तुम्हें काहे लग रही है मैक्सिमम बच्चों के आ रहा है मैक्सिमम बच्चों के नहीं आ रहा मतलब मैग्सिम बच्चों के नहीं आ रहा और कुछ बच्चों के आ रहा है तीन गुणा दो गुणा दो मैंने आपको बता दिया है एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिएगा एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर आंसर चेक करने की एक ट्रिक बता दो ना हां तो ट्रिक तो बहुत ईजी है पेपर घर लेके आ जाओ और चेक कर लो सबसे सिंपल है ठीक है ये तो था दो गुणा दो का अब कोई एक और कोई इससे संबंधित क्वेश्चन प्रश्नावली के अलावा ये क्वेश्चन बताना इसका जवाब बता सकते हो क्या कि ए तथा बी एक दूसरे के व्युतक्रम होंगे केवल यदि व्युत कब, हो? कब होंगे व्यतक्रम एक ही केस में होते हैं ध्यान रख लेना जब ए बी ए और बी का गुणन और बी और ए का गुणन बराबर आई हो तब क्यों क्योंकि ये इस बी को मैं लिख सकता हूं ए का इनवर्स तो बी क्या है ए का व्युतक्रम बी इसका मतलब क्या है बी ए का विक्रम है और इस वाले केस में अगर हम देखें इस वाले केस में देखो ए और ए इनवर्स बराबर तो आई होता ही है, है ना और इस वाले केस में देखें तो बी बराबर ए इनवर्स है तो ए बराबर क्या लिख सकता हूं बी इनवर्स जैसे भी आपने लिखा था ना बी बराबर ए ए इनवर्स बराबर भी आई होता है और बी बी इनवर्स बराबर भी आई होता है ए की बात है है ना तो ए बी बराबर ए इनवर्स है या फिर ए बराबर बी इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो बी बराबर ए इनवर्स भी आप लिख सकते हो सॉरी ए बराबर बी इनवर्स इस केस में क्या है ए क्या है बी का व्युत्क्रम ए क्या है बी का व्युतक्रम ठीक है और कोई मन में शंका हो किसी बच्चे के तो पूछ सकता है सर ब्रेक दे दो और कोई क्वेश्चन विविध के क्वेश्चन कोई है नहीं एक क्वेश्चन ये कर सकते हो आप ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्य हो तो दर्शाइए कि ए बी सम्मित है यदि केवल ए तथा बी क्रम विनिमय है वही वाला क्वेश्चन है सेम एक्स वन के जो किया था हमने इसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है एक उसी के पैटर्न का है ए तथा बी सम्मित आव्यू हो तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सम्मित आव्यू हो कैसे करना है मैंने बोला अभी तक क्वेश्चन आएगा ये है ना तो ये वाला ये क्वेश्चन है वहां पर आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में दिया गया था ये इन्वर्स ज्ञात करने का है ना एक तरीका और भी है दोनों तरफ ए से गुणा करने पर कोई एक ये क्वेश्चन देख लो ये भी एग्जाम में पूछा है ये वाला भी वही है सेम पैटर्न का ठीक है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है इसको भी देख लो एक बार कि ए स्क्वायर बराबर आई हो तो कितना है ए स्क्वायर बराबर आई हो तो कितना है ए स्क्वायर बराबर आई का मतलब हो गया ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए ए कितना है एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा और एल्फा बीटा गामा और माइनस एल्फा ये किसके बराबर है आई के बराबर आई मतलब हो गया एक जीरो और जीरो एक एल्फा को एल्फा से गुणा करेंगे एल्फा स्क्वायर बीटा को इससे करेंगे तो बीटा गामा फिर एल्फा को बीटा से करेंगे एल्फा बीटा बीटा को इससे करेंगे तो माइनस का एल्फा बीटा ठीक है गामा को इससे करेंगे तो एल्फा गामा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का एल्फा गामा, गामा को इससे करेंगे तो बीटा गामा माइनस माइनस प्लस एल्फा स्क्वायर एक जीरो जीरो एक इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर एक जीरो जीरो एक तो अगर आप बराबर रखोगे इससे इससे अगर आप बराबर रखते हो तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर एक हमें चाहिए तो अगर इस एक को उठा के इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास एक माइनस एल्फाई स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर जीरो एक माइनस एल्फाई स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर जीरो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ध्यान रखना ऑप्शन एक अरे बी कैसे हो जाएगा एक माइनस एल्फाई स्क्वायर प्लस बीटा गामा है हमारे पास ये दोनों की दोनों टर्म इधर आएगी तो माइनस का बनेगा ना बी किस किस का आ रहा है बी अबे ई ससुरा आई क्या है ई ससुरा आई है तत्समक आव्यू इकाई आव्यू सारणिक कब स्टार्ट करोगे बस इसके बाद एक गैप ले रहा हूं ब्रेक ब्रेक है छोटा सा आपका बीस मिनट का और फिर उसके बाद हम सारणिक स्टार्ट करेंगे ए इन्वर्स ज्ञात करने का दूसरा तरीका जो है ना उसमें हम क्या करते हैं ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो चलो अभी एक और एक बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा आइडिया दे दूंगा यदि ए यदि एक आवयु सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों ही है तो उस केस में क्या बनता है जल्दी बताओ फटाफट एक आवयु सम्मित भी है और विषम सम्मित भी है उस केस में क्या बनता है ये दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये रहा यदि ए एक वर्ग आव्यु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो ये किसके बराबर होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो करवा ही देता हूं यार मोस्ट है ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है a स्क्वायर बराबर a हो तो ये कितना बनेगा a प्लस b का होल क्यूब खोल सकते हो वापस में a क्यूब प्लस 2ab प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कर लेना एक बार a प्लस b का होल क्यूब खोल के कर लेना इसको आंसर आ जाएगा आई क्यूब का तो कितना होगा आई ही बनेगा ठीक है ए क्यूब है ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर डॉट ए प्लस इसको ये बन जाएगा. 3A और आई प्लस ए माइनस सेवन ए चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना है ए डॉट ए प्लस तीन ए आई प्लस तीन ए स्क्वायर माइनस सात ए ए स्क्वायर का मान कितना है ए तो आई प्लस ए स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान हो जाएगा ए प्लस तीन ए प्लस तीन ए माइनस सात ए ठीक है तो यहां पर आप देखो तीन तीन छह और एक सात ये सात से सात कट जाएगा आई आ जाएगा ऑप्शन ए इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर तीन चीजें आपको अप्लाई करनी थी कौन कौन सी देखो इसमें अप्लाई किया हमने इसमें नहीं इसमें अप्लाई किया हमने ए स्क्वायर बराबर ए इसमें अप्लाई किया था और इसमें भी अप्लाई किया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए ठीक है ये दोनों चीजें हमने अप्लाई की है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देख के जाना एक बार एग्जाम में और इनवर्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें हम क्या करते हैं दोनों तरफ इनवर्स से गुणा कर देते हैं जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको दे दिया ए स्क्वायर प्लस दो ए या ए क्यूब दे दिया मान लीजिए ए क्यूब दे दिया प्लस दो ए स्क्वायर दे दिया प्लस तीन ए प्लस आई दे दिया और बराबर आपको जीरो दे दिया आपसे पूछा ए ज्ञात करो तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देना जैसे गुणा करोगे तो इसकी घात का मौके कितना बन जाएगा ये ए दो ये दो ना और ये बन जाएगा तीन ए ए इनवर्स और ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे तो केवल ही आएगा बराबर जीरो आई बन जाता है ये तो I बन जाएगा इस पूरी पद को उठा के उधर फेंक दो तो इससे तो तो इस भी आप इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हो ये भी एक तरीका है ठीक है चलिए जनाब अब एक छोटा सा आपको ब्रेक देते हैं और चैप्टर तीन और चार में कम से कम बताऊं कुछ चार कुछ स्लाइड्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस चैप्टर में हाँ हाँ ब्रेक ले लो यार बस ऐसे रो मत ब्रेक ले लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है इसको जल्दी से सेव से कर लेते हैं इधर उधर होने से पहले है हाँ ना और फिर इसके बाद हम सारणिक डिस्कस करेंगे तो आ जाइएगा सारणिक पढ़ेंगे फिर और शेयर जरूर कर दीजिएगा विविध के क्वेश्चन आपको आता तो रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं उसमें जो आपको बताना है जैसे गणित आगमन का सिद्धांत है वो आता ही नहीं क्वेश्चन करके भी कोई टाइम वेस्ट करना हो जाबे इतनी कितनी फाइलें हैं ये भी हैंग हो गया अभी तो इसके बाद एक नया चैप्टर और है सारणिक अभी बीस मिनट का ब्रेक के बाद वापस चालू कर रहे हैं माहौल बनाया जाएगा अब पालक यादव क्या कहा मैंने अभी आपसे ये एक छोटा सा छोटा सा ब्रेक एक है ना थोड़ा सा छोटा सा ही ले लेते हैं चलो घूम लो फिर लो थोड़ा सा खाना वाना खा लो और फिर आपसे मुलाकात करेंगे अभी थोड़ी देर में ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड डे और थोड़ी देर में आते हैं वापस चौथा चैप्टर भी खत्म करेंगे छोटा सा ये एक डेढ़ घंटे के अंदर निपट जाएगा पूरा हेलो आवाज नहीं आ रहा है अब आ गया देखो मैं क्या कह रहा था आपसे हाँ काम की बात सुनो आप तो कहते ना कि आवाज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि माइक बंद था पहली बात तो ये दूसरी बात ये कि खाना वाना तो नहीं लेकिन ये कि पांच दस मिनट की नैप हो जाती है ना मस्त एकदम तो वापस एनर्जेटिक हो जाते उसी एनर्जी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन ठीक है अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लास्ट में जाते से मैं आप लोगों के डाउट भी एक बार ले लूंगा अगर किसी क्वेश्चन में कोई टॉपिक में आपको डाउट हुआ तो बता दीजिएगा एक बार वापस मैं आपको वो डाउट क्वेश्चन करवा दूंगा ठीक है एक बच्चे ने केवल ये क्वेश्चन पूछा है अभी एक जिसका मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं कि एक क्वेश्चन बता दो इसमें क्या है यार ये कह रहा है कि बी ए बी डैश ए बी सम्मित अथवा विषम सम्मित है यदि ए सम्मित है अथवा विषम सम्मित है वही सेम चीज है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है x बराबर बी डैश ए बी अब दो केस मान लेते हैं पहला केस ये मान लेते हैं दो केस मान लेते हैं चलो पहला केस क्या है ये कह रहा है जब ए सम्मितो अथवा विषम सम्मित, सम्मित है ना। ए पहला केस मैं बता देता हूं जब ए सम्मितो वही पैटर्न है यार जब ए सम्मित होगा तो उस केस में क्या जो माना सारी दुनिया से जीत ये दोनों का परिवर्त कर दो तो एक्स का परिवर्त बी का परिवर्त ए बी का पूरा परिवर्त अब ये बी अलग है और ए बी अलग है तो इस पूरे को लिख लो एक्स का परिवर्त बराबर ए बी का परिवर्त और बी के परिवर्त का परिवर्त उल्टा होता है ना इसके अंदर अब यहां पर आपका वापस उल्टा कर दो इसमें तो एक्स का परिवर्त ये बनेगा बी का परिवर्त ए का परिवर्त और बी का डबल परिवर्त करोगे तो बी बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए सम्मित है ए सम्मित होगा तो ए का परिवर्त ए ही आ जाएगा तो ये बी बन जाएगा यानी कि एक्स आ जाएगा आप इसे लिख सकते हो एक्स डैश जब ए सम्मित होगा तो ये भी क्या बनेगा सम्मित आव्यू बनेगा अब ऐसा ही आपको सेकंड ट्राई करना है जब ए इतना हो दूसरी कंडीशन क्या है यहां लिख दो सम्मित ये बनेगा आपका सम्मित ठीक है दूसरा केस है जब ए विषम सम्मित हो तो ए का जो परिवर्त है वो माइनस ए बनेगा माइनस ए होता है इसको हल करना है सेम पैटर्न है सेम बस इस ए की जगह माइनस ए लिखना है ये माइनस का बन जाएगा ये यू का u ही कॉपी हो जाएगा बस इस ए की जगह माइनस ए कर देना ए का परिवर्त ए हो इस केस के अंदर उल्टा हो जाएगा बस सर वीडियो रुक रुक कर चल रही है तो रुक रुक कर चल रही है इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जैसा कि आपको पता है अच्छा एक बात बताता हूं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से नई वाली एनसीईआरटी के अंदर देखो सारणिक आपका एक टॉपिक है प्रथम और द्वितीय कोटि के आवयु का सारणिक है ये है ये है नई वाली बुक में यानी कि नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें ये वाला पोर्शन हट चुका है अगर आप लोगों के है तो बता दो लास्ट में अपन जाते जाते इसको भी निपटाते हुए चलेंगे फिर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाली बुक में और पुरानी वाली बुक में दोनों में है ये भी नई बुक में पुरानी बुक में है ये भी नई बुक में है और ये भी ये भी ये भी है ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको नई बुक में और पुरानी बुक में मिलेंगे नई बुक में केवल ये वाला पॉइंट जो है सारणिकों के गुणधर्म ये आपका नई वाली बुक में नहीं है ठीक है हमारे में टाइमर चलता बा हट गया हट गया हट गया ठीक है तो जो पहला वाला पोर्शन यानी जिन जिन बच्चों के आ रहा है पहले उसको कवर करते हैं फिर लास्ट में जाते जाते सारणिकों के गुणधर्म भी एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा सारे के सारे ठीक है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बिहार बोर्ड में सब कुछ देखो अगर आपके एनसीआरटी चलती है ना तो नई वाली एनसीआरटी के हिसाब से सिलेबस देख रहे हैं आपको एनसीआरटी अगर नहीं चलती है तो बात अलग है अगर एनसीआरटी चलती है तो एनसीआरटी पे ही फोकस करना है आपको क्लियर है बहुत बढ़िया आगे चलो चलो स्टार्ट कर देते हैं माहौल बना देते हैं एक बार काम की बात लिखो सीधी काम की बात कि एन कोटी के एन कोटी के वर्ग आवयु को एक संख्या द्वारा एक संख्या वो संख्या कौन सी हो सकती है वो संख्या वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है कि एन कोटि के वर्ग आवयु को एक संख्या यानी कि वास्तविक या सम्मिश्र संख्या के द्वारा अच्छा एक बात बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको यह नहीं पता हो कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है हैं बहुत बढ़िया तो बहुत से बच्चे होते हैं भाई नहीं पता होता इनको तो एन कोटी के वर्ग आवियों को एक संख्या यानी कि वो संख्या वास्तविक भी हो सकती है सम्मिश्र संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या संबंधित करा दिया जाता है या दर्शाया जा सकता है दर्शाया नहीं संबंधित वर्ड लिखो ताकि समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया किस लिए आया अगर ये देखना है तो आप जो पहला लेक्चर है मेरा यानी कि इस साल का फोर्थ थ्री पॉइंट का जो पहला लेक्चर है आप वो देख सकते हो तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि इससे ये ही क्यों बना ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना ये सब चीज मैंने उसमें बता रखी अभी हम केवल वन शॉट के अंदर उन पार्ट को डिस्कस करें कि इसका ये होता है इसका, इसका ये होता है इसका ये होता है खत्म ठीक है तो एन कोटी के वर्ग आवि को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं या कराया जा सकता है जिसे वर्ग आवयु का सारणिक कहते हैं जिसे एक मिनट इसमें लिख लो वैसे तो यहीं पे समझ में आ जाएगा जिसे वर्ग आवयु का सारणिक कहते हैं जिसे वर्ग आवयु का सारणिक कहते हैं यह आपके लिए लिखना पड़ता है नहीं तो समझदार समझ जाता है ये क्योंकि पहले से दिया हुआ वर्ग आवयु तो ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट भी वर्ग आवयु का सारणिक कहते हैं ठीक है अब दूसरा पॉइंट क्या है सारणिक जैसे ए है ए आपके पास एक आयु है ऐसा ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू और इसे मैं सारणिक रूप में लिख लिख सकता हूं इसे सारणिक ए सारणिक ए या फिर मैं इसे लिख सकता हूं ऐसा ध्यान रखना ये मॉड्यूल का साइन नहीं है ना सारणिक ए या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसा डिटर्मिनेंट ए इन तीनों को ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे दो खड़ी पाई की डंडी लगाई ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ये दो गुणा दो के लिए है ऐसा भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो अच्छा ये भी लिख सकते हो इसमें एक चीज और है हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आप देखो सारणिक ए या फिर डेल या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको और ये एज इज आ जाएगा ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ज्ञात कैसे करते हैं वो भी आएगा ठीक है <coughs> क्लास रेगुलर होती है आपकी और कल आपके पास थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे अपन मॉर्निंग के अंदर तो आतंक लग, आग लगाएंगे सुबह मॉर्निंग के अंदर तो एन कोटि के वर्ग आयु को एक संख्या के द्वारा संबंधित कराया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है जिसे जिसे वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं ए बराबर अगर ऐसा है तो सारणिक ए को इस तरह से लिखा जा सकता है इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं वो अब आएगा एक कोटि का एक कोटि के आवयु का सारणिक एक कोटी के आवयू का सारणिक ठीक है कोई दिक्कत नहीं जैसे मान लीजिए ए एक आवयु है आपके पास एक तो इसका सारणिक कितना होगा इसका सारणिक भी एक ही होगा अच्छा एक बात बताओ अगर मान लीजिए ए एक आवयू है माइनस एक तो इसका सारणिक कितना होगा आप कहोगे सारणिक एक होगा माइनस एक लेकिन ध्यान रखना ये माइनस एक है माइनस एक ही रहेगा मॉड्यूलस का साइन नहीं है वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा यह मॉड्यूलस का साइन नहीं है फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा यह मॉड्यूलस का साइन नहीं है इसमें मॉड्यू इसमें यह एज इट इज रहेगा आप लिख लीजिए इसकी जगह कि यह मॉड्यूलस नहीं है मॉड्यूलस मतलब होता है मापांक मापांक नहीं है माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा ठीक है आगे चलें अगर द्वितीय कोटि के आव्यू के सारणिक की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो जैसे मान लीजिए ए बराबर आपको दे दिया है ए वन वन एक आव्यू है मुझे इसका सारणिक ज्ञात करना है यानी कि सारणिक ए तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसा ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू आपको क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और अगर साइकिल चलाना आती है तो मेरे साथ साइकिल चलाओ ए वन वन से ए टू टू के पास जाएंगे और फिर इधर घूम जाएंगे ए वन वन से ए टू टू के पास जाएंगे और फिर इधर घूम जाएंगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि सर ये आपका बन जाएगा ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू और ए टू वन इस तरह से आप इसे लिख सकते हो इसका मान अगर ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक ही रहेगा और अगर धनात्मक आता है तो धनात्मक ही रहेगा अब अगर हम बात करें इसके आगे के पॉइंट की जैसे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें जैसा कि आप यहां देख सकते हो आ, एक उदाहरण लेते हैं जैसे ए बराबर हमने ले लिया एक दो तीन चार ये एक वर्ग था इसका मुझे एक आंसर निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो एक संख्या के अंदर इसका मान क्या होगा तो एक दो तीन और चार इसको गुणा कर दीजिए ये बन जाएगा एक गुणा चार माइनस तीन दुना माइनस का दो आ जाएगा तो माइनस का दो माइनस का दो ही रहेगा माइनस का दो जो है वो माइनस का दो ही रहेगा आप उसको धनात्मक नहीं बना सकते ठीक है समझ आ रही है बात वेरी गुड बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जितना जल्दी कर सकते उतना जल्दी करेंगे दो को चार से करेंगे तो सारणिक का मान दो दुनी, चार माइनस इसको ऐसे इस को को से करेंगे तो तृतीय कोटि का अब ये कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए तो मान ज्ञात करना है मतलब ए बराबर इसको इससे गुणा करके इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इसको आप क्या लिख सकते हो सर ये एक्स स्क्वायर है ए प्लस भी ए माइनस भी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दीजिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का वन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सारणिक ए का मान ए आ जाएगा एक आ जाएगा ये किस में आया हुआ है ये आपका एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये वाला ये वाला एमसीक्यू का क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें तीन गुणा तीन की तीन गुणा तीन तीन कोटी के आ, अगर हम सारणिक की बात करें तो आपको ध्यान क्या रखना है छोटी सी बात ध्यान रखो मोय मोय इधर आ जाओ मैंने खट्टी खाई तो थी इधर आ जाओ देखो ए अगर आपको दिया गया है इसको मैं डायरेक्ट सारणिक के रूप में लिख रहा हूं आव्यू है पर सारणिक के रूप में लिख ले रहा हूं तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और मैंने खट्टी टॉफी खाई थी चलिए देखिए जब हम इसके तीन गुणा तीन की सारणी को ओपन करेंगे ना तो दो तीन छोटी चुट छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी कौन कौन सी इसमें ब्रैकेट नहीं आता

अगर मान लीजिए मैं मुझे इसको स्तंभ के अनुरूप करना पड़ा तो स्तंभ से भी कर सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है C1 के अनुसरण भी वन के अनुदेश भी प्रसरण कर सकता हूं सी टू के कर सकता हूं सी थ्री के कर सकता हूं लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आती है इसके साइन की कि इसका साइन कैसा होगा तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा तो चिक्का ढिंग का चिक्का 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 इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीन गुणा तीन मैट्रिक्स को जब कभी भी हम ओपन करेंगे तो एक बीच में डायमंड बना लेंगे डायमंड हीरा ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस और बाकी जितने भी चपड़गंजू हैं इन सबको प्लस कर दो याद रखने का तरीका है डायमंड से याद रह जाता है है ना बाकी तो चॉइस है आपकी वैसे डायमंड से याद जल्दी थोड़ा सा हो जाता है बस अगर अगर देख लो ये आर वन है आर वन के अनुदेश करूंगा तो ये आर टू के अनुदेश करूंगा तो ये और आर थ्री के अनुदेश करूंगा तो ये अगर C1 के के है करना है तो ये C2 के अनुदिश ये और C3 के अनुदेश करूंगा तो इस तरह से प्रसरण आएगा मैं एक दो तीन आपको बता देता हूं तक किस तरह से करना है है ना जैसे मान लो अगर मैं बाल रहा हूं मान लेता हूं आर वन के अनुदिश आर वन के अनुदिश्रसरण आर वन के अनुदिश अभी प्रसरण करेंगे तो पहला साइन प्लस का इसके ऊपर भी साइन वाइन लगा दे थोड़ा सा मजा आ जाएगा ये प्लस माइनस प्लस ठीक है तो आपको क्या करना है ध्यान रखना पहला अवयव लिखा फिर यह पंक्ति गई और यह स्तंभ गया फिर बोल रहा हूं यह पंक्ति गई और यह स्तंभ गया जो बचे हुए अवयव है उनको लिख दो तो बचे हुए अवयव क्या है इसको आपको इसमें लिखना है ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीक है फिर माइनस का साइन तो माइनस का ए वन टू फिर ए वन टू वाली पंक्ति स्तंभ गया और ये पंक्ति गई कौन बचा ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री तो ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री और फिर तीसरा वाला जो अवयव है वो प्लस का ए वन थ्री है इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए आपको यह लिखना है ए वन थ्री कौन सा वे है? ये वाला ये दोनों गए तो क्या बचा ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन और ए थ्री टू और इसको दो गुणा दो को दो गुणा दो को तो खोलने का तरीका आपको सबको पता ही है इससे आपके पास सारणिक का मान आ जाएगा ए वन वन आ गया इसको इधर गुना कर देंगे तो ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री माइनस ए वन टू और ये बन जाएगा ए टू वन ए थ्री थ्री ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री प्लस ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए टू टू और ए थ्री वन इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन है ना एक मजेदार क्वेश्चन आता है क्या कि जरूरी है कि इसको आर वन के अनुदेश करें किसी के भी अनुदेश कर सकते हो आप किसी के भी जो आपको अच्छा लगे उसके अनुदिश कर दो बट कोशिश ये करना कि जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसी के अनुदेश प्रसरण करें फिर बोल रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसी के है ना जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसी के अनुदेश प्रसरण करना है क्यों ताकि जीरो से गुणा होकर okay, जल्दी सॉल्व हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसी के अनुदेश हम करेंगे अब जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना अब इसमें सबसे ज्यादा जीरो कैसे हैं देखो मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आपने रट लिया और रटने वाला जीवन में हमेशा दुखी पाता है जैसे ये प्लस का है ये माइनस का है ये प्लस का है आर वन के अनुदेश अगर मैं इसका प्रसारण करता हूं तो ये एक आ जाएगा डेल का मान कितना आ जाएगा ये एक आ जाएगा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो इधर आ जाएगा तीन को जीरो से करेंगे जीरो एक को जीरो से करेंगे जीरो फिर माइनस का दो आ जाएगा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया माइनस एक को जीरो से करेंगे तो जीरो चार को जीरो से करेंगे तो जीरो और तीसरे वाले की अगर हम बात करें जो कि है प्लस का चार तो ये पंक्ति गई और यह स्तंभ गया यहां पर देखो कितना आ रहा है माइनस एक को प्लस एक से करेंगे तो माइनस एक और माइनस का चार तिया बारह समझ में आया वापस बताऊं देखो इसकी बात करी तो ये दोनों गए अरे 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 ये दोनों गए तो क्या बच गया इधर से ये बचा इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो सर आप इन दोनों को लिख सकते हैं हम कि तीन को जीरो से करेंगे जीरो एक को जीरो से करेंगे जीरो ठीक है फिर आप दूसरे वाले पे आ जाओ ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो एक को जीरो से क्या जीरो चार को जीरो से क्या जीरो फिर तीसरे वाले की बात करते हैं तो ये पंक्ति ये स्तंभ क्या एक को एक से किया जीरो और चार को तीन से करेंगे तो बारह आ जाएगा माइनस का बारह अब आप इसको यहां पर देख सकते हो डेल बराबर ये जीरो ये जीरो चार बारह और एक तेरा बारह और एक तेरा तेरह चौक बावन माइनस का बावन आंसर आ जाएगा किस किस का माइनस बावन आ गया अरे वाह बहुत बढ़िया दिल जीत ले हो तुम हमारा अब अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ना करता ये मैंने किसके अनुदेश प्रसारण किया है आर वन से ये किसके अनुदेश किया है आर वन से अब क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप चाहो तो सबसे ज्यादा जिसमें हो उसी से आपको इसको गुणा करना है ना सबसे ज्यादा जीरो किसमें है तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा जीरो जो है वो आ रहा है किसमें तीसरे वाले स्तंभ में तो ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का देखो अब यहां लिखो थी, सी सी थ्री से सी थ्री के अनुदिश प्रसरण करने पर C3 के अनुदिष्ट प्रसरण करोगे तो देखो ये पंक्ति गई इसको लिखो ये आपने चार लिखा प्लस का चार ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का चार माइनस का एक और माइनस का बारह ठीक है फिर है माइनस का जीरो और फिर है प्लस का जीरो तो यहां पर तो गुणा भी करना पड़ा था आपको देखना भी पड़ा था लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं, नहीं है यह आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि डेल का मान माइनस का बान आ रहा है तो चॉइस आपकी है कि आप किस तरह करना पसंद करते हैं अरे टूट पड़ो वाले याद है क्या आपको जीरो पे नहीं टूट जीरो पे टूट पड़ो एक पे टूट पड़ो है ना ये समझ में आया अब आप बात करते हैं कोई भड़काऊ क्वेश्चन की करते हैं चलो एक भड़काऊ क्वेश्चन उठाते हैं अब जैसे ये दे देर कि दो सारणी के आपस में बराबर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए क्या करेंगे आप इसको गुणा कर देंगे इधर तो ये क्या आएगा तीन एकम तीन माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर तीन एकम तीन माइनस चार धुनी आठ तीन एकम तीन और चार दुनी आठ तो ये बनेगा तीन माइनस एक्स स्क्वायर आठ तीन में से आठ गया माइनस का पाँच इस तीन को इधर भेज दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर वैसे तो तीन से तीन सीधा भी कट रहा था है ना इस तीन को इधर भेज देंगे तो वापस माइनस का आठ बन जाएगा और यहाँ से माइनस से माइनस उड़ा दो तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा आठ एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस दो रूट दो चिक्का झिंका चिक्का 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 देखो देखो फटाफट देख लो फटाफट एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल चार इसमें क्या है अब तुम लोग देख के घबराते हो ना यही तो दिक्कत है तुम्हारी देखो इधर किसी के भी अनुदीश कर दो चलो आर वन के अनुदीश ही कर देते हैं आर वन के अनुदीश यही दिक्कत है तुम लोगों के साथ यार तुम लोग देख के घबरा जाते हो मैं मैं एक बात बताता हूं हम जीवन में हर इंसान पर भरोसा करते हैं हम जीवन के अंदर उस हम जीवन में एक धागा बांधने पे विश्वास करते हैं गले में डोरा बांधने पे विश्वास करते हैं बबूती पे विश्वास करते हैं टीके पे विश्वास करते हैं है ना पेड़ के चारों तरफ घूमने पे विश्वास करते हैं लेकिन एक ही चीज पर विश्वास नहीं करते हैं वह है खुद पर जिस दिन खुद पर विश्वास कर लोगे शायद हो सकता है उस दिन तुम तुम्हारी किस्मत खुद लिखने के काबिल बन जाओगे अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग हर उस चीज के पीछे पड़े रहते हो जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया पड़ी सिर्फ नहीं करते हो तो खुद पर विश्वास आपने टॉपिक सीख आपने सीखा इसको अप्लाई करो साला क्वेश्चन कैसा भी हो? होगा अगर सही से सीखा है तो वो होकर ही रहेगा भी ऐसा नहीं नहीं हो सकता है कि उसका आंसर आए जमाने पे विश्वास कर लेंगे कोई ये बता देगा वो बता देगा डोरा बांध लेंगे गले में ताबीज बांध लेंगे सब कर लेंगे नंगे पांव चल जाएंगे सोते सोते चल जाएंगे लेकिन एक चीज नहीं करेंगे खुद पे विश्वास करना और यही सबसे ज्यादा इजी है इसी को आपने सबसे ज्यादा हार्ड बना रखा है आ जाओ चलो देखो फटाफट आप कह रहे हो तो प्लस माइनस प्लस हमने पहले वाले से इसको हल किया पहला वाला तो वैसे ही खानदान खत्म है जीरो दूसरा वाला माइनस का साइन एल्फा ठीक है माइनस का साइन एल्फा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया ये पंक्ति गई कौन बच गया कौन बचा आप बोलोगे इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे जीरो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एल्फा और साइन बीटा ठीक है डायरेक्ट लिख रहा हूं अब तीसरे वाले को देखो फिर आता है माइनस माइनस कॉस अल्फा माइनस का कॉस एल्फा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसको इधर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा साइन बीटा ठीक है और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का जीरो इसको हल कर लो अभी देखने में डरावना लग रहा था अब देखो कैसा लग रहा है ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा इस पूरे को हल करो देखो ध्यान से एक प्लस का है एक माइनस का सारणिक का मान जीरो आ रहा है पल्ले पड़ रही, रही है कि नहीं पड़ रही अब बताओ हार्ड लगा कि नहीं लगा नहीं लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन देख के डर गए थे हम परिस्थितियां जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है वो उससे ज्यादा आसान होती है हमारा नजरिया उसको देखकर आसान बनाता है और हमारा ही नजरिया उसको देखकर कठिन बनाता है चलो आगे चलते हैं चिक्का छिक्का चिक्का चिक्का ढिंका चिक्का 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 को कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख ले यार ये देख लो एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना ठीक है चलो भाई आगे देखो बात क्वेश्चन ऐसा है इसको पहले समझो ये क्या कह रहा है कि ए एक आव्यू ऐसा है तो आपको ये दिखाना है कि दो को पहले ए से गुणा करना है फिर सारणिक का मान ज्ञात करना है इसमें पहले सारणिक का मान ज्ञात करना है फिर चार से गुणा करना है इसका मतलब क्या है पहले दो को ए से गुणा करना है पहले दो को ए से गुणा, गुणा करना है जैसे दो और यहां पर ए लिखा हुआ है ठीक है तो दो को ऐसे गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा अब कितना आ जाएगा आप कहोगे सर ये बन जाएगा दो दो दूनी चार दो चौक आठ दो चार अगर मैं यहां पर दो ए लिख दूंगा दो ए का सारणिक कर दूंगा तो यहां पर भी साइन आशा बन जाएगा दो चार आठ और चार आप क्या कहोगे सर ये तो सारणिक आ गया अब इसको गुणा कर दो, दो चौक आठ आठ चौक बत्तीस बत्तीस में से आठ गया चौबीस चोईस बचेगा ना बारह में से आठ गया चार चौबीस बचेगा माइनस का अब बात बात आती है ये इसको मान लो समीकरण एक ये आ गया आपके पास दो ए अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें जो कि है चार सारणिक ए पहले सारणिक ए निकाल लो सारणिक ए निकालोगे तो आ जाएगा एक दो चार और दो इसको आपस में गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सारणिक एक को दो से करेंगे दो आथ, चार आठ इसको हल करेंगे तो माइनस का आ जाएगा सारणिक का मान माइनस का छ अब इसको चार से गुणा कर दो तो चार सारणिक ए बराबर चार गुणा माइनस छ चार छिंग चोईस तो इसका मतलब आ रहा है चार सारणिक ए बराबर कितना आ रहा है माइनस का चोईस इसको मान लो समीकरण दो तो यहां लिख दो बस एक और दो से एक तथा दो से दो ए का मान जो है वो बराबर है चार सारणी के हो गया वेरी गुड बहुत बढ़िया सेम क्वेश्चन का है सेम पैटर्न का है क्वेश्चन तीन ए निकाल अब इसको मत देखना कि तीन ए बोला तीन गुणा तीन की सारणिक दे दी ए, कैसे करेंगे करने की जरूरत नहीं है यह भी वही कॉन्सेप्ट है जो मान लिखा है पहले तीन से गुणा करना है फिर सारणिक का मान ज्ञात करना है और इसमें पहले सारणिक का मान ज्ञात करना है फिर सत्ताईस से गुणा करना है जैसा कि पिछले वाले में किया था और कोई भड़काऊ क्वेश्चन सारा समिति सारा विधि जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है मतलब आपके उसमें सिलेबस में नहीं है इसका मान बताओ क्या होगा इसके मान में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं इसके मान में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कारण क्या है वो बोलते हैं कि प्लस माइनस का नहीं आएगा अरे भाई क्यों नहीं आएगा यार अगर मैं इसको गुणा करूं ऐसा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अट्ठारह दूनी छत्तीस इसको करूं ऐसा एक्स छत्तीस माइनस छत्तीस तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस छत्तीस बराबर जीरो एक्स स्क्वायर बराबर छत्तीस एक्स बराबर प्लस माइनस ऑप्शन बी आगे चलें सारणिकों के गुणधर्म ये आपके सिलेबस का पार्ट हट चुका है फिर भी अगर आपके सिलेबस में आता हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके बता दीजिएगा तो हम इसकी इसका पोर्शन भी कवर कर लेंगे ठीक है फिर आता है तरबूज का क्षेत्रफल फिर आता है तरबूज का क्षेत्रफल माना माना x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 किसी त्रिभुज के ठीक है अगर आ, सिलेबस में है ना तो कोई बात नहीं अपन एक काम ही कर सकते हैं पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे फिर लास्ट के अंदर हम ये वाला कवर कर लेंगे गुणधर्म का मैं आपको बता दूंगा ठीक है इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं अगर ऐसा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है यह बनेगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री और वाई थ्री और यहां पर आ जाएगा आपके पास एक एक और एक इस पूरे को इस तरह से लिख सकते हो सर x1 y1 वन यहां लिखना जरूरी है क्या मैं ऐसा लिख लूंगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 टू वाई थ्री तब भी आ जाएगा घबराने की बात नहीं ये सबसे सिंपल तरीका है अब इसको ओपन करना है तो वही प्लस माइनस प्लस का गेम खेलते हैं प्लस माइनस प्लस का खेला खेलते हैं ये प्लस माइनस प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स वन एक्स वन तो ये बन जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो और ये एक बटा दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री ठीक है फिर वाई वन एक्स वन के बाद अगर हम आर वन के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो फिर आ जाएगा एक्स टू तो प्लस माइनस का एक्स टू इसके अनुदिश कर रहे हैं प्रेसरण है ना ये प्लस माइनस और ये प्लस इसको उठा देते हैं ध्यान रहेगा आपको ठीक है इसके अनुदिश कर रहे हैं एक्स टू गया ये गया यानी ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो क्या बच गया ये बचेगा बच वाई वन माइनस एक्स टू गया एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस x2 ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो y1 वन माइनस वाई थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री और प्लस x3 अब है ना एक्सा अब घबराना मत कि पे तो बुक के अंदर माइनस आगे ये y3 थ्री माइनस वाई है अरे भाई माइनस कॉमन ले लोगे तो बुक वाला बन जाएगा मैंने कहा ना अपनी की हुई चीज पर विश्वास करो एक्स वाला पूरा पंक्ति गई स्तंभ गया तो वाई वन माइनस वाई टू इस तरह से आपके पास ये पद बनेगा किसी भी मेथड से कर सकते हो ना सारस मेथड से भी कर सकते हो आप पर आपको ना मेरी बात सुनो अगर आपको मास्टरी हासिल है सारस पर तो ही करना ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख लिया आ गया आ गया और फिर आप क्वेश्चन करने बैठे हो तो यहाँ से बहुत जोर से ऊपर से जा रहा है ऐसा मत करना अगर पेपर के एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल उसमें मॉडल पेपर में अगर है तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक पढ़ना है नहीं है तो मत पढ़ना छोड़ देना फिर कोई दिक्कत ही नहीं मॉडल पेपर तो वैसे भी उसके हिसाब से बनेगा आर वन से करें तब भी आंसर आएगा आंसर आ जाएगा ये काम का नहीं है ये तो बाद का पोर्शन है भाई आपको तो ये देखना है। इसको कैसे भी ओपन कर लो आप आर वन से कर लो आर टू से कर लो आर थ्री से कर लो सी वन से कर लो सी टू से कर लो सी थ्री से कर लो किसी से भी कर लो ठीक है आगे चले अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखो इससे क्वेश्चन बनता है इसमें क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित कम गया इसी में बता देता हूं इसमें एक पॉइंट लिख लो तीन बिंदु तीन बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो हो एक लाइन पर है क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं जीरो तो आएगा आएगा ठीक है

पांच और एक एक ठीक एक, एक, है आर वन के अनुदिश करें प्लस माइनस और प्लस ऊपर लगा रहा हूं तो आप समझ जाना है कि आर वन के अनुदिश ही क्षेत्रफल का प्रसार कर रहा हूं सारणिक का प्रसार कर रहा हूं तो तीन लिख दिया ये पंक्ति गई यह स्तंभ गया यह बन जाएगा दो माइनस एक खत्म माइनस का आठ ये पंक्ति गई आठ वाली यह स्तंभ गया आठ वाला तो यह बनेगा माइनस का चार और माइनस का पांच फिर प्लस का एक ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो माइनस का चार और पांच ध्वनी दस माइनस का चार और पांच दस एक बटा दो आपका आ गया दो में से एक गया एक एक को तीन से गुणा करेंगे तीन आ जाएगा माइनस पांच और चार नौ नौ आठ बेहतर तो प्लस का बेहतर आ जाएगा और दस और चार चौदह तो माइनस का चौदह आ जाएगा इसको हल करेंगे चौदह में से तीन गया ग्यारह यहां पर देख लो ना बेहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर पचहत्तर में से चौदह माइनस कर लो पांच में चार गया एक सात में से गया, एक गया छह इकसठ आ जाएगा तो इकसठ बटा दो वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है वर्ग इकाई जरूर लगाना एक एक्स्ट्रा क्यों इसलिए लगा रहे हैं ताकि तीन गुणा तीन का वर्गाव्यू बन जाए अभी तो बोला था कि सारणिक हमेशा तभी हल कर सकते जब वर्गाव्यु होगा अन्यथा नहीं कर सकते अगर आपको मैंने क्या कहा अगर आपको रीजन जानना है तो आप पूरा डिटेल देख सकते हो और अगर आप चाहते हो कि नहीं आप ये फॉर्मूला भी कर सकते हो डायरेक्ट याद एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री फिर माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन उसका उल्टा कर दो अगर इसको प्लस बनाना है ना इसको प्लस करना हो ना एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू <laughs> बीजी बेसिक शॉर्ट्स को रिमूव कर दिया जाए ये गए साहब वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है आगे चलें बहुत बढ़िया मजा आ गया साहब के त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रसनरेक का दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी सनरेक है तीन बिंदु या बिंदु संरेख है यदि 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है एक बटा दो ए ए बी प्लस सी और फिर बी सी प्लस ए और फिर सी ए प्लस बी एक एक और एक बराबर जीरो इस दो को जीरो में फेंक दो इस दो को जीरो में फेंक दो किससे प्रसार करना है इसी से कर देते हैं प्लस माइनस और प्लस तो देखो ए एज इज आ गया इसको इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस ए और माइनस का ए माइनस का बी आ जाएगा फिर माइनस का बी प्लस सी आ जाएगा फिर ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया ठीक है यानी कि आर टू आर वन वाली पंक्ति गई और आर सी टू वाला स्तंभ गया तो ये बन जाएगा बी माइनस सी और फिर तीसरा है प्लस का एक तीसरा है प्लस का एक इसको जीरो के बराबर लेके आना है को ना प्लस का एक और इधर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा ये पंक्ति का ये स्तंभ गया एक बी को इससे गुणा करना है तो बी ए प्लस बी माइनस सी सी प्लस ए ठीक है ये पूरा आ गया अब यहां पर एक बटा दो ए से ए गया काटा पेटी का माहौल बनाते हैं फिर a को इससे करेंगे तो ए सी और माइनस ए बी ठीक ये बी प्लस सी बी माइनस सी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर ठीक है अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमने तीसरे वाले को गुणा किया था एक को गुणा किया था इसको इससे किया और माइनस इसको इससे किया ठीक है तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी अगर हम बड़े प्यार से देखें ए सी प्लस का है एसी माइनस का है कट गया ए बी माइनस का है एबी प्लस का है कट गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट गया सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया जीरो आ जाएगा तो एक बटा दो बराबर जीरो आ जाएगा जीरो अतः त्रिभुज एबीसी संरेख है ठीक है थेके? इसलिए त्रिभुज एबीसी संरेख है इसलिए बिंदु एबीसी संरेख है सॉरी अतः बिंदु ए बी सी हो गया सुबह से पढ़ रहा हूँ बस कर दो अच्छा और और क्या करें बताओ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिस्कस कराऊंगा लेकिन लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो मैक्सिम बच्चों के नहीं आ रही है ना ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे कराएंगे लेकिन वो लास्ट में करा देंगे आगे चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का ही है एक क्वेश्चन ये वाला कर लो ये आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इसको उठा देते हैं ना जलेबी बाई को उठा दिया हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो इसमें क्या करना है क्वेश्चन दिया गया कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई है अब यहाँ पर है ना एक सोचने वाली बात है ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है इसने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक बटा दो इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख दो क्या है के जीरो चार जीरो जीरो दो एक एक, एक। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल चार वर्ग का ही है तो ये चार जो है ना प्लस माइनस का लेना है क्यों क्योंकि बिंदु के निर्देशांक प्लस के और माइनस के हो सकते हैं क्षेत्रफल कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है लेकिन क्योंकि हम के का मान निकाल रहे हैं तो ये प्लस का भी कर सकते हैं और माइनस का भी कर सकते हैं इस दो को इधर फेंक दो और इसका फिर प्रसार कर दो बस हो गया सॉल्व मैं तो प्रसार इससे करना पसंद करूंगा चलो कोई बात नहीं किसी से भी कर लो यार वैसे तो C2 से करना पसंद करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जीरो इसी में ही है तो इसको इधर भेज देंगे के एज एट इज़ आ गया या आ जाएगा ज़ीरो माइनस दो माइनस का ज़ीरो प्लस का एक और ये बन जाएगा चार दूनी आठ माइनस ज़ीरो बराबर प्लस माइनस आठ ठीक है इसको गुणा करेंगे तो माइनस का दो के प्लस का आठ प्लस माइनस आठ देखो आ गया ना ये साला फंसाने का काम करता है ये। अब एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का ले लो माइनस का दो के प्लस का आठ बराबर प्लस का आठ तो के का मान कितना आ रहा है जीरो माइनस का दो के प्लस का आठ बराबर माइनस का आठ तो ये बन जाएगा माइनस का दो के बराबर माइनस का सोलह माइनस से माइनस कट जाएगा के का मान फिर आ, आ जाएगा दो आठ सोलह माइनस माइनस इधर भी माइनस का आ जाएगा आठ और आठ सोलह और माइनस का दो से डिवाइड कर देंगे माइनस का माइनस कट जाएगा दो अठे सोलह के का मान जीरो भी आ जाएगा और के का मान आठ भी आ जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया क्षेत्रफल तो धनात्मक आएगा बिल्कुल सही कह रहे हो पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि के का मान अगर आपको निकालना है तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले सकते हो दोनों कंडीशन के लिए इसका क्षेत्रफल जो है इतना बन सकता है ठीक है आगे चलें चलो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और ये भी सेम क्वेश्चन हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 35 वर्ग का ही है तो के का मान ज्ञात कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले भी कर लेना अगला टॉपिक आता है ये रहा अगला टॉपिक आता है जो कि है माइनर और कोफैक्टर माइनर और कोफैक्टर अब ध्यान से देखना सर रूट हटा है तो रूट कहां हटा है ओके है ना अब अगला क्वेश्चन आता है उपसारणिक और सहकंड देखिए जिस पर टाइम देने की जरूरत तो है उस पर टाइम देंगे जिसको हम ऐसे ही पढ़ के निकाल सकते हैं उसको पढ़ के निकाल देंगे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी आपको तो उपसारणिक और सहकंड निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं उपसारणिक की बात करते हैं सबसे पहले जैसे मान लीजिए ए अगर आपको दिया गया है पहले बात करते हैं उपसारणिक की और चिक्का झिंका चिक्का 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 झिंका चिक्का उपसारणिक की बात करेंगे फटाफट देखो उप अच्छा एक बात बताओ वन शॉट क्लास लेने में मजा तो आता है ना है ना वन शॉट लेने में मजा आता है कि नहीं आता कमेंट करके बताना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है लेकिन मजा बहुत आता है ए बराबर कितना है जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू माइनर का मतलब बताऊं क्या होता है माइनर का मतलब माइनर का मतलब होता है उपसारणिक उपसारणिक का मतलब माइनर माइनर का मतलब उपसारणिक पानी का मतलब जल जल का मतलब पानी देखो किसी भी अवयव की मार, आपको किसी भी अवयव का आपको माइनर निकालना हो यानी उपसारणिक निकालनी हो तो आपको करना क्या है देखो पढ़ने वाले बच्चे अगर होते हैं ना क्लास में तो क्लास कब चालू करें और कब खत्म करें कोई टाइम का हिसाब किताब ही नहीं होता अगर पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं तो ये कंडीशन है जैसे मान लीजिए आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं और अब आप उसका वन शॉट ले रहे हो तो आपको ना अलग आनंद आता है क्योंकि आपको चीजें एक साथ सारी की सारी मिल रही है पूरे दिन, दिन साल जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मजा बहुत आता है बट धीरे धीरे जोश खत्म होने लग जाता है जोश किस बात का क्यों चाहिए आपको जोश भाई पढ़ाई करो ना जोश क्यों चाहिए बताओ जोश क्यों चाहिए आपको मतलब मेरे वजह तो दो आपको कि ये वजह है इसलिए जोश चाहिए क्यों चाहिए कोई नहीं जरूरत है चलो भाई आगे देखो मैं इसमें बता रहा था कि माइनर कैसे निकालते माइनर को जनरली हम एम से दर्शाते हैं कि एम वन वन कितना होगा हेलो एम वन वन कितना होगा तो आपको क्या करना है अगर एम वन वन की बात कर रहा हूं तो इस वाले अभियान को पकड़ लो इसकी पंक्ति छोड़ दो इसका स्तंभ इस छोड़ दो और जो अवयव बचा है वो लिख दो तो इसका अवयव हो जाएगा ए टू टू चिक्का झिंका चिक्का 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 हो गया बस इतना से करना था इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि M12 कितना होगा तो एम वन टू कौन सा है एम वन टू कौन सा है आप बोलोगे एम वन टू ये रहा पहले तो इसको उठातेम वन टू ये रहा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया बचावा अवय लिख दो चिक्का झिंका चिक्का 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 चिका चिका झिंका चिका, चिका, चिका मतलब अगर आप ऐसे समझना चाहो समझने के लिए बता रहा हूं इसके लिए ये होता है और इसके लिए ये होता है बस उल्टा कर दो इनको क्योंकि ये चारों के लिए होता है अगर मैं आपसे पूछूं सारणिक सभी अवयवों की निकाली जाती है ध्यान रखना केवल ऐसा नहीं कि दो ही अवयव की निकालेंगे एम वन वन हो गया एम वन टू हो गया अब इसी तरह से एम टू वन की अगर मैं बात करूं एम टू वन का है ये रह, ये रह, इसका अपोजिट कितना है एम वन टू तो एम वन टू आ जाएगा इसी तरह से एम टू टू अगर एम टू टू की बात करूं तो आप कहोगे पेन ही नहीं चल रहा बताओ इंक खत्म हो गई यार अरे एम टू टू की बात करूं तो इसकी जगह ए वन वन आ जाएगा चिक्का जिंका चिक्का रफ्तार बैच में मैथमेटिक्स की फीस कितनी है आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपने अभी तक कॉल नहीं किया है तो आप लोग कॉल कर सकते हो जिन बच्चों ने रफ्तार बैच नहीं लिया है, ले लीजिए रफ्तार का आइडिया अब आप आपको लग गया होगा कि अगर अभी नॉर्मल क्लासेस आपकी अगर इतनी अच्छी हो रही है तो रफ्तार में तो किस लेवल का कंटेंट होगा यार ठीक है तो इनमें चारे अव, चारों अवयव की निकलती सभी अवयव का उपसारणिक ऐसा नहीं कि आप केवल एक का निकालते हो सभी अवयव की, की निकालनी यही चीज अगर तीन गुणा तीन में हुई तो चिक्का झीं का चिक्का और चिक्का देखो।, ओ देखो देखो ओ देखो और देखो देखो जल्दी देखो अगर तीन गुणा तीन में हुआ तो जैसे मान लो ऐसे ले लेते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ये कितना होता है ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ये कितना होता है ए थ्री थ्री अब क्या करना है अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर तो वैसे भी निकलेगी है ना माइनर तो वैसे भी निकलेगा लेकिन सभी अभी आपका निकलेगा तो करें कैसे तो सिंपल टेक्निक क्या है फर्स्ट वाले के लिए अगर आपको माइनर निकालना है चिक्का जिंक का चिक्का एम वन वन के लिए माइनर क्या होगा देखो हल आप कर लीजिएगा मैं सिर्फ मान रख देता हूँ ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो ये बचेगा ए टू टू और ए थ्री टू ए टू थ्री और ए थ्री थ्री ये आ जाएगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ एम वन टू कितना होता है तो एम वन टू के लिए आप बताओगे एम वन टू जरा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो यहाँ पर आपके पास बचा क्या क्या है आपके पास बचा है ए टू वन चिक्का झिंका चिक्का ये पंक्ति गई स्तंभ गया ये गया ए थ्री वन और ए टू थ्री ए थ्री थ्री ये बचा है इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एम वन थ्री कितना है तो आप बोलोगे एम वन थ्री ये, ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो एम टू वन ए टू टू ए थ्री वन और ए थ्री टू ठीक है पंद्रह तारीख से स्टार्ट होगा ध्यान रखना पंद्रह तारीख से आप लोगों का रफ्तार स्टार्ट होगा तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है कोर्स ले सकते हो और प्लस अपनी जो पढ़ाई है उसको एक रफ्तार दे सकते हो हो सकता है आप अभी पचास परसेंट साठ परसेंट वाले बच्चे होंगे है ना साठ से सौ कैसे करना है वो रफ्तार के लिए है चालीस में आते हो तो चालीस से अस्सी कैसे करना है वो रफ्तार के लिए है अस्सी आते हो तो अस्सी से सौ कैसे करना है वो रफ्तार के लिए है उन बच्चों के लिए रफ्तार है ठीक है पंद्रह तारीख से पंद्रह दिसंबर से रफ्तार स्टार्ट होगा तो जिन बच्चों को लेना है पंद्रह तारीख से ले लीजिएगा अगर हम बात करें एम टू वन की एम टू वन मतलब ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो ये जाएगा हमारे पास आ जाएगा ए वन टू ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए थ्री टू और ए वन थ्री ए थ्री थ्री फिर अगर मैं आपसे पूछूं ये गया और ये गया तो ये चार बचेंगे ठीक है इसी तरह से एम टू टू कितना होगा टू टू मतलब बीच वाली पंक्ति गई बीच वाला स्तंभ गया तो ए वन वन कोने के चारों आदमी आ जाएंगे है ना ए थ्री वन और ए थ्री थ्री इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एम टू थ्री कितना है तो एम टू थ्री कौन सा ये तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया तो ए वन वन ए वन टू और ए थ्री वन ए थ्री टू ये पंक्ति गई यह स्तंभ गया तो ग्यारह बारह इकतीस बत्तीस परफेक्ट इसी तरह से अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं जो कि है आपका एम थ्री वन एम थ्री वन ये वाला है तो ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो बारह तेरह बाईस तेईस बारह तेरह बाईस तेईस बारह तेरह बाईस तेईस ठीक है इसी तरह से एम थ्री टू की बात करें तो एम थ्री टू ये पंक्ति का यह स्तंभ गया तो ग्यारह तेरह इक्कीस तेईस और थ्री थ्री की बात करें तो थ्री थ्री तो ये पंक्ति का स्तंभ गया ग्यारह बारह इक्कीस बाईस बोलो क्लियर सर ये हो जाएंगे हाँ होंगे तो वैसे भी चिंता मत करो होंगे तो वैसे भी इसको नोट करो फटाफट जल्दी से मैं एक मिनट में आया हेलो जी सर आप कौन से बोर्ड का पढ़ा रहे हो मैं तो सारे बोर्ड का हूँ बोर्ड से पढ़ा रहा हूं मतलब आप एमपी बोर्ड के हो यूपी के हो झारखंड के हो जम्मू कश्मीर के हो तब भी चलेगा अब आता है दूसरी बात अगर हम बात करें सहखंड की क्योंकि पहली चीज तो हमने देखा था माइनर यानी कि उपसारणिक और अब आता है सहखंड तो सहखंड का ना एक फॉर्मूला होता है और चिक्का झिंका चिक्का आ जाओ इधर फटाफट सभी बच्चों का ध्यान एक बार फिर से बोर्ड पर आ जाना चाहिए सह खंड सहखंड मतलब होता है को फैक्टर इसे मैं सी से दर्शाता हूं लेकिन आपकी किताब के अंदर ए से दर्शा रखा होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं आपको आप यूके आप बोर्ड में हो तो भी चलेगा इसका फॉर्मूला होता है सी आई जे इसको सी से दर्शाते हैं सी से या हम इसको ए से भी दर्शाते हैं सी से या ए से दर्शाते हैं तो सी आई जे बराबर माइनस एक की घात आई प्लस जे एम आई जे और चिक्का झिंका चिक्का हो गया बस इतना से करना है अब इसमें क्या होता है जैसे आपने देखा कि C.I.J. का फॉर्मूला जो है वो माइनस एक की घात आई प्लस जे एम आई जे होता है तो आपको करना क्या है इसको कोफैक्टर के नाम से जानते हैं जैसे मान लीजिए ए आपके पास एक आव्यू है चार पांच छह सात ठीक है और इसका आपको कोफैक्टर निकालना है जैसे दो दो गुणा दो में करना है ना वही तीन गुणा तीन में करना है नया कुछ भी नहीं है अब बात यह है कि यह जो है चार पाँच छः सात इसको करना कैसे है इसका कोफैक्टर निकालना है तो सी सी वन वन हम निकालेंगे सी वन वन देखो सी वन वन के लिए क्या होता है माइनस एक की घात एक प्लस एक और एम वन वन एम वन वन एम वन वन का मान कितना है इसका अपोजिट है सात तो ये आ जाएगा माइनस एक की घात दो गुणा सात बराबर सात आ जाएगा मैं अगर आपसे पूछूं सी वन टू कितना है तो आप कहोगे सर माइनस एक की घात तीन सी वन टू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला है ये पंक्ति गई स्तंभ गया इसका अपोजिट कितना है इसके लिए एम वन टू कितना है एम वन टू ये गया तो इसके लिए है छे. तो माइनस एक की घात तीन गुणा छ बराबर माइनस का ठीक है फिर इसी तरह से आता है सी टू वन तो माइनस एक की घात तीन C21 है ये पंक्ति गई स्तंभ गया तो कितना आ जाएगा पांच तो माइनस का पांच आ जाएगा और C22 टू टू माइनस एक की घात चार ये इसका अपोजिट कितना है चार तो ये चार आ जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको सारणिक के रूप में लिखिए को फैक्टर को सहखंड को इसको सारणिक के रूप में लिखोगे अगर आप इसको सारणिक के रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा वन वन सात वन टू माइनस छ माइनस पांच माइनस पांच और चार जल्दी बोलो फटाफट यहां पर कोई भी अपने मोबाइल नंबर ना लिखे क्योंकि आपके पास फिर इतने कॉल आएंगे कि आप लोग परेशान हो जाओगे इसलिए कोई भी बच्चा यहां पर किसी भी तरह का नंबर जो है वो पोस्ट ना करें मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया इस हद तक का कंटेंट होगा रफ्तार में जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते पिछली बार से दस गुना ज्यादा बेटर सर नींद आ रही तो सो जा कोई दिक्कत नहीं तो ये तो हुआ उपसारणिक है ना दो गुना दो का था तीन गुणा तीन के लिए भी ऐसे निकालेंगे अब ये कह रहा है कि छह का उपसारणिक ज्ञात कीजिए छह ये रहा छह इसका उपसारणिक मतलब ये गया ये गया तो ये निकाल दो तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो छह का उपसारणिक क्या बनेगा छ का उपसारणिक बनेगा एम टू थ्री ए दूसरी पंक्ति, ती, आ, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है दूसरी पंक्ति का तीसरा तो इसके लिए आ जाएगा सॉरी, एक, दो तो चौदह होता है ना हाँ तो आठ एक आठ माइनस सात दूनी चौदह माइनस का छह आ जाएगा मतलब एम टू थ्री का मान कितना है माइनस का छाया उच्चा उच्चिक्का चिक्का फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को मैच नहीं मिलेगी सर सिंपल ट्रिक पीछे से लिख दो और फिर नेगेटिव साइन से गुना कर दो मतलब सारणिक एक माइनस दो चार और तीन के सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए तो उपसारणिक और सभी अवयव के अच्छा अच्छा ठीक है तो हम सब एक काम करते हैं सबसे पहले एम वन वन निकाल लेते हैं एम वन निकाल लेते हैं एम वन एम वन वन एम वन वन ये है इसका अपोजिट तीन होगा एम वन टू एम वन टू ये रहा ये पंक्ति का यह स्तंभ गया तो चार होगा एम टू वन ये पंक्ति का ही स्तंभ गया माइनस का दो और एम टू टू एम टू टू ये वाला है, अवयव है पंक्ति का ही स्तंभ गया तो एक आ जाएगा फिर बता देता हूं एक के लिए तीन दो माइनस दो के लिए माइनस दो के लिए हो जाएगा आपका चार और तीन के लिए एक बन जाएगा एम टू वन अच्छा हाँ तीन के लिए एक बन जाएगा ना परफेक्ट एकदम अब ये कह रहा है कि इसके सेकंड ज्ञात कीजिए सेकंड तो सी वन वन मतलब माइनस एक की घात दो एक प्लस एक दो होता है M11 कितना है तीन ये आ जाएगा आपके पास तीन C12 वन टू की बात करें तो माइनस वन की घात तीन सी वन टू है ए वन टू है चार यहां पर चार तो माइनस का चार आ जाएगा सी टू वन कितना है माइनस वन की घात तीन टू वन है येरा तो ये बनेगा माइनस दो से गुणा कर दो ये प्लस का दो बन जाएगा और सी टू टू की अगर हम बात करें तो माइनस एक की घात चार ठीक है और सी टू टू कितना है यहाँ पर एक तो ये आ जाएगा आपके पास एक क्लियर नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं वो एडजोइंट में होता है जगह चेंज साइन चेंज जिस भी बच्चे ने रिपीट किया है ना ध्यान से पढ़ो भाई ओ बढ़ो भाई ध्यान से पढ़ो ये देखो कि सारणिक के अवयव और सारणिक के सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये, ये 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 बराबर जीरो होता है ठीक है किसी भी सारणिक का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो उस अवयव से उसके को फैक्टर को यानी कि उसके सहखंड को गुणा करके भी ज्ञात किया जा सकता है यहां से मैं दो पॉइंट लिख रहा हूं वो आप देख सकते हो यहां पर दो पॉइंट लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा किसी भी सारणिक का मान उसके अवयव जैसे ए वन वन है और इसके को फैक्टर को अगर आप सी से लिख रहे हो तो सी से लिख देना ए से लिख रहे हो तो ए से लिख देना ए वन वन जैसे ये ए वन वन है और ए टू वन है ए टू वन ए थ्री वन है ए थ्री वन इससे भी सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है और इसके अलावा यहां पर ए क्या है ये नोट है इसको ध्यान से देख लेना एक बार ठीक है ए क्या है अवयव और बड़ा वाला ए क्या है यह है सहखंड किसी भी सारणिक का मान उसकी पंक्ति के आ, संगत क्या बोलते हैं उसको संगत ही बोल सकते हैं। हां संगत ही बोलते हैं। अवयवों को उनके सहखंडों से गुणा करके योगफल करके प्राप्त किया जा सकता है अब अगर इसके अलावा हम दूसरा लेंगे ना जैसे मान लीजिए ऐसा ये तो एक पॉइंट हो गया और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें ना जैसे डेल बराबर अगर ए वन वन है ये ए वन वन है ठीक है प्लस ये ए टू वन है और ये ए वन टू है प्लस ए थ्री वन है और ये ए वन थ्री है जब इससे करते हैं तो इसका मान हमेशा जीरो प्राप्त होता है अब इस क्वेश्चन में ना यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इस वाले में यह कह रहा है कि सारणिक ये दी गई है इसके अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि की, सत्यापित कीजिए कि ए वन वन ए थ्री वन ए वन टू ए थ्री टू ए वन वन ए आपका जीरो होगा तो जीरो तो होना ही है भाई सत्यापित तो क्या करना है अब इसके अवयवों के उपसारणिक निकालो सहखंड निकालो और इसमें मान रख देना जीरो आ जाएगा नया कुछ है नहीं कोई चार पॉइंट चार में से कोई क्वेश्चन जिसको करने का आपको मन हो ये वाला देख सकते हो एक अंकित गुप्ता मांजा बाबू अरे बाबू मांजा ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए दूसरी पंक्ति कौन सी है ये दूसरी पंक्ति के अवयव तो है और इसके सैखंड भी है तो मतलब ये जो पंक्ति है इस डेल का मान ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति के अवयव और सैखंड तो ए टू वन और ए टू वन प्लस ए टू टू और बड़ा वाला ए टू टू प्लस ए टू थ्री और बड़ा वाला ए टू थ्री इससे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे करें अंकित जा यार अरे बाबू मांजा रे तो अब करना कैसे देखो अब तो आपको पता है सेकंड निकालते हैं ए टू वन की हम बात करते हैं तो ए टू वन होता है माइनस एक की गात दो प्लस एक तीन इसको सी से भी दर्शा सकते हैं ना यह पंक्ति गई यह स्तंभ गया तीन तिया नौ आठ धुनी सोलह नहीं इसमें आता है हां तीन तिया नौ आठ धुनी सोलह पहले काम करते हैं इसके लिए माइनर निकाल लेते हैं थोड़ा सा एक एक दो स्टेप ज्यादा होगा पर गलती नहीं होगी यह पंक्ति गई यह स्तंभ गया तो तीन तिया नौ माइनस आठ धुनी सोलह तो माइनस का सात आ गया ठीक है इसी तरह से एम टू टू निकाल लेते हैं एम टू टू बीच वाला पद है पंक्ति का पांच पंद्रह और एम टू थ्री आ गया टू थ्री है आखिरी वाला पद तो पंक्ति का स्तंभ गया पांच दुनी दस पांच दुनी दस माइनस तीन यह आ जाएगा सात ठीक है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है तो ए टू वन अच्छा ए का मान निकाल लेते हैं अब चलो ए ए ए ए दो रेख कितना होता है तीन एम टू वन कितना है एम टू वन है माइनस का साथ तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का साथ माइनस का साथ और इधर वाला प्लस का साथ बन जाएगा इसी तरह से ए टू टू कितना है पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ए टू थ्री है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस एक की घात पांच और ये आएगा सात तो ये माइनस का सात बन जाएगा मेरा दिल भी कितना पागर है आप ऐसे बीच बीच में आओगे तो कैसे समझ में आएगा गुरु इसके लिए रोज आना पड़ता है रोज मतलब शुरू से पढ़ना पड़ता है अब इन तीनों के मान इसमें रख दो तो बस ये जो निकाल दिया है इसको पर सामने जब तुम आते हो चिक्का चिक्का झिका चिक्का 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 ए टू वन ए टू वन का मान कितना है दो, दो गुणा इसका मान करेंगे सात प्लस जीरो और तीसरा वाला जो अवयव है वो है टू थ्री जो कि है एक और इधर से आ रहा है टू थ्री माइनस का सात माइनस का सात ये आ रहा है चौदह माइनस का सात और डेल का मान आ जाएगा सात हो मेरे साजन मेरे साजन वाह बेटा वाह अरिजीत की सेकंड कॉपी क्यों भाई किस खुशी में कैसे लोग हो खाओ पियो मस्त रहो यार ये भी फर्जी सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर आप निकालने एग्जाम के अंदर उसको उतना ही सॉल्व करना जितनी जरूरत है पूरा मत करने बैठ जाना टाइम जाएगा नहीं तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा डेल का मान बताओ पटापट झटपट बता दो डेल का मान क्या होगा कि डेल का मान याद कीजिए आपको भी पता है कि ये सहखंड है और आपको सिर्फ ये देखना है कि संख्याएं समान होनी चाहिए ग्यारह इकतीस बारह बत्तीस पग अठाओ ग्यारह ग्यारह बारह इक्कीस अठाओ इक्कीस ग्यारह अठाओ ग्यारह ग्यारह इक्कीस इक्कीस इकतीस इकतीस चिक्का चिक्का ढेंका चिक्का आ गया, गया चलो भाई आगे चलते हैं अब आवयु के सहखंडज और व्युतक्रम इसमें अप्लाई होता है जगह चेंज साइन चेंज जगह चेंज साइन चेंज कैसे देखो ये जो आवयु के सहखंडज है जैसे मान लीजिए ए आपके पास एक आवयु है एक दो तीन और चार तो इसका जो सहखंडज होगा सहखंडज बोल रहा हूं ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सहखंडज निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कौन कौन से जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन का सहखंडज आपको ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए से हम इसको लिखते हैं तो आपको दो स्टेप याद रखना है पहला देखो एक तो क्या है एक तो मेथड ये बनता है इसका कि ए आपको ये दे रखा है दो गुणा दो का एक आवयू है आपको इसका सहखंडज पूछा है तो आपको क्या निकालना है तीन दो स्टेप ध्यान रखना ना स्टेप्स ध्यान रखना पहला सहखंड निकालना है सहखंड ज्ञात करो और दूसरा स्टेप है सहखंड का परिवर्त सहखंड को आवयु रूप में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर परिवर्त बस इतना कर देना आ जाएगा देखो कैसे सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसने कहा सेकंड ज्ञात करो है ना तो सेकंड ज्ञात करने के लिए एम वन वन एम वन वन एक के लिए कितना होता है चार एम वन टू एम वन टू है ये वाला इसके लिए कितना होता है तीन एम टू वन एम टू वन तीन है इसके लिए कितना होता है दो और एम टू टू है एम टू टू के लिए कितना हो जाएगा एक एम वन वन है चार हो जाएगा एम वन टू है तो तीन हो जाएगा एम टू वन क्या टू हो जाएगा और एम टू टू के लिए वन हो जाएगा परफेक्ट अब हमारे पास दूसरा काम क्या है दूसरा काम क्या है ये तो आपने निकाल लिया इधर वाला पोर्शन अब हम निकालते हैं इसके सहखंड ये आपने निकाला इसका उपसारणी ठीक है सेकंड निकालना है यानी को फैक्टर को फैक्टर इंग्लिश में याद रख लेना नहीं तो ए और सी में कंफ्यूज हो जाओगे फिर ए वन वन ए वन वन कितना होता है माइनस या सी वन वन से लिखे ना स्क्वायर मजा आएगा अच्छा लगता है माइनस एक की घात दो एम वन वन का मान कितना है चार तो ये चार ही आ जाएगा सी वन टू माइनस वन की पावर तीन सी वन टू कितना है तीन तो माइनस का तीन आ जाएगा सी वन थ्री सी टू वन टू वन है दो तो माइनस एक की घात तीन और यहां आ जाएगा दो तो माइनस का माइनस का दो आ जाएगा और सी टू टू का मान कितना है माइनस एक की घात चार और यहां पर आ जाएगा एक तो यह बन जाएगा आपके पास एक ठीक है अब क्या करें सेकंड आपने देख लिया अब मैंने क्या कहा था कि सेकंड याद करो कर लिए सेकंड को आवियु रूप में लिख लेते हैं तो ये को आपके पास आवयु रूप में आ जाएगा ऐसा चार वन टू है माइनस तीन टू वन है माइनस दो टू वन है माइनस दो और टू टू है एक ये आपके पास आ गया सेकंड अब इसका परिवर्तन कर दो सी का परिवर्तन कर दो परिवर्त कर दोगे तो चार माइनस तीन है तो चार माइनस तीन माइनस दो एक है तो ये माइनस दो और, ये एक. और इसी को हम बोलते हैं यही होता है एडजोइंट ऑफ ए ये माताफोड़ी करनी पड़ेगी ये माता करने पड़ेगी अब ये दो गुणा दो के लिए भी है ये तीन गुणा तीन के लिए भी लेकिन अब अब बात आती है विक्साइल की ट्रिक 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 अगर एक नंबर में आता है तो ट्रिक ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे इसको कैसे जैसे अगर ए आपको दे दिया माइनस एक दो तीन और चार और आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है झटपट बताना है आपको एक सेकंड का टाइम है आपके पास सर स्क्वायर कहां से है स्क्वायर तो किया ही नहीं ना मैंने ये ये तीन कहाँ से है इन दोनों का योगफल है तीन एक और एक का योगफल दो एक और दो का योगफल तीन दो और एक का योगफल तीन दो और दो का योगफल चार फॉर्मूला बताया था ना सी आई जे इक्वल टू माइनस आई की पावर आई प्लस सीआईजेक्वल टू माइनस एक की पावर आई प्लस जे एमआई ये तो कोफैक्टर है ना आव्यू लिखा हुआ ना सेकंड को आव्यू के रूप में लिखकर परिवर्तन करना है बस वही आपका होता है अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ट्रिक क्या कहती है विक स्टाइल कहती है जगह चेंज साइन चेंज देखो इधर पहले बोल रहा हूं जगह चेंज फिर करना है साइन चेंज तो जगह चेंज मतलब इसका जगह चेंज जगह चेंज करोगे तो ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा माइनस एक और इन दोनों के साइन चेंज ये माइनस का दो और ये माइनस का तीन यही आंसर आएगा इसका ये है जगह चेंज साइन चेंज ये केवल दो गुणा दो के लिए है जगह चेंज साइन चेंज अब जैसे ये इसके पहले वाला क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन था इसमें क्या था एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन और चार और एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया आप कहोगे एडजॉइंट ऑफ ए जगह चेंज साइन चेंज इनके जगह चेंज कर दो चार और एक इनके साइन चेंज कर दो माइनस तीन और माइनस का दो इधर देखो क्या आया चार और एक माइनस दो और माइनस तीन माइनस दो और माइनस तीन चार एक कितने बच्चे चाहते हैं देखो अब तीन गुणा तीन का भी है अब तीन गुना तीन में अगर आप माइनर निकालने बैठ गए यानी कि उपसारणिक निकालने बैठ गए सैकड़ निकालने बैठ गए तो आपकी जवानी के दो साल खराब हो जाएंगे इतना टाइम चला जाएगा अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसका एक ट्रिक बता दीजिए जो कि मजा आ जाए बस हमारे दिल खुश हो जाए आत्मा तृप्त हो जाए हमारी ऐसा कुछ बता दीजिए आप जगह चेंज साइन चेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो आंसर आ जाएगा घूम फिर के बात हो जाएगी पहले तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो इसी से रिलेटेड अगर ए बराबर माइनस चार माइनस एक माइनस दो और तीन है तो एडज्वाइंट ऑफ ए का मान क्या होगा पहले यह बताओ और फिर तीन गुना तीन के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे तीन गुना तीन की ट्रिक भी बता दूंगा फिर मैं आपको पहले बोलो किसी को बताओगे नहीं फिर बताऊंगा। पहले बोलो किसी को बताओगे नहीं आप दो बाई दो के लिए है ना ऐसे तीन बाई तीन के लिए भी ट्रिक है चिक्का ठीक का चिक्का जल्दी बताओ सर इस बार कितने स्टूडेंट के सौ में से सौ आएंगे जितने पढ़ेंगे उतनों के आएंगे देखिए मेरा काम पढ़ाना है मैं पढ़ाने का क्रेडिट भी नहीं लेता कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपके सौ में से सौ आए तो उसका क्रेडिट मैंने ले लिया मैं लेता ही नहीं हूँ आपको भी पता है पिछले तीन साल से देखा होगा आपने मैं तो मेरा काम पढ़ाने का है आपका काम पढ़ने का है अगर आप पढ़ रहे हो तो सही है आ जाएंगे अभी कितने हजार बच्चे लाइव है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो वो चिक्का का चिक्का ऊपर सामने जब तुम मत हो और कुछ भी कहने से डरता है बहुत बढ़िया चलो दिमाग काम नहीं कर रहा अबे थोड़ी देर की बात है यार तुम लोग अभी से घबरा जाते हो एक तो थोड़ी सी देर की बात और है बस ये आवयु का सहखंड ही तो बताया था मैंने अभी आपको सहखंडज बता दिया ना इसको तो उठाओ ये काम करेंगे रुको 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 न, 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 न। ये तो बता दिया तीन गुणा तीन के लिए अव्यू का सेकंडर्स देखो ट्रिक से बता रहा हूं ट्रिक से बता रहा हूं ध्यान से देखना चलो सुनो अब ध्यान से तीन गुणा तीन के लिए ध्यान से देखना मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है एक दो तीन तीन दो एक दो एक और तीन और आपसे ये पूछा है कि बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा बताओ इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा अब प्रोसेस तो पूरा भारी है इसका कौन सा प्रोसेस तो बहुत बारी है इसका वो ही माता पूरी करते रहो पूरा का पूरा लिखो बहुत लेंदी हो जाएगा तो हमने ट्रिक निकाली ट्रिक क्या है कि एक, दो, तीन, को ऐसा का ऐसा लिखो। तीन दो एक को ऐसा कैसा लिखो दो एक तीन को लिखो दो एक और तीन इसके बाद आपको क्या करना है ये जो पहला और दूसरा स्तंभ है इसको एज एट इज उतार दो C1 और C2 को एज एट इज उतारना है पहला काम तो यही करना है एक तीन दो, दो दो एक पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप क्या है दूसरा स्टेप है कि ये जो है R1 और ये जो है R2, इसको भी एज एट इज उतार दो आर वन कितना है एक दो तीन एक दो फिर है तीन दो एक तीन और दो लिख दिया अब आपको क्या करना है ये जो पहला वाला स्तंभ है पहला वाला पंक्ति और स्तंभ है ये पहली वाली पंक्ति और स्तंभ जो है इस पे ऐसी एक लाइन खींच दो और इस पर भी ऐसी एक लाइन खींच दो ठीक है बस हो गया अब ये स्टेप्स किस किस को समझ में नहीं आए अगर किसी को नहीं आए तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकता है ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आए हो तो तो कमेंट करके पूछ सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आए हो तो कमेंट करके पूछ सकता है नहीं आया बहुत बढ़िया कतई जहर बोटो पे पहली पंक्ति भाई ये जो लिखा हुआ था इसको तो हमने एज इट इज लिखा फिर पहले स्टेप में क्या लिखा इन दोनों स्टार्टिंग के जो दोनों स्तंभ हैं उन दोनों स्तंभों को एज इट इज लिख दिया फिर जो दोनों पंक्तियां हैं उन दोनों पंक्तियों को एज इट इज लिख दिया इधर देखो मैंने ये ट्रिक पहले नहीं बताया कभी बताया होगा जेई वाले में बताया होगा शायद तक पहली दोनों पंक्तियों को पहले दोनों स्तंभों को ऐसा कैसा लिख दो ठीक है नंबर पूरा मिलेगा अरे यार एडजोइ निकालना है ना नंबर तो पूरा मिलेगा आपको तो एडजोइ से मतलब है ना भाई और दूसरे वे जो आर वन और आर टू है उसको एज इट इज लिख दिया बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा कैसे देखो एडजोइंट ऑफ ए अब आपको निकालना है ये दोनों बात समझ में आई अभी भी कोई ऐसा प्राणी है क्या जिसको समझ में नहीं आई हो एक मिनट रुको इसको थोड़ा सा जगह करते हैं इसमें इसको यहां ले जाते हैं और इसको यहां ले जाते हैं ऐसा करने से जगह मिल जाएगी खूब सारी बहुत बढ़िया थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं बहुत बढ़िया ऐसे और इसको उठा के इसके बराबर रख देते हैं ऐसे बहुत बढ़िया अब आपको करना क्या है देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना ये सारी माता फोड़ी से बचने का तरीका है सारणिक वारणिक ज्ञात करो और ये ज्ञात करो और वो ज्ञात करो फलाना ढिमका कोई जरूरत ही नहीं है सिर्फ इतना सा करना है यहां पर ये जो आपको पीला पापड़ दिख रहा है इसको इससे गुणा कर दो ऐसे तो ये आ जाएगा दो तिया छह माइनस एक को एक से करेंगे तो एक आ जाएगा ऐसे छह माइनस एक डायरेक्ट निकल रहा अभी अभी भी समझ भी नहीं इस में नहीं आया इसमें इसे रफ में लिखे फेयर में लिखना ना रफ में क्यों करोगे आया समझ में पहला पद समझ में आया कैसा है छह माइनस एक अब इसका दूसरा पद ये ये इसको आपस में गुणा करूं ये कितना आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये एक को तीन से करेंगे तीन माइनस तीन दुनिच है तो इसका दूसरा पद आ जाएगा तीन माइनस तीन दुनिच है और इसका तीसरा पद आ जाएगा ऐसा तीसरा पद क्या आ जाएगा तीसरा पद आएगा दो माइनस तीन दो नीचे इधर ऐसा चल रहा है इधर इधर वर्टिकल चल रहा है इधर हॉरिजॉन्टल चल रहा है इधर वर्टिकल चल रहा है और इधर हॉरिजॉन्टल चल रहा है इसको इससे कर देता हूं ध्यान रहेगा आपको कि जब ये सीधा चल रहा होगा तो वो उल्टा चल रहा होगा आडा चल रहा होगा अब आगे क्या करना है आगे देखो कलर ही खत्म हो गए कौन से कलर लें इसमें इन दोनों को गुणा करो तो एक को दो से करेंगे तो कितना आएगा दो माइनस तीन ती थी या नौ फिर इसको इससे करेंगे तीन एकम तीन तीन एकम तीन माइनस तीन दूनी छ फिर इसको इससे करेंगे तीन तिया थी नौ माइनस एक एकम एक फिर यस 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 डब डब इसको इधर गुणा करेंगे तीन एकम तीन माइनस दो दूनी चार दो दुनिया चार माइनस एक और तीसरा है एक को दो से गुणा करेंगे तो दो दो माइनस तीन दुनी छः ये आपका डायरेक्ट एडजोइंट ज्वाइंट ऑफ ए आ गया अब आपको ना तो माइनर निकालने की जरूरत है ना कोफैक्टर निकालने की जरूरत है ना उसका आव्यू बनाने की जरूरत है और ना ही उसका परिवर्त करने की जरूरत है अब ये एक बार में नहीं आएगा ये वाला पोर्शन आपको एटलीस्ट दो से तीन बार देखना पड़ेगा मैं फिर बोल देता हूं आपको करना क्या है देखो जो आपको सारणिक दे रखी है वो सारणिक ऐसी कैसे लिख लो ठीक है जो आव्यू दिया रखा उस आव्यू को इज लिख लो फिर सबसे पहला स्टेप क्या है कि C1 और C2 को, यानि कि C1 और 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 को 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 उतार उतार दो। दो। दूसरा स्टेप क्या है एक गया पांच तीन में छाइनस का तीन माइनस का चार माइनस का सात माइनस का तीन आठ माइनस का एक तीन माइनस का चार ये लीजिए जनाब प्लस तीन बराबर माइनस तीन हो जाएगा कौन सा प्लस तीन करू इसमें तो कोई माइनस का था ही नहीं छह में से एक गया पांच तीन में से छह गया माइनस का तीन दो में से छह गया माइनस का चार दो में से नौ गया माइनस का सात तीन में से छह गया माइनस का तीन 9 में से एक गया आठ तीन में चार गया माइनस एक चार में से एक गया तीन दो में छ गया माइनस का चार यह आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया किस किस का किस किस को पल्ले पड़ गया और किस किस के लिए बिल्कुल नया सा है ये अरे ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है भाई सब्जेक्टिव के लिए भी आप ये कर सकते हो गलत नहीं है ये सही है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दो छोटी छोटी सी बातें और बता देता हूँ आ गया ना आप चलो ठीक है आगे देखो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इन पॉइंट्स को ध्यान रखना काम की बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना पहला अगर एडजोइंट ऑफ ए को ए से गुणा करें या A को एड ऑफ ए से गुणा करें देखो ध्यान से एडजॉइट ए मतलब सहखंड अगर सहखंड को ए से गुणा करें या A को सहखंड से गुणा करें दोनों ही केस के अंदर इसका जो मान है डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं सारणिक को आई से गुणा करके सारणिक ए को अगर आप आई से गुणा कर देते हो तो इसका डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हो ए को एंट ऑफ ए से गुणा करके जैसे क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है और आपसे यह पूछा है कि यार इसका मान बताओ तो आप ये इससे भी निकाल सकते हो एक ही बात आएगी अलग अलग नहीं आएगा ठीक है समझ आया क्या अच्छा एक बात को आप में से कोई बता सकता है कि इसमें आई क्या है तत्सम का व्यू किस क्रम का जिस क्रम का ये होगा आई क्या है ठीक है यहां तक क्लियर एकदम मक्खन घी दूध दही छाछ सब हो गया बहुत बढ़िया दूसरा देखो अगर इस तरह से लिखा हो सारणिक ए बी तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं सारणिक ए गुणा सारणिक बी के रूप में सारणिक ए गुणा बी के रूप में जहां पर ए और बी क्या है ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यू है और बी क्या है समान कोटि के वर्ग दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस पर क्वेश्चन बनता है हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्लियर एक और चीज देखें बहुत बढ़िया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट बोल रहा हूं मतलब आपको ये तो करना ही है इस चैप्टर में से ये तो करके ही जाना क्योंकि इस पर एमसीक्यू का एक फोकट का क्वेश्चन मिलता है फोकट का कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की सारणिक निकालनी हो एडजॉइंट ऑफ ए याद करो और उसकी सारणिक याद करो तो उस केस में आप क्या निकालोगे सारणिक ए की घात एन माइनस वन जहां एन जो है एन एन क्या है ए की कोटी जो भी कोटी होगी जैसे मान लीजिए अगर तीन गुना तीन को आ तो तीन में से एक करके दो निकाल देंगे आंसर आ जाएगा <laughs> क्लियर बहुत बढ़िया एक और पॉइंट लिखिए कि अगर ए इनवर्स आपको ज्ञात करना हुआ तो आप इसको लिख सकते हो एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एड ऑफ ए जहां पर डिटर अब यहां पर दो केस बन सकते हैं यहां पर सारणिक ए का मान जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है दो ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अब यहां पर दो एक चीज और लिख लो एक पॉइंट और लिख लेते हैं जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स आ व्यकर्मणीय यदि सारणिक ए का मान जीरो के बराबर हुआ तो यह अवितकणी आव्यूह होगा और, और एक बार इंग्लिश का वर्ड हिंदी का वर्ड देख लेना मेरे को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट है इसमें ना नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू जीरो यहां तक क्लियर अवितकणी आयु कौन सा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं जब सारणिक मान जीरो के बराबर हो और भी किसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर जब सारणिक एक मान जीरो के बराबर नहीं येलो स्ट्रिप हटा दो एक मिनट रुको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां पर है ना दो केस बनेंगे अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है क्या देखो ये जो सारणिक ए है नेक्स्ट पेज पे देखो ये जो सारणिक ए है आपने अभी अभी देखा ए का व्युतक्रम है ना अगर आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला तो होता है ए इनवर्स बराबर एक बटा सारणिक ए एट ऑफ ए बड़ी आसानी से निकाल लेंगे साहब अब यहां पर दो केस बन सकते हैं क्या पहला केस तो यह बन सकता है कि सारणिक ए का मान अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे सारणिक भाई इसका मान जीरो नहीं होगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं लेकिन अगर जीरो हो गया तो उस केस में क्या करेंगे भाई यहां पर तो आपने देखा कि भाई ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हो गया तो उस केस में क्या करेंगे कौन बताएगा किसको पता है ये बोलो संगत और असंगत अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अब आएगा। साइन चेंज जगह चेंज नहीं है अस्तित्व नहीं है नहीं दोनों केस नहीं है ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप बता रहे हो या तो मेरे ख्याल से शायद वो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा एक मिनट रुको हाँ इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो एक मिनट रुको इसके बाद वाला टॉपिक है पहले इसको निपटाते हैं फिर इसके बाद वाला टॉपिक करेंगे और वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को बी से गुणा करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को बी से गुणा करेंगे उसका मान भी जीरो के बराबर आ सकता है या जीरो के बराबर नहीं भी होगा दोनों केस बन सकते हैं ठीक है सेकंड ज्ञात कीजिए तो फर्जीसा है आगे चलते हैं सत्यापित कीजिए कि ए और एडजॉइंट ए इनवर्स ज्ञात करना है फर्जीसा है मेन क्वेश्चन पे आते हैं इंपॉर्टेंट पे इसमें क्या कर, करना है ए दिया है बी दिया है ए बी का करना है और यह सत्यापित करना है कि ए बी का जो है वो बी के इनवर्स और ए के इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है जो है है ए बी का जो वो क्या है? कि बी के और ए के 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 गुणनफल बराबर होता है इसके बाद वाले टॉपिक में आएगा वो वो इन्वर्स से एकदम से क्लिक कर गया था ना इसलिए कोई बात नहीं देखो सबसे पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को देखने पर ये पता लग रहा है कि सबसे पहले आपको ए बी का गुणनफल ज्ञात करना है फिर उसके बाद उसका इनवर्स ज्ञात करना है तो ए और बी को गुणा करेंगे ए और बी को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा दो तीन एक और माइनस चार एक माइनस दो माइनस एक और तीन ठीक है गुणा करें गुणा करेंगे तो दो को एक से करेंगे दो आ जाएगा तीन को इससे करेंगे तो माइनस का तीन आ जाएगा आर वन को

और फिर दो को दो से किया माइनस चार तीन को तीन से किया नौ एक को एक से करा एक माइनस चार को प्लस माइनस एक से करेंगे तो प्लस का चार एक को दो से करेंगे माइनस का दो चार तिया बारह माइनस का बारह आ जाएगा फिर क्या किया दोनों को गुणा किया गुणा करने पर यह आ जाएगा माइनस का एक और नौ में से चार किया तो पांच आ जाएगा चार और एक मिलके पांच बन जाएगा बारह और दो चौदह होते हैं यह आपके आ गया आपके पास ए बी ठीक है अब इस ए बी को ना सी मान लो क्यों अब इसको ऐसे मान लो माना ए बी बराबर सी तो ये बन जाएगा सी का ये बन जाएगा टी बराबर माइनस एक पांच और पाँच माइनस चौदह मुझे निकालना है सी का इन्वर्स मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है तो इसका मतलब सी का इन्वर्स निकालना है इसका मतलब एक बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजोइंट ऑफ सी ये चाहिए होगा अब जो डिटरमिनेंट ऑफ सी है डिटरमिनेंट ऑफ सी है इसको तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ये आ जाएगा आपके पास चौदह और पच्चीस एक को चौदह को एक से करेंगे तो चौदह और पचम पच्चीस चौदह और पच्चीस हो जाएंगे दस और एक ग्यारह माइनस का ग्यारह पांच में से चार गया एक दो में से एक गया एक आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं एडजोइंट ऑफ सी कितना आएगा जगह चेंज साइन चेंज इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो ये माइनस का चौदह ये माइनस का एक और इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो माइनस का पांच और ये भी माइनस का पांच आ जाएगा इन दोनों को इसमें रख देते हैं ए बी वाले में है ना तो सी इनवर्स बराबर एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ सी एड ऑफ सी तो एक बटा सी इनवर्स का मान कितना आ गया ये आ गया माइनस का ग्यारह इसमें एक बात और लिख, लिख देना माइनस का ग्यारह विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं तो माइनस का ग्यारह और एड ऑफ सी का मान कितना आया चौदह पांच पांच एक चौदह पांच पांच एक परफेक्ट ये आपने निकाल दिया सी इनवर्स या ए बी का इनवर्स ये आपका आ गया ए बी का इनवर्स एक ही बात है <coughs> अब अगर हम बात करें ये तो आपने निकाला ए बी का इनवर्स अब अगर हम बात करें कि सर ए का इनवर्स निकालते हैं अब ए का इनवर्स होता है एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ठीक है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का मान कितना है दो तीन एक माइनस चार चार दुनी आठ चार दुनी आठ और माइनस का तीन माइनस का ग्यारह नॉट इक्वल टू जीरो अब ए आ गया एडजोइंट ऑफ ए निकाल देते हैं जगे चेंज साइन चेंज जगह चेंज कर दो माइनस का चार और दो आ गया साइन चेंज माइनस का एक और माइनस का तीन आ गया अब आता है बी की बात करते हैं बी की बात करते हैं बी का एक माइनस दो माइनस एक तीन एक माइनस दो माइनस एक तीन इसका क्या करना है सारणिक निकालेंगे तो ये आ जाएगा तीन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तीन में से दो गया तो एक आ जाएगा यानी कि जीरो के बराबर नहीं आ रहा एडज्वाइंट ऑफ बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो आप देख सकते हो इन दोनों की जगह चेंज कर दो ये तीन आ जाएगा एक आ जाएगा इन दोनों के साइन चेंज कर दो प्लस का एक आ जाएगा और प्लस का दो बन जाएगा सिंपल सा था ये तो कोई बड़ी बात नहीं है अब क्या करें अब क्योंकि हमें निकालना है अब b का इनवर्स और a का इनवर्स निकालते हैं कितना आता है इसको नाम दे देंगे समीकरण एक और b का इनवर्स और a का इन्वर्स हम निकालते हैं तो b का इनवर्स होता है एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ b एड ऑफ b एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a एड ऑफ a आए हुआ क्वेश्चन नहीं है ना तो b का मान तो आपका एक आ रहा था तो यहाँ से तो एक बटा एक और एडजेंट ऑफ बी का मान कितना आ रहा है ये आ रहा है तीन दो एक, एक. ठीक है और इसका मान कितना आ रहा है इसका मान आ रहा है ग्यारह इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस का एक बटा ग्यारह और एडजेंट ऑफ ए कितना आ रहा है माइनस का तीन माइनस का एक और दो इस माइनस के एक बटा ग्यारह को तो बाहर पटक देते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं माइनस के एक बटा ग्यारह को तो बाहर पटक देते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तीन दो एक, एक माइनस चार माइनस तीन माइनस एक दो इसको गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का एक बटा ग्यारह तीन चौक बारह दो एकम दो तीन तिया नौ दो दुनी चार माइनस का चार माइनस का एक माइनस का तीन और प्लस का दो तो माइनस का एक बटा ग्यारह माइनस का चौदह माइनस का सात और माइनस का पाँच माइनस का एक चौदह माइनस सात माइनस पांच एक चौदह माइनस पांच गड़बड़ है का एक बार वापस देखें हमारी मिस्टेक आ रही है एक जगह एक पॉइंट कौन सा गलत हुआ है इसमें से तो गलत नहीं लिख दिया अपन ने ये तो सही है तो गुणा में कहीं गलती हुई है फिर माइनस तीन दो एक एक ये तो प्लस के हैं सारे और माइनस चार माइनस तीन माइनस एक और दो तो हमारी मिस्टेक आ रही है एक जगह ये माइनस का पाँच आना चाहिए ना ये वाला आर वन को इससे गुणा करेंगे तीन तीन नौ दो दूनी ये चार होगा ये चार बन रहा है तो यहां से आपके पास आ रहा है माइनस का पांच या आ रहा है बी का इन्वर्स गुणा ए का इनवर्स इसको आप नाम दे दी दीजिए समीकरण दो <स्याँग> समीकरण दो समीकरण एक तथा दो से ए बी का 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 बराबर बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स होता है। तीन गुणा तीन में नहीं आता चिंता मत करो तीन गुणों तीन में तो आपको लगा सकते हो बस एक छोटा सा पोर्शन और बचा है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका छोटा सा पोर्शन और बचा है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा देख लो इसको एक, एक बार ये वाला पोर्शन देख लो जल्दी से मैं चाह रहा हूं गुणधर्म वाली क्लास जो है आपकी मैं चाह रहा हूँ गुणधर्म वाली जो क्लास है आपकी वो एटलीस्ट एक अलग से अपन एग्जाम टाइम में और सेपरेट क्लास रख लेंगे अगर आप चाहो तो हालांकि मैं आपको भी बताया दूंगा गुणधर्म का एक बार रिविजन जरूर करा दूंगा कैसे कैसे करना है जल्दी से स्क्रीन ले लो एक मिनट में मैं आया रे 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 ना 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 इश्क में जिंदगी का मजा मिल गया एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करना है इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोनों तरफ ए इनवर्स से चाहो तो गुणा कर सकते हो जैसे ये दिया गया है ना ऐसा ए स्क्वायर माइनस पांच ए प्लस सात आई बराबर जीरो हो अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ ए इनवर्स से ए इनवर्स से अगर दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ तो बन जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस पांच ए इनवर्स ए प्लस सात आई ए इनवर्स बराबर जीरो इसको अगर आप हल करोगे तो ये ए बन जाएगा माइनस पांच आई प्लस सात आई को ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो ए बराबर पांच आई माइनस ए इस का मान इसको निकाल सकते हो आप ए इनवर्स बराबर एक बटा पांच ये पिछले वाले उसमें टॉपिक में भी यूज में लिया था हमने ये आ जाएगा ए और पांच ए ए इनवर्स बराबर आई होता है ठीक है और इसको गुणा करेंगे तो सात ए इन्वर्स आ जाएगा परफेक्ट यहां से ए इन्वर्स का मान निकालना इस पूरे कचरे को उठा के उधर फेंक दिया इससे भी मान आ जाएगा और दूसरा तरीका कौन सा है एक और भी तरीका है इसका कि ए इन्वर्स बराबर एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एड जॉइंट ऑफ ए इससे भी निकाल सकते हो ये तो पहले भी हमने पढ़ा है है ना पहले भी किया हुआ है और ये भी है तो सारणिक ए का जो मान है वो कितना बन जाएगा तीन प्लस एक ये आ जाएगा सात और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जगह चेंज साइन चेंज इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो दो इधर आ जाएगा तीन इधर आ जाएगा इन दोनों के साइन चेंज कर दो प्लस का एक और माइनस का एक इन दोनों का मान इसमें रख दो इसने तो कहा था इसकी सहायता से ज्ञात करना है तो इसकी सहायता से तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं और वैसे अगर निकालना चाहो तो इससे भी कर सकते हो जिसका जो मन हो वो कर लो यार कोई दिक्कत तो है नहीं और कोई चलो इसका मान बता दो फटाफट छोटा सा टॉपिक और बचा है हाफ एन आवर का और उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर इसका बता दो फटाफट एडजोइंट ऑफ ए का मान कितना होता है अभी भी मैंने आपको बताया था जब कभी भी इसका मान आपको निकालना हो तो क्या करोगे सारणिक ए का मान निकाल के एन माइनस वन कर देना एन क्या है कोटी कोटी कितनी है तीन तीन में से एक गया तो दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इम्पोर्टेंट है मार्क कर लेना एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है अपॉन में सात आएगा मैंने फार्मूला लिखा ही नहीं है वहाँ एक बच्चा कह रहा है सर अपॉन में सात आएगा कहाँ गया वो मैंने इसमें फार्मूला लिखा ही नहीं है गुरु ये छः प्लस एक साथ है ये छ प्लस एक है मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है और यहाँ पर आपका ये पाँच नहीं यहाँ पर ये सात है ठीक है तो, तो, तो। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है अब क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस भी चल रहे हैं कि सर आप रुक जाइए माफ कर दीजिए दया करो भगवान दया करो मार दोगे आप हमें अगला क्वेश्चन देखो यदि ए कोटी ए कोटी दो का वित्वी आयु है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा ओ ये हुई ना कोई बात ये किसके बराबर होगा जल्दी बता दो फटाफट फिर निपटाएं यार छोटा सा पोर्शन बचा है खत्म हो जाएगा फिर अभी जल्दी से बता दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा तो आप बता सकते हो एक बड़ा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि इसका इनवर्स करो या डिटर्मिनेंट ये ऐसा लिखा हुआ है देखो किससे मैच कर रहा है ऑप्शन बी खत्म गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग क्लास का टाइम हो गया सारणिकों के आवियों के अनुप्रयोग पर से यह आता है इसमें आवियों के व्यक्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल ज्ञात करना गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को जाओ। बस थक गए जब शुरुआत में क्लास स्टार्ट की थी मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा क्लासेस लूंगा तो आपने कहा छह छह घंटे पढ़ेंगे पांच पांच घंटे पढ़ेंगे अब खत्म क्या रे गुंडा बनेगा हम तो जब रूम में एंटर करते हैं ना जैसे ऑफिस में जब जैसे एंटर करता हूं तब तक तो अंधेरा होता है है ना जब मैं बाहर निकलता हूं तो ऐसे आंखें ऐसी हो जाती है मेरी मैंने कहा यार इतना उजाला एकदम से कैसे आ गया खैर कोई बात नहीं देखो आप तो फटाफट इसको भी निपटाते जल्दी से ये सिर्फ इतना सा कह रहा है कि अगर कोई समीकरण ऐसी दी गई है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसके जो गुणांक है ना इनको उठा लो दो पांच तीन और दो और यहां लिख दीजिए एक्स और वाई और इस एक और सात को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए अब बोलो ये क्या बीमारी है चचा तो ये इस प्रकार की बीमारी है कि भैया इसको आपस गुणा करोगे तो यही समीकरण बनेगी दो को एक्स से करोगे दो एक्स एक प्लस, प्लस पांच वाई बराबर एक उधर देखो तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर सात उधर देखो है ना बन गया अब इसका मतलब है कि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं इस पूरे को आप ए लिख सकते हो इस पूरे को आप एक्स लिख सकते हो और इस पूरे को आप बी लिख सकते हो तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा ए <coughs> एक्स बराबर बी अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देता हूं देखिए ध्यान रखना प्री मल्टीप्लाई करना पोस्ट मत कर देना तो ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। प्री करना पोस्ट मत करना उधर मत लगा देना तो ए, ए इनवर्स से गुणा होके आई बन जाएगा आई गुणा एक्स बराबर ए इनवर्स बी तो यहां से एक्स का मान आ जाएगा ए इनवर्स बी अब आप बोलोगे ये क्या बीमारी है नहीं ये बीमारी इतनी सी है प्यारे ये बीमारी सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर ए इनवर्स का मान जो है वो हम निकाल सकते हैं एक बटा डिटरमिनेंट ऑफ एड ऑफ ए से और बी से फिर उसको गुणा कर सकते हैं बी कितना है ये है एक बार एक क्वेश्चन करके बता देता हूं पैटर्न तीन गुणा तीन में भी है सेम पैटर्न दो गुणा दो में भी है बस एड जोइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा तीन गुणा तीन में जिसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है प्रैक्टिस जरूर कर लेना बस प्रैक्टिस कर लोगे तो सब आसान है फिर तो दो दुनी चार माइनस पांच दिया पंद्रह हल करेंगे माइनस का ग्यारह आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो है ठीक है अब आता है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए है जगह चेंज साइन चेंज इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो ये दो और दो इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो ये माइनस का तीन और माइनस का पांच हो जाएगा अब क्या करना है अब आपको लिखना है x बराबर इनवर्स b a इनवर्स का मान कितना है a इनवर्स का मान है एक बटा माइनस का मान है आपका दो माइनस पांच माइनस तीन और दो और बी का मान कितना है आप बोलोगे बी का मान है एक और सात इसको अगर अंदर गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा माइनस का एक बटा ग्यारह दो को एक से गुणा करेंगे दो माइनस पांच को सात से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का पांच सत्ते पैंतीस तीन को एक से करेंगे तो माइनस का तीन और प्लस का सात दुनी चौदह इसको देखने पर यह पता लगेगा कि एक्स बराबर आ रहा है माइनस का एक बटा ग्यारह और ये माइनस का तैतीस और ये ग्यारह भाग लगाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस से एक बटा ग्यारह से भाग लगाएंगे तो ये तीन आ जाएगा और ये एक आ जाएगा माइनस का तो आप कह सकते हो कि एक्स बराबर तीन है और वाई बराबर माइनस एक है क्योंकि x आपने क्या माना था x और y के रूप में एक बच्चा कह रहा है चलो घर चलते हैं अबे घर पर ही हो बे पढ़ते पढ़ते पता नहीं आप लोग कैसे हो गए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग घर पर ही हो क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और दूसरा इंस्टाग्राम पर भी आप टैग कर सकते हो चलो आगे चलें तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है जैसे यही क्वेश्चन है सेम आलू प्याज कांदा भेड़े रांदा इसके बाद वाला क्वेश्चन है इस टाइप का है आता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हिंट के तौर पर देखो तीन दो चार माइनस दो एक और माइनस तीन तीन माइनस एक और दो और यहां पर आप लिख सकते हो एक्स वाई और जेड बराबर आप इसको लिख सकते हो आठ एक और चार अब वो सेम प्रोसेस है जो आपको आपने करना था आया सेम प्रोसेस है उस, उसी में करना है आपको चार पॉइंट छह में कोई फालतू की चीज है क्या ये तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ना इसमें कुछ नया तो है नहीं ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए और a इनवर्स का प्रयोग करके एक मिनट रुक जाओ बच्चों इसको सेव कर लेते हैं लाइट वाइट चल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे एक मिनट रुक जाओ बस इसको सेव कर लेते नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे जो भी बाय करके घर गया पाप लगेगा ध्यान रखना इश्क में जिंदगी कल चलो एक शायरी सुनते हैं अब तक बैठ के यार कुछ तो अच्छा करें <laughs> <laughs> कैसी शायरी सुनना पसंद करोगे बताओ आप तो मोए मोए की शायरी मैंने खट्टी टॉफी खाई थी <laughs> कहां गया यार <laughs> कि तरस गए हैं तरस गए हैं आपके दीदार को फिर भी दिल आपको ही याद करता है तरस गए हैं आपके दीदार को फिर भी दिल आपको ही याद करता है और हमसे ख़ुशनसीब तो आपके घर का आईना है हमसे खुश नसीब तो आपके घर का आईना है।, तो है जो हर रोज़ हर रोज़ इस खूबसूरती का इस खूबसूरती का दीदार करता है पीछे तो देखो पीछे कौन है कोई नहीं है यार अच्छा खत्म यार वो भी मस्त था एक टाइम बहुत सही चलाता पीछे तो देखो पीछे वो क्या मुगरी का बच्चा पीछे तो देखो मेरा तो नहीं है देखा था क्या आपने मेरा तो नहीं है पीछे तो देखो पीछे तो ए याद कीजिए और ए का प्रयोग करके देखो मैं बताता हूं आपको पागल बनाने के धंधे देखो आप कितने गजब के हैं इसको देखो और इसको देखो आपको लगेगा कि अलग अलग है लेकिन ये एक ही है अगर मैं इसी को 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 ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या दो माइनस तीन पाँच तीन दो माइनस चार और एक एक और माइनस दो ये एक्स वाई और जेड और यहां पर आ जाएगा ग्यारह माइनस पांच और माइनस तीन ठीक है अब क्या कर सकते हैं सर इस पे देखने पर पता लग रहा है कि ये जो है वो ए है ये जो है वो एक्स है और ये जो है वो बी है ठीक तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी अब इसने कहा इसका उपयोग करके यहां पर ये जो गेम है ना वो यहां पर है ये कह रहा है कि इससे ए इनवर्स निकालो और फिर ए इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण को ज्ञात करो इस समीकरण को हल करना है तो इससे ए इनवर्स निकालना पहले आपको सारणिक यदि ए बराबर ये आ, के रूप में लिखा हुआ होगा इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अब ये जो ए इनवर्स है ना वो इससे निकलेगा ना कि आपको इससे निकालने की जरूरत है इससे ए इनवर्स निकालने का मतलब पता है आपको एक क्वेश्चन कराई देता हूं यार इतनी दूर आए तो चलो एक और से है क्या कहते हो तो ए इनवर्स की अगर हम बात करें इस वाली समीकरण इसको देखो आप ए बराबर कितना है ए बराबर दिया गया है नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा इसको ये बराबर है दो माइनस तीन पांच तीन दो माइनस चार एक एक माइनस दो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे सारणिक निकाल लेते of A के फटाफट निकाल लेंगे किससे उस वाले ट्रिक से है ना ट्रिक कौन सी थी भाई सबसे पहले आपको निकालना है सारणिक तो ये दो इज आ गया दो चार माइनस माइनस प्लस दो दूनी चार देखो वापस बता देता हूं दो इज आ गया दो दूनी चार माइनस माइनस प्लस दो दूनी चार फिर माइनस माइनस प्लस का तीन ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तो तीन दूनी छह ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया तीन दुनी छ माइनस माइनस प्लस चार और फिर आ जाएगा प्लस का पांच एक को तीन से करेंगे तीन एक को दो से करेंगे तो दो चार में से चार गया जीरो इसका तो खानदान खत्म हो गया छह में से चार गया दो तो दो ती या छ माइनस का छह तीन एजीज आ गया छ में से चार गया दो माइनस का दो को तीन से गुणा करेंगे माइनस का, का छह तीन में से दो गया एक को पांच से गुणा करेंगे पांच माइनस छः प्लस पांच कितना होता है माइनस का एक आ गया सारणिक ए का मान ये जीरो के बराबर नहीं है मतलब इसको ज्ञात किया जा सकता है अब जो मेन काम है ना आपका वो है एडजोइंट ऑफ ए निकालना इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा तो दो माइनस तीन पांच तीन दो माइनस चार एक एक माइनस दो अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था पहला स्टेप है स्टार्टिंग के दोनों सी वन और सी टू इन दोनों को एज इट इज कॉपी कर लो तो ये आ जाएगा दो तीन एक माइनस तीन दो एक फिर आता है आर वन और आर टू इसको एज इट इज कॉपी कर लो माइनस तीन तीन दो माइनस चार तीन दो अब पहली पंक्ति यहां से हटा दो यहां से हटा दो और इसको अब डायरेक्ट एडजोइंट के की फॉर्मेट में लिख लो एडजोइंट ऑफ ए एड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर यह आ जाएगा यहां से गुणा करें वापस ये दिख नहीं रहा होगा तो दो दूनी चार और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का चार ठीक है फिर यहां से इसको गुणा करेंगे एक मिनट को छूट गया क्या अच्छा बीच वाला छूट गया ना ये रहा पाँच एकम पाँच माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस दो तिया छ और फिर इसको गुणा करेंगे तो तीन चौक बारह प्लस का और माइनस का पांच दुना दस ठीक है दूसरा देखो कलर दूसरा ले लेते हैं हम ले लेते हैं ये ले लेते हैं ये काम में नहीं लिया इसको इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का चार माइनस माइनस प्लस तीन दूनी छः माइनस का चार माइनस का पांच माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का चार माइनस का पाँच और इधर से ये इधर से फिर ये आ जाएगा पाँच ता पंद्रह माइनस माइनस प्लस चार दूनिया आठ और फिर तीसरा है आपके पास इसको इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तीन माइनस दो माइनस तीन माइनस दो और तीसरा चार माइनस माइनस प्लस तीन तिया नौ आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए रफली मत करना आप इसको लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना एडजॉइंट ऑफ ए आपको जो अच्छा लगे वैसा कर लो यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो पहला पद जीरो फिर माइनस का एक जीरो फिर माइनस का एक फिर बारह में से दस गया तो दो माइनस का एक बारह में से दस गया तो दो छ में से चार गया तो दो और माइनस नौ पंद्रह और आठ तेईस तीन में से दो गया एक माइनस पांच और तेरह ये एट ऑफ ए आ गया अब क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि ए इन्वर्स आपको उससे निकालना था है ना क्वेश्चन में तो ए इन्वर्स होता है एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट ऑफ ए ठीक है, रिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था एक एक ही आया होगा हां माइनस का एक और एड ऑफ ए आ गया जीरो माइनस एक दो दो माइनस नौ तेईस एक माइनस पांच और तेरह ठीक है ये आपका ए इनवर्स आ गया क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला था कि ये निकालना है तो x बराबर ए इनवर्स बी है ए इनवर्स बी का मान रख देंगे बस x बराबर ए इनवर्स बी तो ए इनवर्स का मान तो आ गया माइनस एक जीरो माइनस एक दो माइनस नौ तेईस और एक माइनस पांच और तेरह और बी का मान की अगर हम बात करें तो बी का मान है आपका ग्यारह माइनस पांच और माइनस तीन ग्यारह माइनस पांच और माइनस तीन ठीक है माइनस को तो यहीं पड़ा रहने दो इसको गुणा करो आर वन को इससे गुणा करेंगे देख लो गुणा तो हो सकता है ना तीन गुणा तीन है तीन गुणा एक है ठीक है तो तीन गुणा एक की एक मैट्रिक्स बन जाएगी एक को ग्यारह से करेंगे जीरो को ग्यारह से करेंगे जीरो माइनस एक को पाँच से करेंगे तो प्लस का पाँच और दो को इससे करेंगे तो दो तिया छः आर टू को सी वन सी वन से करेंगे तो ग्यारह दूनी बाईस नौ पंजे पैंतालीस और तीन तिया नौ तीन दो नी छः एक को ग्यारह से करेंगे ग्यारह माइनस माइनस प्लस पच्चीस और तेरह तिया उनचालीस ये आपका आंसर आ गया ये आपका एक्स का मान आ गया माइनस से गुणा करना चाहो माइनस से गुणा कर दीजिएगा देखो पाँच और दो सात चार और दो छः सिक्सटी सेवन माइनस सिक्सटी नाइन माइनस का दो और इधर आना चाहिए पच्चीस और एक छब्बीस पच्चीस और एक छब्बीस और दस छत्तीस तीन आ जाएगा माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे इसको तो ये एक दो तीन आ जाएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्स बराबर एक वाई बराबर दो और जेड बराबर तीन ये क्वेश्चन बनता है साहब है मजेदार चीज मजा आया कि नहीं आया आलू प्याज कांदा का आंधा आ गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम अब आता है आपका एक पोर्शन और बचा है और जो है आपका गुणधर्म अब किस किस का मन है कि सर गुणधर्म भी कर ही लेते हैं अभी कितने बच्चे हैं कितने बच्चों को लग रहा है संगत और असंगत तो वही है वहीं पे आ जाएगा मतलब अब आप हो चुके हो ढेर है ना कोई बात नहीं मेरे को लग रहा था तीन चार घंटे में निपट जाता तो मैं आपको फिर गुणधर्म भी करवा ही देता बट कोई बात नहीं आप एक काम कर सकते हो हमारी इस साल की जो फोर्स वाली प्ले लिस्ट है ना उसमें गुणधर्म डिटेल में बताया गया है तो यहां तक का पोर्शन तो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा वो एक वीडियो देख लेना ताकि आपका बचा कुचा पोर्शन भी कवर हो जाएगा हाँ मैं गुणधर्म बता जरूर देता हूँ आपको ठीक है कोशिश करते हैं गुणधर्म आपको बता देता हूँ पूरा माइनस उनचालीस कैसा आया तेरह तीन उनचालीस होते हैं ना गुरु एक मिनट रुको एक बार जल्दी से पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का जल्दी से रिकैप कर लेते हैं रिक थोड़ी देर की बात है 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 ना जल्दी से देख लो फटाफट क्या करना है? कि एक आवयु का सारणिक इसके द्वारा दिया जाता है इसका सारणिक इस तरह इसके द्वारा दिया जाएगा अब एक काम की बात पर आते हैं ना सारणिक तो आपको पता ही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारी की सारी सारे के सारे गुणधर्म है एक बार ध्यान से देख लो किसी वर्ग आवयु ए के लिए सारणिक ए निम्नलिखित गुणधर्मों को संतुष्ट करता है पहला यदि सारणिक का परिवर्त कर दूं और फिर उसका सारणिक का मान निकालू तो कोई परिवर्तन नहीं होगा सिंपल सी बात बता देता हूं कि सारणिक का परिवर्त करके कोई आव्यू दिया गया है आपने उसका परिवर्त किया और फिर सारणिक का मान ज्ञात किया इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो एज ए टीजे रहता है उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हो मान लीजिए अगर आपको ऐसे दिया गया है ए बराबर एक दो तीन चार आपने इसका सारणिक निकाला तो ये आ जाएगा चार माइनस छः माइनस का दो अगर मैं इसका परिवर्त कर देता हूँ और फिर सारणिक निकालता हूं तो परिवर्त करने पर एक दो और तीन चार तो ये आ जाएगा चार इसका सारणिक निकालेंगे एक है परिवर्त का सारणिक निकालेंगे तो चार माइनस तीन दो छः। अभी भी माइनस दो है तो परिवर्त करने पर सारणिक का मान परिवर्तन परिवर्तित नहीं होता यही पहले वाला गुणधर्म है ठीक है दूसरा गुणधर्म क्या कहता है कि यदि हम दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा है ए बी सी डी एक दो तीन ले लेते ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ अगर मैं कोई भी दो पंक्ति कोई भी दो पंक्ति उठा लो आप उनको बदल दोगे अगर आप तो सारणिक का साइन में चेंज हो जाता है तो जैसे एक दो तीन है इसको मैं लिख देता हूं दूसरी जगह और चार पांच छह को ऊपर लिख देता हूं चार पांच छ एक दो तीन और सात आठ नौ तो ये कहता है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा तो बाहर की तरफ क्या आ गया माइनस आ जाएगा ठीक है ये दूसरा वाला कहता है तीसरा कहता है कि यदि सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है जैसा कि सारणिक का मान शून्य होता है ये रहा चौथा यह कहता है कि यदि हम एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ को के से गुणा करते हैं तो सारणिक भी के से गुणा हो जाता है पांचवा है पॉइंट है यदि एक सारणिक को के से गुणा करने का अर्थ है यह तो पंचायत है छोड़ो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जब कभी के को अंदर गुणा करते हैं सारणिक के और के आपके पास ए जो है ए की अगर मैं बात करूं ए तीन गुणा तीन का अव्यू है तो इसमें तीनों में से निकलता है C1 में से भी निकलेगा C2 में से भी निकलेगा और C3 में से भी निकलेगा इसलिए यहां पर के क्यूब आ गया है ध्यान रखना और एडज्वाइंट वाले केस में फॉर्मूला बन जाता है a की पावर n माइनस वन के रूप में फिर हमारे पास आता है यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो या अधिक अवयवों का पंचायत है छोड़ो यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव के समगुणज संगत अवयवों को वही इसी को इसी की तरह लिखा गया है तो कोई नया तो नहीं है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पंचायत हो गया फिर आ गया हमारे पास सेकंड आ चुका है और और और, और कोई पोर्शन बचा है क्या? सेकंड को हम इस तरह से लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका था ठीक है ये देख लो ये हमने किया था अभी वाला यदि समीकरण ए एक्स बराबर बी का एक अद्वितीय हल एक्स बराबर ए इनवर्स बी द्वारा दिया जाता है ध्यान रखना समीकरणों का एक निकाय संगत या असंगत होता है यदि इसके हल का अस्तित्व है अथवा नहीं है है और समीकरण में एक वर्ग के के लिए यदि सारणिक का मान बराबर है, तो अद्वितीय हल का अस्तित्व होगा यदि सारणिक का मान जीरो के जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो के बराबर है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी निकालते हैं जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा और जीरो के बराबर नहीं है तो उसका हल का अस्तित्व जो है वो भी नहीं होगा और सारणिक के बराबर जीरो है और एडजोइंट ऑफ ए गुणा बी बराबर भी जीरो है तो निकाय जो है आपका वो संगत या असंगत होती है निकाय जो है वो संगत या असंगत होती है ये था जनाब पूरा पोर्शन जो हमने डिस्कस किया ऐसा लगा मतलब मजा ही आ गया आपको क्या आज तो दिल खुश करते आप लोगों ने इतने बच्चे शुरू से एंड तक बैठे थे और आप लोगों ने देखिए एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि पढ़ने वाला बच्चा मिलना टीचर पढ़ाने के लिए रेडी रहता है पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है और आप लोगों ने तो आज वैसे भी कीर्तिमान रचाई है शायद मेरे ख्याल से अपने कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में पढ़ाई इतनी पहली बार करी होगी जिन बच्चों ने क्लास में शुरू से एंड तक थे कमेंट सेक्शन में बताया कि सर आप मैं इस इस राज्य से हूं और मैंने क्लास शुरू से लेकर एंड तक ज्वाइन करी और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब दीजिएगा ठीक है मजा आया कि नहीं आया मजा आ गया ना मजा आना चाहिए आपको मजा भी आना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए तो जिन बच्चों ने अभी तक रफ्तार बैच नहीं लिया है वो रफ्तार बैच ले सकता है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है लेक्चर्स प्रो और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है ये अगर आप कर लेते हो तो शायद आपको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपने इंस्टाग्राम देख लिया एग्जाम टाइम में तो आप छोड़ देना अभी अभी के लिए एक आध महीने के लिए आपने चला लिया इंस्टाग्राम मान लो तो आपको दो तीन छोटे चोट छोटे से काम करने हैं जैसे आप इंस्टाग्राम पर छोटी चोट छोटी वीडियो आती रहती तो कुछ सीखने को मिलता है आपको वहाँ पर हमारी वीडियो फर्जी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ संदीप विश्वकर्मा ये एंड तक था है ना और रणजीत फिर हर्षित द्विवेदी युवराज सिंह डिफेंस लवर और गुड्डू कुमार अभय शर्मा युवराज सिंह गौरव झा ये सब लोग वो थे जो शुरू से एंड तक जुड़े थे और इस कीर्तिमान को रचने में आप सभी लोगों ने बहुत बहुत योगदान दिया है एस एल एन शिवम कुमार बिहार भिहा, बिहार अच्छा बिहार से हो दुष्यंत फुलवारी अभय शर्मा और रणजीत आशीष खुशी नीलाक्षी चंदन कुमार आप सब लोगों ने शुरू से एंड तक ज्वाइन किया बहुत मज़ा आया एस नीलाक्षी गगन अंकित बहुत बढ़िया बहुत मजा आया आज की क्लास में इसकी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगी तो वहां से आप इसको देख सकते हो ठीक है अब इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलात करेंगे आ, कल की क्लास मिस मत करिएगा कल हम इन दोनों चैप्टर के पीवाई क्यू जो है एमसी क्यू वाला पोर्शन जो है वो कवर करेंगे ठीक है तो कल सुबह की क्लास एक और धमाकेदार शुरुआत के साथ केयर स्वस्थ रहे मस्त रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे और जोश और उमंग से भरे रहे जय हिंद